हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम टेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनवरी फुल मंथ के करंट अफेयर। इसमें जनवरी के जो भी टॉप क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ड्रोन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर होगा। ड्रोन ओलंपिक का आयोजन होगा बंगलुरु में। कहाँ पे होगा? बंगलुरु में। देखिए, इस मंथ में 21 फरवरी 2019 को होने वाला है एयरो इंडिया शो। उसी में भारत में पहली बार इंटरनेशनल लेवल का ड्रोन ओलंपिक होगा। इसके लिए एक वेब पेज भी लॉन्च किया गया है हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस फिल्म को एशिया साउथ ईस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म दिया गया है। फिल्म को ध्यान से पढ़िएगा, एशिया साउथ ईस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो इसका नाम है फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज। मूवी का नाम क्या है? फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज। यहाँ पे ये मूवी जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप चाहें तो देख भी सकते हैं। उसमें क्या है कि असम के डिब्रूगढ़ शहर में बहुत ज्यादा कचरा है एंड लोगों को पता उस कचरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग खुश भी हैं कि हाँ चलो कचरा है, इसे वो क्या मानते हैं? डिब्रूगढ़ की ब्यूटी मानते हैं। इस वजह से इस फिल्म का नाम क्या रखा गया है? फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज। असम के डिब्रूगढ़ से रिलेटेड है यह मूवी, काफी इंपॉर्टेंट मूवी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो देखिए, एक साथ कुल 6 स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, जिसमें राजस्थान का कौन सा स्थान सम्मिलित है? तो राजस्थान का है नीम राना की बावड़ी। क्या है? नीम राना की बावड़ी एक स्थान है राजस्थान के अलवर जिले में, जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। इसके अलावा और भी जगहों को किया गया है इसके साथ, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। जैसे ओडिशा के बोलंगीर जिले में है रानीपुर झरियाल में मंदिरों का एक समूह है। ओडिशा के मंदिरों के एक समूह को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ। देखिए, कभी क्या है ना कि अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो देन इट्स ओके कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट अगर आप मूव कर रहे हो पीसीएस के लिए, आप किसी भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, तो उसमें आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पुटअप करेगा। आपको 4 ऑप्शन देगा जिसमें से कोई एक नहीं होगा या फिर ये सभी होंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपको दे दिया है नीम राना की बावड़ी, यहाँ पे दे दे उड़ीसा के मंदिरों का समूह, ठीक, फिर दे दे कि उत्तराखंड का विष्णु मंदिर, और उसके बाद दे दे यूपी का आगा खां और हाथी खां की हवेली, और यहाँ पे आपको 5th ऑप्शन दे दे ये सभी। अगर कुछ लोगों ने बीपीएससी का आंसर देखा होगा तो उसमें इस बार जो क्वेश्चन आया था काफी टफ लेवल का था। मतलब क्वेश्चन टफ नहीं था, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था, क्योंकि सब में लास्ट में 5वां ऑप्शन दिया था ये सभी या इनमें से कोई नहीं, तो इस वजह से काफी कंफ्यूजन। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको जो भी स्टडी करना है आप डिटेल में करिए। ठीक, तो अब क्या है कि ये 5ों चीजें हैं, ठीक है, ये 6 चीजें हैं जिनको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, राजस्थान के अलवर जिले में है नीम राना की बावड़ी, ओडिशा के रानीपुर झरियाल में है मंदिरों का समूह, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है विष्णु मंदिर, फिर हमारा नागपुर महाराष्ट्र का जो उच्च न्यायालय है वो, ठीक, यूपी में आगा खां और हाथी खां की हवेली, इन्हें दिया गया है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सौभाग्य योजना काफी इंपॉर्टेंट योजना, आपको पता है इस योजना के तहत पूरे भारत में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। भारत में अगर अभी भी हम लोग बात करें तो बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पे विद्युतीकरण नहीं है, और ये जो योजना है सौभाग्य योजना, इसके तहत सभी गांवों में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, तो बात आ रही है कि इसमें कितने राज्यों को कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए 25 राज्यों को कंप्लीट कर लिया गया है। 25 राज्य ऐसे हैं जहां पे 100% विद्युतीकरण हो चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे टोटल तो 29 राज्य है, तो कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पे विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, उसे भी हमें जानना होगा। फॉर एग्जाम्पल असम, ओके, नेक्स्ट है हमारा राजस्थान, थर्ड है हमारा मेघालय एंड फोर्थ है हमारा छत्तीसगढ़। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पे अभी करीब 10 लाख घरों में विद्युतीकरण शेष रह गया है। ठीक, बाय द वे जो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि इसका जो लास्ट डेट था वो था 31 दिसंबर 2018, लेकिन अभी 4 राज्यों में विद्युतीकरण का लक्ष्य ना पूरा होने की वजह से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2019 तक। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सौभाग्य योजना की तिथि बढ़ा करके कब तक रख दी गई है, तो 31 मार्च 2019 तक इसकी तिथि को बढ़ा करके रख दिया गया है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है स्मृति मंधाना को। किसे चुना गया है? स्मृति मंधाना को चुना गया है महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये दूसरी हैं। अगर हम लोग बात करें कि पहली भारतीय क्रिकेटर कौन थी जिसे आईसीसी ने महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना, तो ये थी झूलन गोस्वामी।
कौन थी? झूलन गोस्वामी। इस समय स्मृति मंधाना के नाम कुछ और भी खिताब हैं, जैसे आईसीसी ने इन्हें अभी भारत न्यूजीलैंड मैच हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना है। क्या चुना है? प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना है आईसीसी ने स्मृति मंधाना को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तेलंगाना हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तेलंगाना हाईकोर्ट, सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम है कि तेलंगाना तो अभी भारत का 29वां राज्य है जो कि 2014 में बना है, तो इसमें हाईकोर्ट कहाँ से आ गया? देखिए, आपको पता है तेलंगाना किससे अलग हुआ है? तेलंगाना अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के भारत का 29वां स्टेट बना है तेलंगाना। अब आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट था वो कहाँ पे था? वो था हमारा हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ था? हैदराबाद में। लेकिन जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो ये जो हैदराबाद है ना, ये तेलंगाना की टेरिटरी में आ गया, जिस वजह से ये हाईकोर्ट जो आंध्र प्रदेश का था वो किसका हो गया? तेलंगाना का हो गया हाईकोर्ट। इसलिए वहां के जो पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है टीबी राधाकृष्णन। इससे जो हमारा अगला क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि आंध्र प्रदेश में भी तभी हाईकोर्ट बनेगा ना, नहीं तो आंध्र प्रदेश वाले अपना काम कैसे करेंगे? तो बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में भारत का 25वां हाईकोर्ट बनेगा। आंध्र प्रदेश में भारत का 25वां हाईकोर्ट बनेगा कहाँ पे? अमरावती में। याद रखेगा बनेगा क्या? बन चुका है आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का 25वां हाईकोर्ट बन चुका है। इसके अलावा अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और तेलंगाना के सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव। चंद्रबाबू नायडू अगर हम लोग बात करें तो भारत के सबसे अमीर सीएम है। भारत के सबसे अमीर सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला स्टेट है, यह भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कृषक बंधु योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? कृषक बंधु योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल में कृषक बंधु योजना शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने अपने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय जगह की शुरुआत कहाँ पर किया? तो ये किया है वाराणसी में। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इतना लंबा नहीं, आपसे सीधे पूछेगा कि भारत के किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की शुरुआत की गई है, तो कहाँ पे किया गया है? वाराणसी में। वाराणसी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहीं पे एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, वाराणसी में एक लग्जरी क्रूज चलाया गया है जिसका नाम है अलकनंदा। जिसका नाम क्या है? अलकनंदा लग्जरी क्रूज। इसके अलावा वाराणसी में फ्रेट विलेज की स्थापना की गई है। फ्रेट विलेज, आपको पता है कि वाराणसी में अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा मल्टी मॉडल टर्मिनल की स्थापना की गई है और वहां पे माल ढुलाई का काम होगा, इंटर इंटर स्टेट वहां पे ट्रेड होगा, इसलिए वहां पे फ्रेट विलेज भी बनाया जा रहा है। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनवरी में वाराणसी से? हमारा है 21 से लेकर के 23 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया गया था। कहाँ पे? वाराणसी में मनाया गया। तो ये थे वाराणसी से जनवरी में जो हमारे क्वेश्चन जनरेट हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, हाल ही में किस देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दिया है? तो ओपेक की सदस्यता किसने छोड़ा है? कतर ने छोड़ा है। ठीक है, किसने छोड़ा है ओपेक की सदस्यता? कतर ने छोड़ दिया है ओपेक की सदस्यता। ठीक है, कतर की कैपिटल क्या है? अच्छा, कब छोड़ा है? 1 जनवरी 2019 को कतर ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दिया। ओपेक है क्या? बार बार मैं ओपेक ओपेक बोल रही हूँ, आपको पता है ओपेक क्या है? ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगर हम लोग बात करते हैं पेट्रोलियम की, तो ऑल ओवर वर्ल्ड पेट्रोलियम अवेलेबल नहीं है। कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है और उनसे क्या करते हैं? हम ट्रेड करते हैं। ट्रेड करके हम क्या करते हैं? उनसे पेट्रोलियम को मंगाते हैं। ठीक है, तो ओपेक इसी का सदस्य था। ओपेक के पास भी पेट्रोलियम का भंडार था, लेकिन अभी उसने क्या किया है? कतर ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दिया है। कतर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आने वाला जो हमारा 2022 का फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा, ठीक है, फुटबॉल कप है, ये कहाँ पे होगा? कतर में होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस देश ने अपना स्पेस क्राफ्ट चांद के पिछले हिस्से पर उतारने में सफलता प्राप्त किया है? तो ऑब्वियस सी बात है, कौन करेगा? चीन करेगा। अभी तक किसी भी देश ने, ना ही अमेरिका ने ना ही रशिया ने, किसी भी देश ने चांद के पिछले हिस्से में अपना स्पेस क्राफ्ट नहीं उतारा। इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है इसमें? इंपॉर्टेंट ये बन सकता है कि जो स्पेस क्राफ्ट उतारा गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चैंग E4। क्या है? चैंग E4। इस स्पेस क्राफ्ट को उतारने के साथ साथ चीन ने वहां पे कपास का पौधा भी उगाया। चीन ने चांद के पिछले हिस्से में कपास का पौधा भी उगाया और ये दोनों काम करने वाला चीन पहला देश है, विश्व का पहला देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस कौन बने? तो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने हैं आसिफ सईद खोसा।
इनका क्या नाम है, आसिफ शहीद कोसा। और अगर हम लोग बात करें कि इस समय पाकिस्तान के पीएम कौन है, तो पाकिस्तान के पीएम है इमरान खान, ठीक। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो आरिफ अलवी है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है पाकिस्तान से हमारा, पाकिस्तान की एक प्लेयर है सना मीर, इन्होंने अपना 100वां T20 मैच खेला, इंटरनेशनल T20 मैच कौन सा खेला, 100वां। और ऐसा करने वाली ये एशिया की पहली महिला बन गई है, ये खिताब किसी भी देश के पास नहीं था, पाकिस्तान की एक प्लेयर है सना मीर, इनके पास ये खिताब आ चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान ने गन्ने के रस को अपना राष्ट्रीय पेय घोषित किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा ट्रेन 18, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत की सबसे तेज ट्रेन ट्रेन 18 को पहली बार नई दिल्ली और किस शहर के बीच चलाया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको मैंने पढ़ाया भी है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, वाराणसी और दिल्ली के बीच चलाया गया है ट्रेन 18। इससे हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वाराणसी से दिल्ली के बीच में क्या चला गया है, ट्रेन 18। यह इंजन लेस ट्रेन है और इसका निर्माण कहाँ पे हुआ, अभी जो यूपीपी का पेपर हुआ है उसमें आया था क्वेश्चन, इसका निर्माण हुआ है चेन्नई में। एक और क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हालांकि मैंने आपको पढ़ा दिया है, ट्रेन 18 ये कोई नाम नहीं था, 2018 में बनने के कारण और भारत की सबसे तेज होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया, ट्रेन 18, बट अभी इसका नाम चेंज किया गया है, आपको बताना है कि इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, माउंट विंसन पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी, माउंट विंसन, ठीक है, माउंट विंसन की चढ़ाई किया है अरुणिमा सिन्हा ने। अरुणिमा सिन्हा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगी, ये एक प्लेयर थी, स्पोर्ट्स वुमेन थी, लेकिन आपको पता है एक एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में ये अपने पैर गवा देती हैं, ठीक। आर्टिफिशियल पैर इन्हें लगाया जाता है एंड फिर ये अपना स्ट्रेंथ दिखाने के लिए ये बोलती हैं कि जो काम इम्पॉसिबल है मैं उसे करके दिखाऊंगी, और ये डिसाइड करती है कि मैं दुनिया की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं वहां पे जाऊंगी, ठीक। तो अरुणिमा सिन्हा ने माउंट विंसन की चढ़ाई किया और ऐसा करने वाली यह दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बन गई है। माउंट विंसन कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि मैंने अभी आपको मेंशन किया कि ये सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करती है, तो ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। यहाँ पे जो जाता है वो वापस नहीं लौटता, लेकिन इन्होंने चढ़ाई की वहां पे और ये लौट के भी आई। इसके अलावा 2013 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया, उसके बाद अफ्रीका का माउंट किलीमंजारो है, साउथ अमेरिका का माउंट अकांकागुआ है, यूरोप का माउंट एल्ब्रुस है और ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोजियस्को है, ठीक है, इन जगहों पर इन्होंने फतह कर लिया है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का 4G संस्करण कब से होगा, तो इसका संस्करण कब से, फोर्थ संस्करण होगा, ठीक है, यहाँ पे 4G नहीं होगा, फोर्थ संस्करण होगा, ठीक है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का फोर्थ संस्करण होगा, 4 से लेकर के 28 जनवरी के मध्य होगा, ठीक। किसके द्वारा यह कराया जा रहा है, यह कराया जा रहा है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। इसमें अगर हम लोग बात करें तो कुल 4,237 शहरों को कवर किया जाएगा, कितने शहर है, 4,237 शहरों को कवर किया जाएगा, और ये जो पूरी पूरी की पूरी प्रोसेस है इसको पेपरलेस किया जाएगा, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपरलेस और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ इंडिया काफी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा, अमेरिकी कांग्रेस में हिजाब पहनकर शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी मुस्लिम कौन बनी है, सॉरी पहली अमेरिकी मुस्लिम कौन बनी है, तो ये है इलहान उमर, कौन है, इलहान उमर बनी है। अगला क्वेश्चन हमारा कि पाकिस्तान में किस हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, तो पाकिस्तान का एक धार्मिक हिंदू स्थल है पंज तीर्थ, इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। इसका संबंध किससे था, इसका संबंध था महाभारत काल के पांडु से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीब लड़कियों की शादी 28,000 की राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया, गरीब लड़कियों की शादी के लिए एमपी की जो गवर्नमेंट है वो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 28,000 रुपये देती थी, और अब उसकी राशि बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो 51,000 रुपये कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में अभी मैंने आपको बताया था कि 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे और वहां के सीएम चुने गए हैं कमलनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम कौन चुने गए हैं, कमलनाथ। वहां की गवर्नर बोले तो राज्यपाल कौन है, आनंदी बेन पटेल, और वहां की कैपिटल क्या है, भोपाल है मध्य प्रदेश की कैपिटल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि 106वें इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन आयोजन के दौरान किस जगह पर टाइम कैप्सूल को गाड़ा गया, तो सबसे पहले एक यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ है 106, ये हुआ कहाँ पे है, तो ये जालंधर पंजाब में हुआ है, ठीक है। और इसमें एक टाइम कैप्सूल है जिसको गाड़ा गया है 10 फुट नीचे जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, कहाँ पे गाड़ा गया है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, आने वाले 100 सालों के लिए इस टाइम कैप्सूल को गाड़ दिया गया है, जिसे कब खोला जाएगा, 3 जनवरी
2119 में, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 2000 इस समय 19 चल रहा है, तो ये क्या होगा 2119 में इसको खोला जाएगा। और ये करेगा क्या, तो 100 साल बाद ये आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है उसकी झांकी दिखाएगा, ये टाइम कैप्सूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग जारी की गई है, इसमें पहला स्थान किस स्टेट का है, तो पहला स्थान किसका है, आंध्र प्रदेश का है, किसका है, आंध्र प्रदेश है नंबर 1 पे। सेकंड पे कौन है, सेकंड पे है महाराष्ट्र। थर्ड पे कौन है, थर्ड पे है हमारा दिल्ली, ठीक है। दिल्ली कौन से स्थान पे है, थर्ड पे है दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारा, किस 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2019 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, या मिला है ग्लेन क्लोज को, किसे मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, ग्लेन क्लोज। मूवी कौन सी थी, मूवी का नाम था द वाइफ, द वाइफ की एक्ट्रेस थी ग्लेन क्लोज, और इन्हें मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2019 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शैक्षिक वर्ष 2019-20 से नवोदय विद्यालयों में कितनी सीटें बढ़ाई है, ठीक, नवोदय विद्यालय के बारे में सबने सुना होगा, और इसमें सीटों की संख्या बढ़ा करके कितना कर दिया, 5000 बढ़ा दिया गया है, और अब ओवरऑल सीटों की संख्या कितनी हो गई है, 51,000। तो दोनों याद रखिएगा, कितनी बढ़ाई गई है, 5000, ओवरऑल कितनी हो गई है, 51,000 हो चुकी है। इसका मतलब पहले कितनी थी, तो 46 थी, 46,000 थी, ठीक है, कितनी थी, 46,000 थी। और ऐसा किया किसने है, तो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने यह किया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कर रहा है, ठीक, इसका निर्माण कार्य जारी है, यह कहाँ पे बन रहा है, तो गुजरात के अहमदाबाद में, अहमदाबाद में बन रहा है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, कहाँ पे बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है अहमदाबाद में, जिसमें कितने दर्शक बैठ सकेंगे, 1,10,000 दर्शक बैठ सकेंगे। तो हमें यह भी जानना होगा कि इसके पहले यह खिताब किसके पास था, इसके पहले यह खिताब था ऑस्ट्रेलिया के पास, किसके पास था, ऑस्ट्रेलिया के पास था ये खिताब, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक क्रिकेट ग्राउंड है जिसमें 1,04,000 लोग बैठ सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो भारत में बन रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा, जिसमें 1,10,000 लोग बैठ सकेंगे। थोड़ा सा गुजरात के बारे में जान लेते हैं, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ के सीएम है विजय रूपाणी। ऑस्ट्रेलिया से हमारा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, और यहाँ पे कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। और अभी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हो चुका है, तो इसके लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बना के दे दिया है, आप क्या करें कि जो लेटेस्ट करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, वहां पे आप ऑस्ट्रेलियन ओपन पढ़ लीजिए, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, मेलबर्न क्रिकेट मेलबर्न में ही हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व बैंक के प्रेसिडेंट ने 1 फरवरी 2019 को अपने पद से इस्तीफा देने की बात कहा है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है जिम योंग किम, उनका नाम क्या है, जिम योंग किम, इस समय विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, जिम योंग किम, और उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1994 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा, इसमें हुआ था ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था, और उसमें विश्व बैंक की संकल्पना की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आईएमएफ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री का पद किसने संभाला, तो आईएमएफ की पहली मुख्य महिला अर्थशास्त्री का पद संभाला है गीता गोपीनाथ ने, किसने संभाला है, गीता गोपीनाथ ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुकी हैं ये, ठीक है। और इंटरनेशनल आईएमएफ की अगर हम लोग बात करें कि इसमें निदेशक कौन है, तो इसमें निदेशक है क्रिस्टीना लेगार्ड, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है, जर्मनी से बिलोंग करती है, ठीक। आईएमएफ में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 189 है, और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC। गीता गोपीनाथ, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि ये इंडियन है, तो ऑब्वियसली बात है ये इंडियन ही है, अब ये कहाँ से बिलोंग करती है हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है, तो ये मैसूर से बिलोंग करती हैं, और यह आईएमएफ की 11वीं मुख्य अर्थशास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि 15वां प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कब होगा, तो 15वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होगा 21 से 23 जनवरी, कहाँ होगा, वाराणसी में होगा। इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो कौन है, तो मॉरिशस के पीएम है प्रवीण जगन्नाथ, क्या नाम है, प्रवीण जगन्नाथ। इसकी थीम क्या है, नव भारत निर्माण में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका। हालांकि अगर हम लोग बात करें कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो उसको कंफ्यूज मत करिएगा, ये मनाया जाता है 9 जनवरी को, ठीक है, क्यों, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका नाम क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ना कि खेलो इंडिया गेम्स।
इसका दूसरा संस्करण शुरू हुआ है पुणे में। कहाँ पे शुरू हुआ है? पुणे में शुरू हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण। ठीक है, पहला संस्करण कहाँ हुआ था? तो पहला संस्करण हुआ था दिल्ली में। अगर हम लोग बात करें कि इस गेम की शुरुआत कब हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। ठीक है, जिसमें युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए और अलग अलग स्टेट से जो भी अच्छे प्लेयर हो उनको एक जगह किया जाएगा और उनको ट्रेन किया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो भी इंटरनेशनल गेम्स होंगे हमारे, उसमें हमारी पदक तालिका में वृद्धि होगी। ठीक, हम देखिए, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। पहली बात, हम लोगों ने देख लिया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है? पुणे में। पहला कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है 5 मिनट और। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की थीम क्या है? 5 मिनट और। ये है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की थीम। पहला इसका नाम था कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। पहले इसका नाम क्या था 2018 में? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। लेकिन जब इसके दूसरे संस्करण की शुरुआत की गई तो इसका नाम बदल करके रख दिया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? इसकी मेजबानी कर रहा है महाराष्ट्र। मतलब कि यह गेम कहाँ पे हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है और इसका उद्घाटन किया है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने और केंद्रीय खेल एवं राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, इन दोनों ने मिल करके इसका उद्घाटन किया है। इसमें अगर हम लोग बात करें कि नंबर वन पे कौन सा स्टेट है, तो नंबर वन पे दिल्ली है, फिर है हमारा हरियाणा। नंबर वन पे कौन है? दिल्ली है, उसके बाद है हरियाणा। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक का अंतरिम अध्यक्ष 1 फरवरी को कौन बनेगा? वर्ल्ड बैंक का अंतरिम अध्यक्ष 1 फरवरी को बनेंगी क्रिस्टीना जॉर्जिएवा। कौन बन रही है? क्रिस्टीना जॉर्जिएवा बनेंगी वर्ल्ड बैंक की अंतरिम अध्यक्ष। अभी किसने इस्तीफा दिया? तो इस्तीफा दिया था किम जोंग ने। किसने दिया था? जिम योंग किम ने। किसने इस्तीफा दिया है? जिम योंग किम ने। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कांग्रेस ने किसे महिला कांग्रेस की पहली ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया? तो पहली महिला ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त की गई है अप्सरा रेड्डी। कौन है? अप्सरा रेड्डी। अरुणा बुद्धा रेड्डी की बात करें अगर हम लोग, तो ये कौन है? ये जिमनास्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। जबकि अगर हम लोग बात करें हिंदी दिवस की, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, क्योंकि इसी दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट किया गया था हमारे संविधान में। ठीक है, अगला हमारा कि हाल ही में नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है सुधीर भार्गव को। किसे नियुक्त किया गया है? सुधीर भार्गव को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक जिला एक उत्पाद का क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन हुआ है वाराणसी में। वाराणसी से हमारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको याद भी होगा। इसमें क्या था हमारा कि अलकनंदा एक लग्जरी क्रूज है, जिसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? वाराणसी में। इसके अलावा मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन कहाँ पे किया गया? वाराणसी में। फ्रेट विलेज यूपी में किस जगह पर फ्रेट विलेज का निर्माण किया जाएगा? वाराणसी में इसका निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का रीजनल ऑफिस कहाँ पे खुला है? वाराणसी में। ठीक है, तो ये सभी वाराणसी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन है? रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं विनोद कुमार यादव। कौन बनाया गया है? विनोद कुमार यादव। इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे अश्विनी लोहानी। कौन थे? अश्विनी लोहानी थे इसके पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, और अब कौन बना दिए गए हैं? विनोद कुमार यादव। इसी के साथ साथ रेल से एक और क्वेश्चन कि रेल की शुरुआत भारत में किसने किया था? तो रेल की शुरुआत भारत में किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक, इसके अलावा इसमें भारत की जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो कौन सी है? उसका नाम है वंदे भारत। ट्रेन का नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, इसके पहले आप लोग इसे ट्रेन 18 के नाम से जानते थे, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ये भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मकर विलक्कू महोत्सव के बारे में। मकर विलक्कू महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? यह मनाया जाता है केरल में। मकर विलक्कू महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। केरल की सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला देखिए लास्ट 2-3 सालों से काफी चर्चित है। रीजन ये है कि सबरीमाला जो मंदिर था इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। बाद में सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है और सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देता है कि महिलाओं को एंट्री दी जाए। ठीक, लेकिन केरल की जो स्टेट गवर्नमेंट है वह इसको अप्लाई करने में सक्षम नहीं है। मतलब वहां जो लोग हैं वो इस एंट्री को होने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे कि नहीं, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, फिर भी ये एंट्री अभी तक नहीं हो पाई। इस वजह से अभी भी सबरीमाला मंदिर काफी चर्चित है। तो इसकी शुरुआत हो जाती है 14 जनवरी से मकर विलक्कू उत्सव की, और यह है कहाँ पे? केरल में है। केरल में इसी के प्रोटेस्ट के लिए सबरीमाला मंदिर में जो महिलाओं की एंट्री को बैन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी, इसके लिए वनिता मथील, ये वर्ड अगर आपको आ जाए कि वनिता मथील क्या है, तो यह स्त्रियों की दीवार है। वनिता मथील क्या है? स्त्रियों की दीवार।
इसको प्रोटेस्ट करने के लिए केरल की महिलाओं ने, 30 लाख महिलाओं ने 620 किलोमीटर लंबी नारी श्रृंखला का आयोजन किया, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ी हो गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है, वनिता मथील। और इसको क्यों शुरू किया गया था, सबरीमाला मंदिर में प्रवेश ना होने के कारण वहां के महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया और इसको शुरू किया। अगला हमारा, किन देशों ने आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दिया है। ठीक है, तो यूनेस्को की सदस्यता छोड़ा है यूएसए और इसराइल ने। किसने छोड़ा है, अमेरिका और इसराइल ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दिया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। ठीक है, याद रखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो यूपी में इस समय चल रहा है महाकुंभ, यूनेस्को ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में घोषित किया है। ठीक है, देखिए एक तो होता है हमारा सांस्कृतिक विरासत, जैसे आगरा के ताजमहल को, इन सब चीजों को क्या किया गया, ये हमारे विश्व विरासत स्थल में घोषित कर दिया गया है। ठीक, एक होता है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल, जिसे हम छू तो नहीं सकते बट ये अपने आप में बहुत फेमस होता है और बहुत ही अच्छे लेवल पे इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ठीक है, तो महाकुंभ को क्या किया गया, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में घोषित। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट म्यूजिक होते हैं उन सभी को भी घोषित कर दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में इसरो ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है विद्यार्थियों से संवाद। इस प्रोग्राम का नाम क्या है, विद्यार्थियों से संवाद। इसमें किया क्या जाएगा, इसमें 40 छात्रों और 10 टीचर, ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो 50 लोगों को इसरो के जो दो केंद्र है तिरुवनंतपुरम और बंगलुरु। तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है, केरल में है, क्योंकि केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम, और बंगलुरु, इन दो केंद्रों पर ले जाया जाएगा और वहां पे उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा, उनको अपने प्रोग्राम समझाया जाएंगे। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय है कर्नाटक, बंगलुरु कर्नाटक। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं के सिवान, और इसका गठन हुआ है 15 अगस्त 1969 में। इसरो का गठन कब हुआ है, 15 अगस्त 1969। इसके अलावा इसरो ने एक बहुत ही फेमस मिशन चलाया इस समय, गगनयान। आपको पता है कि 2018 में 15 अगस्त को मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि भारत अब क्या करेगा, भारतीयों को स्पेस में भेजेगा। तो मिशन गगनयान अगर आपको पढ़ना है तो करंट अफेयर टू द पॉइंट सीरीज में जाइए, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किस एजेंसी का पुनर्गठन किया गया है। तो जो एजेंसी का नाम है उसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी। कौन सा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का पुनर्गठन करके क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ठीक है, अगर पूछे किसका पुनर्गठन किया है, तो एजेंसी का पुनर्गठन करके प्राधिकरण कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, सभी ने सुना होगा आयुष्मान योजना के बारे में। ठीक है, आयुष्मान योजना का नाम ही क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जय। तो इसकी लॉन्चिंग कब हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी लॉन्चिंग हुई थी 23 सितंबर को। कब हुई थी, 23 सितंबर 2018 को, झारखंड की कैपिटल है रांची, रांची से इस योजना की शुरुआत हुई। और इसमें कहा गया कि कुल 10 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। ठीक है, कितने, 10 करोड़ लोग, सॉरी 10 करोड़ परिवार होंगे, और माना गया है कि एक परिवार में मिनिमम 5 लोग होंगे, तो ओवरऑल हमारा कितना हो गया, 50 करोड़ लोगों को इस योजना से लाभ होगा। ठीक, अगला है, अच्छा ये योजना का जो लॉन्चिंग है उद्घाटन तो 23 तारीख को हो गया, लेकिन इसका कार्यान्वयन की तिथि भी आपसे पूछ रहे हैं। 23 को इसका उद्घाटन किया गया था आयुष्मान योजना का, और 25 से ये औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। 25 सितंबर को क्या है, दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मतिथि है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए हमारा क्वेश्चन आ गया कि 620 किलोमीटर लंबी नारी की श्रृंखला का आयोजन हुआ कहाँ पे, केरल। ये क्या है, एक नारियों की दीवार है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के उन्होंने एक दीवार बनाया था प्रोटेस्ट करने के लिए। फिर हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने सरस्वती नदी के कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं को मंजूरी दिया। तो हरियाणा ने दिया है 11 परियोजनाओं को मंजूरी। आपको पता है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में सरस्वती जी का उल्लेख मिलता है, और इसमें हरियाणा ने क्या किया, सरस्वती नदी के कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। इसके साथ साथ हरियाणा से और क्या हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है कि देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कहाँ खुल रहा है। तो हरियाणा के झज्जर में, कहाँ पे खुल रहा है, हरियाणा के झज्जर में देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल खुल रहा है। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि हरियाणा के रेवाड़ी में, कहाँ पे, हरियाणा के रेवाड़ी में बन रहा है हमारा 22वां एम्स। ठीक है, भारत का 22वां एम्स कहाँ बन रहा है, हरियाणा के रेवाड़ी में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर 21st सेंचुरी में भारत की रैंक क्या है। इसमें भारत की रैंक 5th है, भारत कौन से स्थान पे है, 5वें। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो यह हिंदी में समझ लीजिए, अक्षय ऊर्जा क्षमता, अक्षय ऊर्जा क्षमता में भारत की रैंक क्या है, 5वीं रैंक है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, 6वीं
भारतीय महिला जैविक उत्सव कब से कब तक होगा? तो 12 से लेकर के 14 जनवरी के बीच हुआ है, चंडीगढ़ के लेजर वैली में। कहाँ पे हुआ है? चंडीगढ़ के लेजर वैली में, जिसमें 100 से अधिक महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी। और इस उत्सव को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और इसकी मंत्री कौन है? मेनका गांधी है इसकी मंत्री। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में कितने शहरों को चुना गया है? तो 4,237 शहरों को चुना गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप पुरी। कौन है? हरदीप पुरी। ठीक, यह कब से कब तक होगा? तो 4 से लेकर के 28 जनवरी के बीच यह स्वच्छ सर्वेक्षण होगा, जिसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कि यह 28 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा यह जो योजना है, यह पूरी तरीके से पेपरलेस होगी। ठीक है, कैसी होगी? पेपरलेस होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने 71 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट सीरीज जीता? तो ऐसा करने वाला कौन है? ऐसा करने वाला है भारत। ठीक है, 71 साल में भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट टेस्ट सीरीज जीता है। इसमें मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत ने जीता, अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? तो चेतेश्वर पुजारा को। नाम याद रखिएगा, किसे चुना गया है? चेतेश्वर पुजारा को। अब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, और यहाँ पे डाउन घास का मैदान है। और मर्रे डार्लिंग नदी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कहाँ बहती है, तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है मर्रे डार्लिंग नदी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने किस राज्य में 1% का प्राकृतिक आपदा सेस लगाने को मंजूरी? देखिए, जीएसटी को क्या कहा गया है? एक राष्ट्र एक कर। जीएसटी को कहा गया कि जीएसटी आने के बाद क्या हो जाएगा, एक राष्ट्र में एक ही कर लगेगा, और वो कौन सा होगा? जीएसटी। इसके अलावा अगर आप 1% का सेस लगा रहे हो कहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों लगा रहे हो? आपको पता है केरल में बाढ़ आ गया था, ठीक, इस वजह से जीएसटी काउंसिल ने मंजूरी दिया कि आप 1% का टैक्स लगा सकते हो नेक्स्ट 2 ईयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 2 ईयर के लिए आप 1% का टैक्स लगा सकते हो। केरल के कैपिटल की बात करें तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, केंद्रीय कैबिनेट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोरों को कितनी परसेंट का आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है? तो 10% का आरक्षण। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं, लाइक इनकम टैक्स कितना, इनकम कितना होना चाहिए? 8 लाख पर इनम से कमी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 5 हेक्टेयर से कम की खेती होनी चाहिए, 1,000 स्क्वायर फीट से कम का घर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, और यह पास भी हो चुका है। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? तो 102वां। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में भारत की किस नदी में पहली बार ऑक्टोपस देखे? तो देखा गया है नर्मदा नदी में। कहाँ पे देखा गया है? नर्मदा नदी में ऑक्टोपस देखा गया है। यह कितना लंबा है? 190 से लेकर के 320 mm लंबा है यह ऑक्टोपस। ठीक है, याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कि कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में, पश्चिम की ओर गिरती है नर्मदा और ताप्ती दो नदियां। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया कुमार राजेश चंद्रा। इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और इस एसएसबी का गठन कब हुआ था? 1963 में एसएसबी का गठन हुआ था। अगला हमारा कि अ क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन के लेखक कौन है? अ क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन के लेखक हैं मनोहर मनोज। ठीक है, इसका विमोचन किसने किया है? तो हरिवंश नारायण सिंह ने, जो कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। ठीक, और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष। अगला हमारा कि 3 बार हॉफमैन पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो 3 बार हॉफमैन पुरस्कार किसने जीता है? रोजर फेडरर ने। और अभी मैं आपको बता देना चाहूंगी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, तो इसमें क्वेश्चन ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरुष एकल का खिताब जीता है वह किसने जीता है? यह जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? नोवाक जोकोविच ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब, ठीक, पुरुष वर्ग का। और महिला वर्ग का किसने जीता है? तो नाओमी ओसाका ने जीता है, महिला वर्ग का जीता है नाओमी ओसाका ने। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ पे इन्होंने अपना तीसरा हॉफमैन कप जीता है? ये इन्होंने जीता है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, और ये खेलते क्या है? टेनिस, टेनिस के प्लेयर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने 102 शहरों में वायु प्रदूषण कम करने का लक्ष्य रखा है, यह लक्ष्य कब तक पूरा होगा? 2024। देखिए, इस समय जो पोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे खतरनाक पोल्यूशन हमारे लिए क्या है? एयर पोल्यूशन। ठीक है, इसी वजह से आपको पता है BS6 के वाहन भी चलना चालू हो जाएंगे 2020 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से। फिर हमारा कि रायसीना डायलॉग का 4th संस्करण कहाँ पे हुआ है? ठीक है, रायसीना डायलॉग का 4th संस्करण हुआ है नई दिल्ली में। ठीक, इसका नाम रायसीना ही क्यों पड़ा? ना, रायसीना इसलिए पड़ा क्योंकि जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? रायसीना में ही है। ठीक है, भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पे है? रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली में है, इसी वजह से जो रायसीना डायलॉग का 4th संस्करण हुआ है कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। और इसका नाम रखा गया है रायसीना डायलॉग 2019। यह किसके द्वारा आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया था विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन।
केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में 3 नए एम्स खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 3 नए एम्स कहाँ पे खोले जा रहे हैं? एक तो खोला जा रहा है गुजरात में और 2 कहाँ पे खोले जा रहे हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे खोले जा रहे हैं? जम्मू कश्मीर में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्या होगा? गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू के सांबा में और कश्मीर के पुलवामा में, जिसे हम लोग अवंतीपुर और विजयनगर के नाम से जानते हैं, इन 2 जगहों पर खोला जा रहा है। और अगर हम लोग बात करें कि गुजरात के किस स्थान पर एम्स खोला जा रहा है, तो गुजरात के राजकोट में खोला जा रहा है एम्स। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो इस बार बजट में आया है कि देश का 22वां एम्स कहाँ पे खोला जाएगा? तो देश का 22वां एम्स खोला जाएगा रेवाड़ी हरियाणा में। कहाँ पे खोला जा रहा है? रेवाड़ी हरियाणा में देश का 22वां एम्स खोला जाएगा। अगला हमारा, आईबा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी खिलाड़ी हैं? तो सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है कि आईबा है क्या। आईबा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। आईबा का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। और इसकी रैंकिंग जो जारी हुई है उसमें शीर्ष पर कौन सी खिलाड़ी है? मैरी कॉम है, जिन्होंने 21st जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, 21वां राष्ट्रमंडल खेल, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और बीएसएनएल ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। बीएसएनएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैरी कॉम। अगला हमारा, हाल ही में देश का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज कहाँ पे खोला गया है? तो यह ब्रिज खोला गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे खोला गया है? अरुणाचल प्रदेश में। किस नदी पर स्थित है यह सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज? इसका नाम है ब्योरुंग। पहले तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा कि इस ब्रिज का नाम क्या है? ब्योरुंग ब्रिज है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू। और ये जो ब्योरुंग ब्रिज है यह सियांग नदी पर है। किस नदी पर है? सियांग नदी पर है ब्योरुंग ब्रिज। अगर हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है बीडी मिश्रा। या कहिए सीएम कौन है, यहाँ के सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्रा। गवर्नर बोले तो राज्यपाल। अगला क्वेश्चन हमारा, 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए किसे शेफ द मिशन नामित किया गया है? तो शेफ द मिशन नामित किया गया है वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को। ठीक, और ये जो 2020 में हमारा ओलंपिक होने वाला है, यह कौन सा ओलंपिक है? समर ओलंपिक है। ठीक है, कौन सा ओलंपिक है? समर ओलंपिक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स किस मंत्रालय ने जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की शुरुआत किया गया है दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? दिल्ली में। यह कब से कब तक चलेगा? तो यह 12 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी तक चलेगा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। यह जो महोत्सव है 3 स्तर पर होगा। एक तो जिला युवा संसद, दूसरा होगा राज्य युवा संसद, तीसरा होगा हमारा राष्ट्रीय युवा संसद। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई है नए भारत की आवाज बनो और उपाय ढूंढो और नीति में योगदान करो। ठीक है, इसका उद्घाटन किन्होंने किया था? राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किया था इसका उद्घाटन। अगला क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है हमारा, वी आर डिस्प्लेस्ड क्या है? वी आर डिस्प्लेस्ड या किसकी रचना है? तो वी आर डिस्प्लेस रचना है मलाला यूसुफजई की, जिसे नोबेल अवार्ड मिला था 2014 में। क्या मिला था? 2014 में मलाला यूसुफजई को मिला था नोबेल अवार्ड। और इसमें इन्होंने एक रचना की है जिसका नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, यह किससे संबंधित है? तो यह प्रवासियों से संबंधित है। ठीक, इन्होंने कैंपों का दौरा किया और वहां इनका जो एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस को इन्होंने इस बुक में शेयर किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, देश के सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थिति तंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? यह किया गया है केरल में। ठीक है, केरल के सीएम कौन है? केरल के सीएम है पिनरई विजयन। और केरल की कैपिटल कहाँ पे है? तिरुअनंतपुरम। इसके अलावा मैंने बताया था कि केरल में है सबरीमाला मंदिर और यहाँ पे मनाया जाता है मकर विलक्कू महोत्सव। याद रखिएगा, मकर विलक्कू महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। ठीक है, और सबरीमाला मंदिर में स्त्रियों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसमें स्त्रियों का प्रवेश किया जाए, फिर भी वहां की जो राज्य सरकार है वह इसको लागू करने में असफल है। इसलिए वहां की महिलाओं ने क्या किया है, एक विमेन वॉल बनाया है जिसमें एक दूसरे का हाथ पकड़ करके 600 मीटर 600 किलोमीटर लंबी वॉल बनाई गई है महिलाओं के द्वारा प्रोटेस्ट के लिए। ठीक है, अगला हमारा, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड किसे दिया गया? तो फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया है पीएम मोदी को। किस लिए दिया जाता है अवार्ड? या दिया जाता है दूरदर्शी नेतृत्व के लिए। ठीक है, किसके लिए? दूरदर्शी नेतृत्व के लिए। इसमें 3 आधार रेखाएं रखी गई हैं, जिसमें 3P रखा गया है, पीपल प्रॉफिट एंड प्लैनेट। फिलिप कोटलर थे कौन? तो ये एक प्रोफेसर थे, इन्हीं के याद में यह या पुरस्कार दिया जाता है।
अगला है हमारा, हाल ही में सरकार ने जन धन योजना के तहत ओवरड्राफ्ट की सीमा 5,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया? तो जन धन की सीमा में 5K से बढ़ा करके इसको 10K कर दिया गया। 5,000 से बढ़ाकर कितने कितना कर दिया गया है? 10K। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस भी रखी गई है। जैसे परिवार में, आपको पता है कि जन धन योजना की अगर हम लोग बात करें तो सबके पास, एक परिवार में लगभग सबके पास जन धन योजना का खाता होता है। लेकिन इसमें प्रायोरिटी दी गई है महिलाओं को, कि परिवार में केवल एक सदस्य, और वो भी महिला, जिसके ओवरड्राफ्ट की सीमा 5,000 से बढ़ा करके 10,000 की गई है। अगर कोई 2,000 तक ओवरड्राफ्ट करता है तो उसके लिए कोई भी शर्त नहीं है। इसके अलावा आयु वर्ग क्या होना चाहिए? 18 से लेकर के 65 आयु वर्ग के लिए है। अगला है हमारा, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2018 में भारत की रैंक क्या है? क्वेश्चन क्या हमारा, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2018 में भारत की रैंक है 41, 41वां स्थान है भारत का। और अगर हम लोग बात करें कि इंडेक्स जो होते हैं, यहाँ से हमारे तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो नंबर वन पे कौन है, उसके बाद भारत की रैंक क्या है, एंड थर्ड जो यह रिपोर्ट आई है या किसके द्वारा जारी किया जा रहा है। ठीक, तो ये जो हमारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की रिपोर्ट आई है, इसको जारी किया गया है द इकोनॉमिक्स मैगजीन के द्वारा। ठीक है, कौन सी मैगजीन है? द इकोनॉमिक्स मैगजीन। इसमें 41 नंबर पे है भारत। और अगर हम लोग बात करें कि टॉप 5 में कौन है, तो नंबर वन पे है नॉर्वे, फिर हमारा आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, डेनमार्क। अब अगर हम लोग बात करें कि लास्ट 5 में, लास्ट पे कौन है, तो नंबर वन पे है नॉर्वे और लास्ट में है चार्ड। और 41वां नंबर किसका है? 41वां नंबर है भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू किया है? कौन सा है? वन फैमिली वन जॉब योजना, तो यह शुरू किया गया है सिक्किम की सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? सिक्किम सरकार द्वारा। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है पवन कुमार चामलिंग। सिक्किम के सीएम कौन है? पवन कुमार चांगलिंग। और सिक्किम का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? ए आर रहमान है। और आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम की कैपिटल क्या है, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। और पेड़ों से मानवीय रिश्ता बनाए जाने के लिए किस राज्य ने अनुमति दिया था? तो सिक्किम ने दिया था पेड़ों से मानवीय रिश्ता बनाए जाने की अनुमति। हमारा बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अगला हमारा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया सीईओ किसे बनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोले तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हम लोग जानते हैं आईसीसी के नाम से, इसका नया सीईओ बनाया गया है मनु शाहनी को। अब बात आती है कि इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले थे डेविड रिचर्डसन। इसके पहले कौन थे? डेविड रिचर्डसन। और इसके चेयरमैन इस समय कौन है? इसके चेयरमैन है शशांक मनोहर। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बियॉन्ड द नेम जस्टिस वाई के सबरवाल अ फुलफिलिंग जर्नी की लॉन्चिंग किसने किया? जस्टिस वाई के सबरवाल से यह क्लियर हो जाता है कि वाई के सबरवाल कौन थे? एक जस्टिस थे। ठीक है, चीफ जस्टिस थे। और इनकी जो बुक है, इसका लॉन्चिंग किया है रंजन गोगोई, जो कि वर्तमान में हमारे 46वें मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन है? रंजन गोगोई। इसके पहले कौन थे? दीपक मिश्रा। और 21 नंबर के हैं रंजन गोगोई, 46वें नंबर के हैं। ठीक, इन्होंने इस बुक का लॉन्चिंग किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया के दूसरे सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं या एक भारतीय हैं, इनका नाम है डी गुकेश। यहाँ से क्वेश्चन आपसे यह भी आ सकता है कि कौन से देश से बिलोंग करते हैं, तो यह भारत से है। भारत में किस राज्य से है? तो चेन्नई से है। भारत में कहाँ से है? चेन्नई से है डी गुकेश। अगर हम लोग बात करें कि इनकी आयु कितनी, इनकी आयु है 12 साल 7 महीने 17 दिन। 12 साल 7 महीने 17 दिन। तो अब ये कौन से है? दूसरे नंबर के हैं। तो हम लोग यह भी जान लेते हैं कि पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है सरगेई करजाकिन। पहले नंबर पे कौन है? सरगेई करजाकिन। ये है सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, इनकी आयु है 12 साल 7 महीने, और डी गुकेश उनसे मात्र 17 दिन बड़े हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर कपास का बीज अंकुरित किया? क्वेश्चन क्या हमारा, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर कपास का बीज अंकुरित किया? तो ऐसा करने वाला है चाइना। चाइना ने एक विमान अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा था, विमान नहीं स्पेस क्राफ्ट होता है जो चीजें स्पेस में जाती है, जिसका नाम था रोवर चांग E4। इसका नाम क्या था? चांग E4। इसको भेजा था चांद के पिछले हिस्से पर, जिसकी वजह से वो काफी दिन तक सुर्खियों में था। फाइनली जब यह विमान वहां पे पहुंच जाता है, सॉरी स्पेस क्राफ्ट वहां पे पहुंच जाता है, तो वहां पे चांद के पिछले हिस्से पर, तो पहली बार पहला यह विमान था किसी देश ने सफलता पाया था चांद के पिछले हिस्से में स्पेस क्राफ्ट को उतारने पे। उसके अलावा चाइना ने क्या किया था? चाइना ने वहां पे कपास का बीज भी उत्पादन किया। और अगर हम लोग बात करें ओवरऑल कुल फलों के उत्पादन में, तो चाइना का स्थान नंबर वन पे है कुल फलों के उत्पादन में। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। और यहाँ की मुद्रा से क्वेश्चन आता है कि चाइना की मुद्रा क्या है? चाइना की मुद्रा है रेनमिनबी। क्या है? रेनमिनबी। कैपिटल तो सबको पता है कि चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है चाइना की कैपिटल।
नेक्स्ट बात करते हैं, विजन 2040 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो यह जारी किया गया हमारा नागरिक विमान मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? नागरिक विमानन मंत्रालय के द्वारा। और अभी अगर आप लोग डेली करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो कल मैंने आपको 11 तारीख में मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत, अगर हम लोग बात करें विमान के क्षेत्र में या फिर हम लोग बात करें एयर ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, तो भारत नंबर 1 पे है। इसने जो ग्रोथ किया 18.6% का ग्रोथ किया। इसके बाद कौन था? इसके बाद था चाइना। ठीक है, तो हमारा ये जो विजन 2040 है, ये किसने जारी किया है? नागरिक विमानन मंत्रालय ने। इसमें क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट की गई हैं? इसमें कहा गया कि 2040 तक जो हवाई यात्री हैं उनकी संख्या 6 गुना बढ़कर 1.1 अरब हो जाएगी। हवाई अड्डों की संख्या 200 हो जाएगी। अच्छा, इस समय कितना है? तो 100वां हवाई अड्डा जो बना है वो कहाँ पे बना है? सिक्किम के पाकयोंग में। इसके पहले सिक्किम में एक भी हवाई अड्डा नहीं था। और अगर हम लोग बात करें कि विमानन बाजार में भारत का स्थान क्या है, तो भारत 7वां सबसे बड़ा विमानन बाजार में इसका स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा कि गांधी शांति पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है योहेई ससाकावा को। किसे सम्मानित किया गया है? योहेई ससाकावा को सम्मानित किया गया है। क्यों? क्यों? क्योंकि इन्होंने कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए ये WHO के दूत भी रहे हैं और इन्होंने काफी उल्लेखनीय कार्य भी किया है। ठीक है, इस वजह से इन्हें गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। इसमें क्या क्या दिया जाएगा? तो इसमें एक प्रशस्ति पत्र, एक पदक और 1 करोड़ रुपए इनाम में दिए जाएंगे। अगर हम लोग बात करें कि इस जो पुरस्कार है इसकी स्टार्टिंग कब से हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में गवर्नमेंट ने किस बैंक के पुनर्पूंजीकरण करने का फैसला किया? तो उस बैंक का नाम है एक्जिम बैंक। इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्जिम बैंक के बारे में, जिसका नाम है भारतीय निर्यात आयात बैंक। इसमें कहा गया कि इसका जो पूंजीकरण है इस समय 10,000 करोड़ की पूंजी है, जिसको बढ़ा करके कितना किया जाएगा? 20,000 करोड़ किया जाएगा। और कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए 6,000 करोड़ के पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड भी जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कौन से बैंक का पुनर्पूंजीकरण होगा? एक्जिम बैंक का। नेक्स्ट है हमारा कि सक्षम 2019 वार्षिक जनकेंद्रित अभियान की शुरुआत किसने किया? इसकी शुरुआत किया गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक संरक्षण अनुसंधान संघ के द्वारा। किसके द्वारा? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ठीक है, कब तक? कब से कब तक चलेगा? तो यह शुरू हुआ है 16 जनवरी को और नेक्स्ट 1 महीने तक यह चलेगा, जिसका नाम रखा गया है संरक्षण क्षमता महोत्सव। जिसमें कहा गया है कि ईंधन संरक्षण में लोगों को उनकी जिम्मेदारी और जनगण की इसमें भागीदारी के बारे में उनको समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा। ठीक है, सक्षम 2019। अगला हमारा, हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में भारत के कितने संस्थानों को हिस्सा मिला? तो भारत के कुल 49 संस्थानों को हिस्सा मिला है। अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुल 43 देशों के 450 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया था, जिसमें 49 संस्थान कहाँ के हैं? भारत के। कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे नंबर 1 पे हमारा कौन सा है? 1 में तो नहीं आया लेकिन टॉप 100 में आया है 14th नंबर पे IISc बंगलुरु। ठीक है, 27th पे आया है IIT बॉम्बे एंड 35th पे आया हमारा IIT रुड़की। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ संस्थान याद रखिएगा कितना है? 49 संस्थान। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाल ही में यूपी के किस तहसील का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय तहसील रखने को मंजूरी मिली है? तो यह नाम बदला गया है मुगल सराय तहसील, जो कि कहाँ पे है? चंदौली जनपद में। इसके अलावा आपको पता है कि मुगल सराय जंक्शन का नाम भी बदल करके क्या रखा गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार दुनिया के तेजी से बढ़ते शहरों में टॉप 10 में किस देश के शहर है? तो टॉप 10 में कितने शहर होंगे? 10 शहर होंगे और ये 10ों के 10 शहर कहाँ के हैं? भारत के हैं। तो याद रखिएगा कौन सा देश है? भारत के टॉप 10 शहर ऐसे हैं जो कि दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए शहरों में से हैं। इसमें बताया गया है 2019 से लेकर के 2035 तक किसको बेस रखा गया है? शहर में बेस किसको रखा गया है? तो GDP। ठीक है, GDP को बेस रख करके 2019 से लेकर के 2035 तक दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में भारत के 10 शहर शामिल हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। तो सूरत है। ठीक, फिर हमारा यूपी का कौन सा शहर है? ये इंपॉर्टेंट है, यूपी का आगरा है। यूपी का क्या है? आगरा। उसके बाद हमारा बंगलुरु, नेक्स्ट हमारा हैदराबाद, फिर हमारा नागपुर, तिरुपुर, राजकोट। राजकोट वही गुजरात का जहाँ पे एम्स बनने वाला है। ठीक है, फिर था हमारा तिरुचिरापल्ली, अगला हमारा चेन्नई एंड देन हमारा क्या है? विजयवाड़ा। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि यह रिपोर्ट किसने जारी किया? तो यह रिपोर्ट जारी किया था ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने। इसके लिए उन्होंने 780 शहरों के अर्थव्यवस्थाओं का सर्वे किया था। ठीक है, जिसमें टॉप 10 में कौन शामिल है? भारत के शहर।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया है मुंबई में। भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय इसमें फिल्म डिवीजन में खोला गया है, जिसमें दो भवन है। एक तो पहला है हमारा नवीन संग्रहालय भवन और दूसरा है गुलशन महल। तो यार अगर गुलशन महल किससे संबंधित है तो राष्ट्रीय संग्रहालय है कहाँ पे? भारतीय सिनेमा का बॉम्बे में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और आज का हमारा ये होगा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट में, हमारा जो होगा हमारा पार्ट 4। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है। उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 17 जनवरी 2019 को, और इसे किसने किया? तो इसे किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसरो के अध्यक्ष कौन है इस समय? के सिवान है। और उत्तर है माई लाइफ माई मैसेज किस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन की डिजिटल स्टडी किट है। डिजिटल स्टडी किट क्या होता है? मतलब जो भी काम है वो हमारा डिजिटल होगा, फोन पे होगा या पेन ड्राइव से होगा। ठीक है, उसमें हमें क्या है, कोई भी फिजिकल चीजें नहीं यूज करनी है, तो यही होता है हमारा डिजिटल स्टडी किट। और यह किसके जीवन पे है? तो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। यह कब लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च की गई है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि इसी दिन महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या किया था किसने? नाथूराम गोडसे ने। अब जान लेते हैं कि इस डिजिटल स्टडी किट में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। देखिए, इसमें 16 GB की एक पेन ड्राइव है। डिजिटल स्टडी किट का मतलब क्या है? इसमें 16 GB की एक पेन ड्राइव है जिसमें गांधी जी की 20 पुस्तकें हैं। ठीक है, 20 पुस्तकें जो गांधी जी ने लिखी है और 10 पुस्तकें जो अन्य लोगों ने गांधी जी के ऊपर लिखी है। इसके अलावा 9 डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं, ऑडियो क्लिप्स हैं और 100 तस्वीरें हैं, जो कि ओरिजिनल, मतलब जब गांधी जी की जो भी तस्वीरें आई हैं वो ओरिजिनल तस्वीरें यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो इस किट को, यही है हमारा डिजिटल स्टडी किट। इसके साथ साथ हम लोग यह भी जान लेते हैं कि गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? तो गांधी शांति पुरस्कार 2018 दिया गया है योही सचकावा को। किसे दिया गया? योही सचकावा को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? तो मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सौर संयंत्र कहाँ पे लगाया जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, जम्मू कश्मीर में आपने सुना होगा लेह के बारे में, लेह के बारे में आपने सुना होगा, वहां 5,000 मेगावाट का लगेगा। इसके अलावा कारगिल के बारे में भी आपने सुना होगा। ठीक है, कारगिल युद्ध के बारे में आपने सुना होगा, इसको यहाँ पे 2500 मेगावाट का सौर संयंत्र लगाया जा रहा है। तो अगर आपसे पर्टिकुलर मान लीजिए यहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर अगर ऑप्शन में आ जाए तो ठीक है, बट अगर आपके ऑप्शन में लेह कारगिल लद्दाख इस तरह का कुछ आ जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ पे लगाया जा रहा है? लेह में, जम्मू कश्मीर के लेह में, जिसकी क्षमता है 5,000 मेगावाट। 2023 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जस्टिस आशीष शहीद खोसा ने पाकिस्तान के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? तो आपको पता है अभी जो हमारे मुख्य न्यायाधीश बने हैं रंजन गोगोई, ये 46वें हैं और आशीष शहीद खोसा 26वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं पाकिस्तान के। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। और अगर हम लोग बात करें यहाँ के पीएम की, तो यहाँ के पीएम है इमरान खान। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिवासियों के लिए पहली राष्ट्रीय खेल बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आदिवासियों के लिए पहली राष्ट्रीय खेल बैठक का आयोजन किया गया है हैदराबाद में। ठीक, इसके अलावा आप यह भी याद रखिएगा कि जो एकलव्य विद्यालय है या किससे संबंधित है, तो यह भी संबंधित है हमारे आदिवासियों से संबंधित है। ठीक है, और जो देश का पहला केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय खोला गया वो कहाँ पे खोला गया? तो वो खोला गया है आंध्र प्रदेश में। तो तीन क्वेश्चन याद रखेगा, पहली राष्ट्रीय खेल बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में। उसके अलावा एकलव्य विद्यालय किससे संबंधित है? तो आदिवासियों से संबंधित है। तीसरा, हमारा केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया? तो आंध्र प्रदेश में खोला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ समझौता किया है। किसके साथ किया है? उज्बेकिस्तान के साथ। जबकि अगर हम लोग बात करें भंडार, देखिए अगर हम लोग किसी खनिज की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें हमें पढ़ना होता है, एक तो भंडार और दूसरा क्या जानना होता है? उत्पादन। भंडार की अगर हम लोग बात करें तो यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। और उत्पादन कौन करता है? कजाकिस्तान करता है। ठीक, हमारे यूपी में भी यूरेनियम से एक क्वेश्चन आता है कि यूपी में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है यूरेनियम, यूपी के ललितपुर में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में मानवाधिकारों को समर्पित विश्व के पहले टीवी चैनल की शुरुआत कहाँ पे हुई है? इसकी शुरुआत किया गया है लंदन में। किसने किया है? तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा। ठीक है, 20 देशों में इसका प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आप यह भी जान लीजिए कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर किस शहर को घोषित किया गया है? तो वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर घोषित किया गया है रियो डी जेनेरियो ब्राजील। वही रियो डी जेनेरियो जहां पे हमारा ओलंपिक हुआ था 2016 में। यूनेस्को ने इसे घोषित किया है वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर। यह ब्राजील की सांस्कृतिक राजधानी है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है हमारा कि हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर लॉर्सन और ट्यूब्रो वोविजर तोप निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है, तो यह शुरू किया गया है हजीरा सूरत में। कहां पे किया गया है? हजीरा सूरत में। ठीक, इसके अलावा आप याद कर लीजिए कि अहमदाबाद में हमारा बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, ठीक, जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 1,10,000 दर्शक। नेक्स्ट है हमारा, किसे सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अनुराग ठाकुर को, जो कि हमीरपुर से सांसद हैं। ठीक है, और यह पुरस्कार उन्हें किसके द्वारा दिया गया है, तो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने यह पुरस्कार दिया है अनुराग ठाकुर को, सांसद रत्न 2018 का पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारा, किस आईआईटी ने एआई में, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, पूर्ण बीटेक कार्यक्रम शुरू किया है, तो यह शुरू किया है आईआईटी हैदराबाद ने। किसने शुरू किया है पूर्ण बीटेक कार्यक्रम? आईआईटी हैदराबाद ने। अगला हमारा, दुनिया के सबसे वृद्ध व्यक्ति का 113 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कहाँ के निवासी थे? तो वह जापान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जापान की। जापान की एक इंपॉर्टेंट प्लेयर भी है, नाओमी ओशाका, याद रखिएगा। ठीक, फिलहाल हम जान लेते हैं कि ये इनका नाम क्या है, तो इनका नाम था मसाजो नोनाका। ठीक है, जापान के सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे? मसाजो नोमाका। इनका निधन हो गया है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म मैं आपको बताती हूँ, जब बंगाल का विभाजन हुआ था सन 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने किया था, उसी समय इनका जन्म हुआ था, और अभी इनका 113 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ठीक, जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की संसद से क्वेश्चन आता है कि जापान की संसद को क्या कहते हैं? यहाँ की संसद को कहते हैं डायट। अगला क्वेश्चन हमारा, G77 का अध्यक्ष कौन सा देश चुना गया है, तो इसका अध्यक्ष चुना गया है फिलिस्तीन को। किसे चुना गया है? फिलिस्तीन को। G77 है क्या? तो ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज है, G77। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में अनुराग ठाकुर सहित कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया, तो कुल 12 सांसदों को दिया गया है। कितने सांसदों को दिया गया है सांसद रत्न पुरस्कार? 12 सांसदों को दिया गया है। ठीक, इसकी शुरुआत की गई थी चेन्नई के एक प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा सन 2010 में, और महाराष्ट्र में कुल 6 सांसदों को यह पुरस्कार मिला है। अगला हमारा कि आईसीसी ने किस भारतीय को वर्ष का उभरता हुआ क्रिकेटर चुना है, या चुना गया है ऋषभ पंत को। किसे चुना गया है? ऋषभ पंत को। यह तीसरे भारतीय हैं जिन्हें चुना गया है। 2004 में इरफान पठान को चुना गया था, 2013 में चेतेश्वर पुजारा को चुना गया था, ठीक, और 2018 में किसे चुना गया है? 19 में ऋषभ पंत को चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 27वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, 27वां सरस्वती सम्मान दिया गया है शीतांशु यशचंद्र को। यह एक गुजराती कवि है, इन्होंने एक रचना किया था संग्रह, 2009 में इनकी रचनाओं के एक संग्रह था जिसका नाम था बखार। क्या था? बखार। इसलिए इसके लिए इन्हें 2017 का सरस्वती सम्मान दिया गया, और यह 2017 में 27वां सरस्वती सम्मान का वितरण किया गया है। इसमें 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक फलक दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है, तो सबको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक नामक स्थान पे। ठीक, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1945 में। इस बार इनकी 122वीं जयंती मनाई गई है, जिसमें मोदी ने दिल्ली के लाल किले में सुभाष चंद्र बोस और सेना के संग्रहालय खोले। इसके अलावा पश्चिम बंगाल ने 122वीं जयंती को सुभाष उत्सव के रूप में मनाया। इसके अलावा है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आता कि यह किसे दिया गया, यह दिया गया है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल गाजियाबाद को। इसमें 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रवासी भारतीय तीर्थ कार्यक्रम की शुरुआत किया गया कब, इसकी शुरुआत किया गया है 15वें प्रवासी सम्मेलन के मौके पर। 15वां प्रवासी सम्मेलन कब हुआ है? तो 9 जनवरी 2019। ठीक, इस कब से कब तक इसका आयोजन हुआ है? तो 21 से लेकर के 23 जनवरी के मध्य वाराणसी में हुआ है, और इसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे प्रवीण जगन्नाथ। इसमें किया क्या जाएगा? इसमें 45 से लेकर के 65 आयु वर्ग के प्रवासी भारतीयों को भारत के प्रमुख तीर्थों का दर्शन कराया जाएगा। हर साल 40 प्रवासी श्रद्धालुओं को चुना जाएगा, और यह यात्रा पूरी 25 दिन की होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किस राज्य में बाघों के संरक्षण के लिए स्टेट टाइगर फोर्स गठित की जाएगी, तो यह किया जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। और हमारे देश का जो 25वां हाईकोर्ट बना वो कहाँ पे बना है? आंध्र प्रदेश में बना है, आंध्र प्रदेश की अमरावती में। ठीक है, यहाँ के सीएम है चंद्रशेखर राव, और यहाँ की कैपिटल है हैदराबाद।
अगला हमारा कि आईपीसीसी के अनुसार विश्व का तापमान कब तक 1 डिग्री 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा। तो यह बढ़ जाएगा 2040 तक, कब बढ़ेगा 2040 तक 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा। यह रिपोर्ट किसने जारी किया, यह रिपोर्ट जारी किया था जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था, जिसका नाम है आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी का मतलब क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इन्होंने यह रिपोर्ट जारी किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे, तो सिरिल रामफोसा थे। कौन थे, सिरिल रामफोसा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं और यही आए थे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में, और इस बार भारत ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी ने पुरुषों की टेस्ट और एक दिवसीय टीम टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे बनाया है, या बनाया गया है विराट कोहली को। आईसीसी ने विराट कोहली को क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आईसीसी ने विराट कोहली को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। अगला हमारा कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है, तो प्रतिभा प्रतिस्पर्धा में भारत की रैंक है 80, 18th रैंक है भारत की। 2018 में ये रैंक थी 81। ठीक, कुल कितने देश इसमें सम्मिलित थे, तो कुल 125 देश इसमें सम्मिलित थे। और जबकि अगर हम लोग बात करें या किसके द्वारा जारी किया गया, तो इंसीड बिजनेस स्कूल एंड टाटा कम्युनिकेशन एंड एडेका ग्रुप के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी उद्यमी प्रतिभा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। ठीक, टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे है सिंगापुर, थर्ड पे हमारा अमेरिका है, फोर्थ पे है नॉर्वे, और फिर हमारा डेनमार्क। ठीक, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किन लोगों को भारत रत्न दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि कुल 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, इसमें आपको एक स्पेशल वीडियो भी प्रोवाइड किया गया है। कौन कौन है, नानाजी देशमुख जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। नंबर 2 पे है भूपेंद्र हजारिका जो कि गायक और संगीतकार है, इन्हें भी दिया गया। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया है भारत रत्न। इसमें 2 आप याद रखिएगा कि नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक, इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप लेटेस्ट करंट अफेयर या करंट अफेयर 2 पॉइंट सीरीज में जाए, वहां आपको भारत रत्न के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसरो ने 2019 में अपने पहले मिशन में सफलता प्राप्त किया और इसके तहत वह किन उपग्रहों का प्रक्षेपण किया, तो 2 उपग्रह थे माइक्रोसैट आर और कालाम सैट। ठीक, कलाम सैट, अगर हम लोग माइक्रोसैट की बात करें तो माइक्रोसैट एक सैन्य उपग्रह है, जबकि कलाम सैट क्या है, एक संचार उपग्रह है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हाल ही में ट्रेन 18 का नाम बदल करके क्या रखा गया है, तो ट्रेन 18 का नाम बदल करके रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस, और इसका रूट क्या है, दिल्ली से वाराणसी। इसका निर्माण कहाँ पे हुआ है, इसका निर्माण हुआ है चेन्नई में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रेन 18। नेक्स्ट है हमारा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है नारी शक्ति को। ठीक, और इंग्लिश में हमारा क्या था, टॉक्सिन। अगला हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच, जो कि कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं, और इन्होंने किसको हराया, तो स्पेन के राफेल नडाल को हराया है नोवाक जोकोविच ने, और यह इनका 15वां ग्रैंड स्लैम है। देखिए ग्रैंड स्लैम जो होते हैं इसमें 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, इसके बारे में अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप स्पोर्ट्स की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे वो आपको पढ़ाए गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी पूरा आपको कंप्लीट पढ़ाया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड लेप्रेसी डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड लेप्रेसी डे मनाया जाता है 27 जनवरी। क्या यह हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल नहीं, यह मनाया जाता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी। अब लास्ट संडे चाहे 27 को पड़े, चाहे 28 को पड़े, चाहे 25 को ही पड़ जाए, उसी दिन मनाया जाएगा वर्ल्ड लेप्रेसी डे। इसको कुष्ठ रोग कहते हैं, लेप्रेसी को क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग, जो कि होता है माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री के कारण। इसकी खोज किया था डॉक्टर आर्मोर हैंसन ने, इस वजह से इसको क्या कहते हैं हम लोग, हैंसन रोग भी कहते हैं। एक इसका थीम क्या था, इसका थीम है कि भेदभाव कलंक और पूर्वाग्रह को समाप्त करना। और आपको पता है कि पहले लोग क्या करते थे, लेप्रेसी के बेस पर डाइवोर्स ले लेते थे, लेकिन जब से इसका वैक्सीन ढूंढ लिया गया है तो अब लेप्रेसी के बेस पे आप किसी से, अपने पार्टनर से कभी भी आप डाइवोर्स नहीं ले सकते। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है भारत। नंबर 1 पे कौन था, नंबर 1 पे था चाइना, जिसमें कुल 51% इस्पात अकेले उत्पादन करता है, कौन, चाइना। और नंबर 2 पे कौन आ गया है, भारत। ठीक है, इसके पहले कौन नंबर 2 पे था, जापान था, याद रखिएगा करंट का। और अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रेटेजी के लिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है, भारत। नेक्स्ट है हमारा कि देश के पहले प्रोटोन कैंसर ट्रीटमेंट की शुरुआत कहाँ पे किया गया, इसकी शुरुआत किया गया है चेन्नई में। ठीक है, इसमें कुल 1300 करोड़ रुपए की लागत लगी और इसका उद्घाटन किसने किया है, वेंकैया नायडू ने किया है इसका उद्घाटन। अगला हमारा, हाल ही में अटल सेतु का उद्घाटन किया गया कहाँ पे, तो अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है गोवा में, आपको पता है 16 अगस्त को।
अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया था, और तब से बहुत सी जगह पे लोगों ने क्या किया है, इनके नाम पर अपने जो राज्य है या कोई रेलवे स्टेशन है तो अलग अलग जगहों पे नाम परिवर्तित किए गए हैं, यह भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के स्ट्रेटी जीके के देख सकते हैं। बात आती है कि यह जो सेतु बना है अटल सेतु, यह किस नदी पर बना है, तो यह बना है मांडवी नदी पर, ठीक। और 5.1 किलोमीटर लंबा स्टील केबल ब्रिज है अटल सेतु। नेक्स्ट है हमारा कि परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है, परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है बिपिन रावत को, ठीक है, 19 लोगों को दिया गया है परम विशिष्ट सेवा पदक। फिर हमारा कि गणतंत्र दिवस परेड में पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो पहली महिला बनी है भावना कस्तूरी, जिन्होंने पुरुष दस्ते का नेतृत्व किया। अगला हमारा उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप उद्यान कहाँ बनाया जाएगा, तो उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप उद्यान बनाया जाएगा पिथौरागढ़ में, और इसका अनाउंसमेंट किसने किया है, तो वहां के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है इसका अनाउंसमेंट। ये उत्तराखंड वही है जहाँ पे जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, ठीक। नेक्स्ट हमारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 में भारत की रैंक क्या है, तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 78, 78वीं रैंकिंग है। बात आती है कि यह किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। नंबर वन पे कौन सी कंट्री है, नंबर वन पे है इसमें डेनमार्क, और अगर हम लोग चाइना की बात करें तो 87 नंबर पे है चाइना, पाकिस्तान की बात करें तो 117 नंबर पे है पाकिस्तान, ठीक। अगला हमारा भारत पीसा में कब भाग लेगा, तो ये मैंने आपको उसके बारे में डिटेल में पढ़ाया है, आप लोग एग्जाम स्पेशल करंट अफेयर 2 पॉइंट सीरीज में जाइए वहां पढ़ लीजिए। पीसा देखिए एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर विद्यार्थियों को आंकने की एक संस्था है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ठीक। इसमें 15 साल के आयु वर्ग के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और भारत पीसा में भाग लेगा कब, 2021 में, या अप्रूवल भी मिल चुका है कि भारत पार्टिसिपेट करेगा अगेन पीसा में। फिर हमारा कि ऑपरेशन ओलंपिक कहाँ शुरू किया गया, तो ऑपरेशन ओलंपिक शुरू किया गया है केरल में, ठीक। राज्य के खेल विभाग और राज्य खेल परिषद मिलकर 123 एथलीट्स तैयार करेंगे ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान ऊंचा करने के। देश का पहला जियोग्राफिक इंडिकेशन स्टॉल कहाँ खोला गया है, जियोग्राफिक इंडिकेशन स्टॉल खोला गया है गोवा में, कहाँ पे खोला गया है, गोवा में खोला गया है यह इंडिकेशन स्टॉल। किसने इसका उद्घाटन किया था, तो उस समय देखिए उद्घाटन किया था मनोहर पर्रिकर ने, किसने किया था, मनोहर पर्रिकर, और आपको पता है कि मनोहर पर्रिकर का निधन हो चुका है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गोवा के नए सीएम कौन बने हैं, ठीक। इस हवाई अड्डे का नाम क्या है, इस हवाई अड्डे का नाम है डोबलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या नाम है, डोबलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है चित्रा मुद्गल को, किसे सम्मानित किया गया है, चित्रा मुद्गल को, किस भाषा के लिए, तो हिंदी भाषा में इनकी एक रचना है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, रचना का नाम क्या है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है यह कुल 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें से मेन मेन हम लोग याद कर लेते हैं, हिंदी में देखिए चित्रा मुद्गल को दिया गया है, अंग्रेजी में अनीश सलीम को दिया गया है, उर्दू में रहमान अब्बास को दिया गया है, और संस्कृत में रमाकांत शुक्ल को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अवार्ड्स देखिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने एक इंपॉर्टेंट अवार्ड्स का आपको पूरा वीडियो पढ़ाया, जिसमें लास्ट 6 मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आप लोग इस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन हमारा कि को कारनोट पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया, को कारनोट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पीयूष गोयल को, ठीक, पीयूष, और इनमें इन्हें $25,000 की राशि मिली है, इनाम कितना मिला है, $25,000 का पुरस्कार मिला है, जिसको इन्होंने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस को दान कर दिया। तो अपने आप में यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ISA क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, देखिए इसका मुख्यालय है या एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम में, भारत में पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय है। इसमें क्या है कि सौर ऊर्जा के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो भी देश रहेंगे उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे कि इन्वायरमेंट को सेव किया जा सके। अगला क्वेश्चन हमारा कि ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, इसमें भारत को 54वां स्थान प्राप्त हुआ है, कौन सा है, इनोवेशन इंडेक्स, नवीनीकरण इंडेक्स में भारत को 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। नंबर वन पे कौन सी कंट्री है, ये भी याद रखना जरूरी है, तो नंबर वन पे है दक्षिण कोरिया, शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं किया होगा साउथ कोरिया को, लेकिन नंबर वन पे कौन है, साउथ कोरिया है नंबर वन पे इनोवेशन इंडेक्स में। याद कैसे करेंगे, चलिए ये तो फिलहाल हमारा फेब का क्वेश्चन है, इसको मैं ऐड करती हूँ अप्रैल में, तो मैं आपको बता दूं साउथ कोरिया पहला ऐसा कंट्री बना है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर 5G नेटवर्क को लॉन्च किया है, तो हो गया ना नया इनोवेशन, तो अब याद कर लीजिए कि इनोवेशन इंडेक्स में नंबर वन पे कौन है, साउथ कोरिया, क्यों है, क्योंकि इसने, ये सिर्फ याद करने का मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, कि राष्ट्रीय स्तर पर 5G नेटवर्क को लॉन्च करने वाला पहला देश है बाकी सभी देशों में, विश्व में, ठीक।
अगला है हमारा, किस राज्य की सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दिया है? तो गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा था उत्तर प्रदेश में। अब इससे हमारा कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, जैसे कि यह किसको किसको जोड़ेगा, तो मेरठ को जोड़ेगा प्रयागराज से। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, अभी प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था, सभी को पता होगा, काफी फेमस था, आप लोगों में से बहुत से लोग विजिट भी किए होंगे। तो यह 15 जनवरी से लगा था 4 मार्च तक। इसको गिनीज, इसमें तीन चीजों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। कौन कौन? पहला तो स्वच्छता, इतने मतलब स्वच्छता बहुत ज्यादा थी इस बार कुंभ मेले में। दूसरा था भीड़ प्रबंधन और यातायात, ठीक, भीड़ प्रबंधन का अच्छा इंतजाम था। तीसरा था पेंट माई सिटी, पूरे इलाहाबाद को पेंट कर दिया गया है, अलग अलग तरह की प्रतिलिपियां बनाई गई हैं दीवारों पर, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं सब जगह। तो इन तीन चीजों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान बनाया है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, गंगा एक्सप्रेसवे। तो देखिए, यह 36,000 करोड़ की लागत से यह एक्सप्रेसवे बनेगा और कुल 12 जिलों को जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे कुल कितने जिलों को जोड़ेगा? 12 जिलों को जोड़ेगा। नेक्स्ट हमारा कि किन देशों के साथ मिलकर यूएई ने संयुक्त डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया, ठीक। तो संयुक्त अरब अमीरात ने सऊदी अरब के साथ मिलकर के एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया जिसका नाम है एबर। आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि एबर क्या है, ठीक। तो एबर एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है जो कि लॉन्च किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब मिलकर इसको लॉन्च किया है। अब हम लोग आ जाते हैं संयुक्त अरब अमीरात, इसको ऐड करते हैं अप्रैल से। अप्रैल में देखिए, संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जायद पुरस्कार। कौन सा है? जायद पुरस्कार। यह दिया गया नरेंद्र मोदी को। क्यों दिया गया? क्योंकि जो आर्थिक संबंध है उसको, इस नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल था इसमें काफी उन्होंने इसको मेंटेन किया, इसको काफी मजबूत किया है, बहुत हेल्पफुल रहा है दोनों का नेचर एक दूसरे के। इस वजह से संयुक्त अरब अमीरात ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया है? नरेंद्र मोदी को। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा, केंद्र सरकार ने रिसर्च फेलोशिप की राशि 25,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो इसको 25,000 से बढ़ा करके 31,000 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 31,000 कर दिया गया है रिसर्च फेलोशिप की राशि को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि एनसीसी के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग हमारे जाइए अपॉइंटमेंट में, एग्जाम ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के नाम से सर्च करिए, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सभी को मैंने कवर किया है, ठीक। तो समराइज करके आपको एक जगह पे मिल जाएगा। और अगर आप लोग इस तरह के वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे तो जल्दी हम आपको एक नया सेगमेंट देने वाले हैं जिसमें हम लोग लास्ट 6 मंथ में, क्योंकि स्पोर्ट देखिए काफी अहम रोल निभा रहा है, अगर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो पूरा स्पोर्ट्स का जो वीडियो होगा उसको हम लोग कवर करेंगे 2-3 पार्ट में, जिससे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपके क्वेश्चन स्किप ना हो। हालांकि मैंने आपको डेली करंट अफेयर में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं एनसीसी का महानिदेशक किसे बनाया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा को। किसे बनाया गया है? राजीव चोपड़ा को बनाया गया है एनसीसी का महानिदेशक। इसका गठन कब हुआ था? तो नेशनल कैडेट कोर एक्ट 1948 के तहत इसका गठन हुआ था 16 दिसंबर 1948 में। इसमें क्या किया जाता है? थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है किसे? स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को। हालांकि जिनकी स्कूलिंग हो गई उनको भी पता चला होगा, और अगर जो लोग कॉलेज में हैं, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों तो आपके हो ही चुके होंगे, तो आपको पता होगा कि एनसीसी के कैंप लगते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग्स भी चलती हैं और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 मार्च से युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा किया है? तो ऐसा करने वाली है राजस्थान की सरकार। कौन है? राजस्थान। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक है, अशोक गहलोत है राजस्थान के सीएम। इसमें क्या किया जाएगा? लड़कों को 3,000 रुपये और लड़कियों को 35,000 रुपये, सॉरी 3,000 और लड़कियों को 3,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। किसे? ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक दिया जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ऐसा माना जाता है कि लोगों को इम्प्लॉयमेंट मिल जानी, इम्प्लॉय हो जाना चाहिए, ठीक। अब इसमें कुछ कैटेगरी भी रखा गया है, ऐसे युवा जिनकी जो सालाना आय है, जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है, उन्हीं को दिया जाएगा। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी होगी जिनसे बच्चे ग्रेजुएट होंगे वो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, एनएसएसओ के अनुसार 2017-18 में बेरोजगारी दर कितने परसेंट रही? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ऐसा पहली बार हुआ कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर देखी गई है 2017-18 में, 6.1%, ठीक। जिसमें अगर हम लोग बात करें कि कितने नौजवान बेरोजगार हैं, तो 13 से लेकर 27% तक नौजवान बेरोजगार है। ग्रामीण की बात करें तो 5.3%, और शहरी लोगों की बात करें तो 7.8% शहरी बेरोजगार है। एनएसएसओ का गठन हुआ था 1950 में और इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अगला हमारा, सीएसओ के अनुसार 2017-18 में जीडीपी की दर
क्या है, तो 2017-18 में जीडीपी की दर 7.2% रही है, ठीक, अनुमानित कितनी थी 6.7%। अब इसके अलावा मैं दो और आपको बता देती हूँ, आरबीआई और एडीबी ने अभी अपना लॉन्च किया डेटा जिसमें उन्होंने बताया कि भारत का जीडीपी दर 2019-20 में कितना रहेगा, 7.2% रहेगा, और आरबीआई ने बोला, एडीबी ने बोला कि 2019-20 में रहेगा 7.3%, ठीक है, याद रखिएगा। एडीबी का फुल फॉर्म क्या है, हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में एक दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर, 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो मिताली राज। कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, लेकिन अब और भी धुरंधर आ चुके हैं, तो आपको स्पोर्ट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। मिताली राज देखिए एक महिला क्रिकेटर है, भारतीय महिला क्रिकेटर है, जिन्होंने भारत न्यूजीलैंड मैच में को खेल करके अपना 201 दिवसीय मैच को कम्प्लीट किया। इसके अलावा इस मैच में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है, स्मृति मंधाना को। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट किसने पेश किया, तो इस बजट को पेश किया पीयूष गोयल ने। कब किया है, 1 फरवरी को किया है, ठीक है, अंतरिम बजट को किसने पेश किया, पीयूष गोयल ने। कारपोरेट रेल और कोयला मंत्री हमारे पीयूष गोयल हैं, जिसमें अगले दशक तक नए निर्माण, भारत के नव निर्माण के लिए विजन डॉक्यूमेंट 2030 को लॉन्च किया गया है। तो हम लोग बजट के चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे, और हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन जल्दी ही फिर से एक बार इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। चलिए अगला हमारा, यूनेस्को ने वर्ष 2019 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है, तो यूनेस्को ने इस वर्ष 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है। क्यों, क्योंकि इसके निर्माण के 150 साल पूरे हो गए हैं, और इसे बनाया किसने था, तो 1869 में रूसी रसायन शास्त्री थे दिमित्री मेंडलीव, उन्होंने बनाया था। आवर्त सारणी में अंतिम बार कितने तत्व जोड़े गए थे, तो अंतिम बार 4 तत्व जोड़े गए थे 2015 में, 113, 115, 117, 118, ठीक है, 4 नए तत्व जोड़े गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में इसका मुख्यालय, और इसका गठन हुआ है 1945 में। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूनेस्को से, यूनेस्को ने देखिए सबसे पहले तो यूनेस्को ने कुंभ मेला को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में घोषित किया। इसके अलावा दो कंट्री ऐसी है, इसराइल और अमेरिका, इन दोनों ने यूनेस्को की सदस्यता को छोड़ दिया है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रिवर वाटर डॉल्फिन को जल जीव का दर्जा देने का फैसला किया है, तो ऐसा करने वाली है पंजाब की गवर्नमेंट। पंजाब की गवर्नमेंट क्या करेंगे, यहाँ पे जो डॉल्फिन है उनको राज्य का जल जीव घोषित करेंगे। किस नदी में है, तो व्यास नदी में करीब 5 से 11 के बीच में रिवर वाटर डॉल्फिन है, जिसे वहां का जलीय जीव घोषित किया जाएगा। अगला हमारा कि पाकिस्तान ने सतह पर सतह से मार करने वाली किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो इसका नाम है नस्त्र, ठीक है, क्या नाम है इसका, नस्त्र है इसका नाम। इसमें क्या हुआ है, इसके अलावा पाकिस्तान से आप याद रखिएगा कि भारत ने MFN का दर्जा वापस ले लिया था पुलवामा अटैक के बाद, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, ठीक, अभी आगे हम लोग का आएगा तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। अगला हमारा कि इसरो ने किस शहर में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र लॉन्च किया है, तो इसरो ने बंगलुरु में लॉन्च किया है। इसके अलावा इसरो का एक मिशन है गगनयान, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, यह कब कंप्लीट होगा, 2022 में। इसमें होगा क्या कि इसरो 3 भारतीय व्योमनाट में, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए जो अमेरिका है वहां के जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉट, रशिया के अंतरिक्ष यात्री को कॉस्मोनॉट बोला जाता है, और जो भारत के अंतरिक्ष यात्री होंगे उन्हें व्योमनॉट बोला जाएगा। तो पहली बार ऐसा होगा कि कोई भारतीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है वह भारतीय को अपनी यहां से भेजेगी स्पेस में, तो यह काफी इंपॉर्टेंट मिशन है, मिशन गगनयान। इसमें जो भारतीय वैज्ञानिक है उनको प्रशिक्षण कौन देगा, उनको फ्रांस प्रशिक्षण देगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किन देशों के साथ ईरान ने इंस्टिक्स नाम का पेमेंट चैनल स्टार्ट किया, तो ईरान ने शुरू किया है जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के साथ। इसके साथ किया है जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। रीजन क्या है कि एक नया पेमेंट चैनल शुरू किया, आपको पता है अमेरिका इस समय बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से ऐसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे प्रतिबंध लगा दे रहा है, तो अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान को एक प्रकार का नया इंस्टिक्स नाम का पेमेंट चैनल स्टार्ट करना पड़ा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 2 फरवरी को, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को, और इस बार इसकी थीम थी आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन। इसकी थीम क्या है, आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन इसकी थीम है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, देश का 22वां एम्स कहाँ स्थापित हो रहा है, तो देश का 22वां एम्स स्थापना हो रही है रेवाड़ी हरियाणा में। कहाँ पे हो रहा है, रेवाड़ी हरियाणा में देश के 22वें एम्स की स्थापना हो रही है, और इसका उल्लेख किया गया था 2019-20 के बजट में। एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसका गठन हुआ था 1956 में।
अगला क्वेश्चन हमारा कि सीबीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सीबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं ऋषि कुमार शुक्ला। कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं, जो कि भारतीय मध्य प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक थे, 2 साल उनका कार्यकाल था। ठीक है, ऋषि कुमार शुक्ला बने हैं सीबीआई के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत कितने रुपए एक तक एक वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो इसमें 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें 2,000 रुपये कर करके 3 किस्तों में दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा किस देश ने फुटबॉल में अपना पहला एशिया कप जीता? तो फुटबॉल में अपना पहला एशिया कप जीता है कतर ने। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कतर ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी। ओपेक जो एक तो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का एक ग्रुप है, इसकी सदस्यता किसने छोड़ा है? कतर ने छोड़ा है 1 जनवरी को। और कतर की कैपिटल क्या है? कतर की कैपिटल है दोहा। इसने कहा है कि अब हम जो नेचुरल गैस है उस पर वर्क करना चाहते हैं, अब हम पेट्रोलियम का सदस्यता छोड़ रहे हैं। अगला हमारा, किस राज्य ने स्वस्थ भारत यात्रा पुरस्कार जीता? तो इसको जीतने वाला है तमिलनाडु। फसाई के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में हम लोग जानते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इन्होंने एक अभियान चलाया था, अखिल भारतीय स्वस्थ भारत यहाँ स्वच्छ नहीं स्वस्थ भारत यात्रा, 16 अक्टूबर 2018 से लेकर के 29 जनवरी 2019 तक, जिसमें यह पुरस्कार किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता है। और इसमें एक विशेष पुरस्कार भी दिया गया, जिसे जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड ने जीता है। अगला हमारा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है 4 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में। ठीक है, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा? मोटर कार रैली निकाली जाएगी, जिसमें गांधी जी से जुड़े जो स्थान है उन पे भेजा जाएगा इसको। और इसका समापन होगा 24 फरवरी को म्यांमार के यांगून में। कुल कितनी लंबी यात्रा होगी? 4,250 किलोमीटर लंबी यात्रा है। अगला हमारा कि हाल ही में हब्बल टेलीस्कोप द्वारा किस बौनी आकाशगंगा का खोज किया गया है? उसके द्वारा बेदिन वन, क्या नाम है आकाशगंगा का? बेदिन वन टेलीस्कोप का आकाशगंगा का खोज किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ पे हुई? तो नई दिल्ली में हुई है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बैठक। यह एक प्रकार की अंतर सरकारी संगठन है, जिसका काम क्या है? यह बैठक हुई है आपदा प्रबंधन पर। इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी सदस्य देश होंगे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के, उनके यहाँ आपदा प्रबंधन में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में 100 T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला बनी है सना मीर। कौन बनी है? सना मीर, जो कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने नीलांबर आचार्य को भारत में राजदूत नियुक्त किया है? क्या नाम है इनका? नीलांबर आचार्य। तो इनको नियुक्त किया है नेपाल ने भारत में अपना राजदूत। नीलांबर आचार्य नेपाल के पूर्व कानून मंत्री थे। और अब नेपाल से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। नेपाल की कैपिटल है हमारा काठमांडू, यहाँ के पीएम है KP ओली, खड़ग प्रसाद ओली, और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। ठीक, और अभी 29-30 मार्च को हुआ है नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन, कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है हमारा काठमांडू में। भारत के किस शहर में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सर्वाधिक है? अगर हम लोग बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की, तो गुरुग्राम में है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सर्वाधिक। और मैं आपको बता दूं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक वैश्विक स्तर की संस्था है, जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विश्व का सबसे प्रदूषित शहर गुरुग्राम है और सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? दिल्ली है। तो आई थिंक गुरुग्राम को कुछ ना कुछ एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जहाँ पे जलवायु सबसे ज्यादा प्रदूषित रहेगी। और इस समय जो प्रदूषण का अगर हम लोग मानक देखें, तो वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा है। मैंने एक रिपोर्ट में आपको पढ़ाया भी था कि 2017-18 में करीब वायु प्रदूषण से जो बीमारियां उत्पन्न हुई हैं, उनसे 1.2 मिलियन भारतीयों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो आई थिंक भारत को इस पे एक कड़ा कदम उठाना चाहिए। मेन रीजन तो यही है कि जो दिवाली हो गया पटाखे, उसके बाद कोई क्रिकेट जीत गया, न्यू ईयर आ गया, तो सबसे पहले तो पटाखों को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन जनरेट होता है और बाकी गाड़ियों में जो ईंधन का प्रयोग होता है उससे भी। हालांकि BS6 ईंधन को लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, 2020 से हर जगह यह स्टार्ट हो जाएगा, अब गाड़ियाँ भी बनना बंद हो गई हैं BS4 का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व की नंबर 1 महिला वनडे बल्लेबाज कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है विश्व की नंबर 1 वनडे बल्लेबाज। इसके अलावा मिताली राज में हमने क्या पढ़ा था कि 200 वनडे मैच खेलने वाली महिला कौन बनी है? मिताली राज। और वनडे बल्लेबाज कौन बनी है? स्मृति मंधाना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि 100 T20 मैच खेलने वाली एशियाई महिला कौन है, तो सना मीर, याद रखिएगा। अब ये सब कौन बताता है? ये सब रैंकिंग दी जाती है ICC के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और ICC के नए CEO बने हैं मनु शाहनी। इसके पहले कौन थे? डेविड रिचर्डसन थे ICC के CEO। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में
किस राज्य ने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को 20,000 से बढ़ा करके 25,000 कर दिया है। ठीक है, तो अपने आप में यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा करने वाली है राजस्थान की सरकार। किसने किया है? राजस्थान की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी को जो मिलने वाली पेंशन थी उसको बढ़ा करके 20 से 25 कर दिया। इसके अलावा मेडिकल भत्ता जो मिलता था उसे भी बढ़ा करके 5,000 कर दिया। और 2 करोड़ लोगों को 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूँ का वितरण भी किया जाएगा। कहाँ पे? राजस्थान के द्वारा। इसके अलावा मैंने अभी आपको इसके पहले पढ़ाया कि राजस्थान ने युवा भत्ता की शुरुआत की है जिसमें लड़कों को 3,000 और लड़कियों को 3,500 रुपये दिए जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि डीडी अरुणा प्रभा उपग्रह चैनल की शुरुआत कहाँ पे किया गया? इसकी शुरुआत किया गया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? यह दूरदर्शन का 24वां उपग्रह चैनल है। याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह दूरदर्शन का 24वां उपग्रह चैनल है, डीडी अरुणा प्रभा उपग्रह चैनल। अब अरुणाचल प्रदेश क्या है? इसकी कैपिटल है ईटानगर। और मैं आपको अगर इसको थोड़ा सा अप्रैल से कोरिलेट करूँ तो अप्रैल में अरुणाचल प्रदेश में 3 जिलों, अरुणाचल प्रदेश में टोटल 9 जिले हैं जिसमें से 3 जिलों से आपका कानून को हटा दिया गया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में डीफो पुल है जिसका उद्घाटन निर्मला सीतारमण ने किया। दूसरा हमारा स्टील केबल ब्रिज बेवरुंग ब्रिज जो कि कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है और यह एक स्टील केबल ब्रिज है। अगला क्वेश्चन हमारा कि कटलस एक्सप्रेस क्या है? कटलस एक्सप्रेस एक नौ सैनिक अभ्यास है। ठीक है, कटलस एक्सप्रेस क्या है? नौ सैनिक अभ्यास जिसका आयोजन किया गया है अमेरिका और अफ्रीका के द्वारा। इसमें क्या करना है कि समुद्री कानून प्रवर्तन क्षमता का आकलन करना और उसमें सुधार करना। यह कब से कब तक चला है? तो 27 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी के बीच चला है। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का कौन सा संस्करण इस समय चल रहा है? तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का 8वां संस्करण चल रहा है इस समय। यह 3 मंत्रालय मिलकर के इसको चलाया है। कौन कौन? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसके बचाव की एक दवा निकाली गई है जिसका नाम है अलबेंडेजॉल। क्या है? अलबेंडेजॉल। कृमि मुक्ति अभियान में एक बचाव की दवा निकाली गई है। और अगर हम लोग बात करें कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है साल में 2 बार, एक तो 10 फरवरी को मनाया जाता है, दूसरा मनाया जाता है 10 अगस्त को कृमि मुक्ति दिवस। अगला हमारा कि VVIP ऐप लॉन्च किया किसने? तो निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। अब निर्वाचन आयोग देखिए इस समय हमें क्या जानना है? हमें जानना है कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जिसे हम लोग साधारण भाषा में जानते हैं आचार संहिता। बहुत से क्वेश्चन इस बार हमारे चुनाव से जनरेट होने वाले हैं क्योंकि देखिए अभी तक कोई एग्जाम हुआ नहीं है, चाहे मंडी परिषद लोअर या हम किसी भी एग्जाम की बात करें तो अभी कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है। चुनाव खत्म होते ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 26 मई से जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी एग्जाम है सबको जल्दी जल्दी कराया जाएगा। ठीक है, अब निर्वाचन आयोग से हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम एक डिस्कस करने वाले हैं चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग और आचार संहिता से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं या फिर जो जनरल नॉलेज हमें होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज कि आखिर ये कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, इन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक स्पेशल वीडियो में जिसमें सिर्फ हम लोग चर्चा करेंगे आचार संहिता और चुनाव आयोग के बारे में और क्या क्या नए इनिशिएटिव किए गए हैं 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि VVIP ऐप किसने लॉन्च किया है? तो निर्वाचन आयोग ने। क्यों लॉन्च किया है? तो लोकसभा चुनाव 2019 में संचालन के लिए। इसमें क्या हुआ है? VVIP में 3 चीज़ें हैं। पहला तो वोटर वेरिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम है इसमें। दूसरा है वोटर हेल्पलाइन ऐप जिसमें मतदाता सूची में मतदाता का नाम मिल जाएगा। तीसरा PWD ऐप लॉन्च किया है जिसमें दिव्यांगजनों की मदद किया जाएगा। अब ये सब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर पूछ ले VVIP ऐप क्या है या फिर एनआरजोई अभियान किसने चलाया, तो असम ने चलाया है दिव्यांगजनों को मतदाता का संख्या बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन वृद्ध पेंशन योजना की शुरुआत कब होगी? तो 15 फरवरी 2019 को इसकी लॉन्चिंग हुई है। 15 फरवरी 2019 और इसका उल्लेख कहाँ पे हुआ था? तो 2019-20 अंतरिम बजट में इसका उल्लेख हुआ था जिसे किसने लाया? पीयूष गोयल ने। अब अगर हम लोग बात करें तो इसमें होगा क्या, इसमें जो 15,000 मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्रों में कामगार हैं उनके लिए एक पेंशन योजना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें 60 वर्ष के जब कोई हो जाएगा अगर वो पेंशन स्कीम को अपनाता है तो उसे हर महीने 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेंशन मिलेगा। और जमा भी पेंशन अगर आपको चाहिए तो कुछ जमा भी तो करना होगा। तो अगर आप 18 साल के हैं और असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको 55 रुपये पर मंथ जमा करना है और इसके अलावा 29 साल के बाद वाले 100 रुपीज पर मंथ को जमा करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन कब होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आयोजन हुआ है 9 से लेकर के 18 फरवरी के बीच में। कब से कब हुआ है? 9 से 18 फरवरी के बीच में, जिसका उद्घाटन किया है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने।
कहाँ पे मनाया जाता है? या मनाया जाता है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, और इसमें स्नान कराया जाता है गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति पर। यह त्योहार 12 साल में एक बार मनाया जाता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कब कब मनाया गया। यह देखिए चौथा मनाया गया है, चौथा महामस्तकाभिषेक महोत्सव मनाया गया है। सबसे पहली बार इसे 1982 में मनाया गया, फिर 1995 में मनाया गया, फिर 2007 में मनाया गया, और अब मनाया जा रहा है 2019 में। तो याद रखिएगा, ठीक है। गोमतेश्वर बाहुबली थे कौन? तो जैन धर्म के जो पहले गुरु थे उनमें ऋषभ देव थे, उन्हीं के पुत्र थे गोमतेश्वर बाहुबली, ठीक है। अगला हमारा, हाल ही में किस राज्य में वहां का पहला मेगा फूड पार्क खोला गया है? तो हिमाचल प्रदेश में खोला गया है वहां का पहला मेगा फूड पार्क। करंट अफेयर की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कहाँ पे है, जगह का नाम, ठीक। नेक्स्ट हमारा, अरुंधति योजना किस राज्य ने शुरू किया है? यह शुरू किया गया है असम के गवर्नमेंट द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा कि राज्य की सभी लड़कियों, जैसे हमारे यहाँ क्या रिचुअल है कि विवाह में सोना गिफ्ट किया जाए, ठीक है, तो सोने के गोल्ड से बने जो आभूषण होते हैं वह गिफ्ट किया जाएगा। 10 ग्राम सोना दिया जाएगा राज्य की सभी लड़कियों की शादी में। कुछ कंडीशंस भी अप्लाई होती हैं, कोई भी इस तरह की योजना रहती है तो टर्म्स एंड कंडीशन जरूर अप्लाई होती हैं। जिनकी एनुअल इनकम लेस देन 5 लाख होगी उनका, और जो विशेष विवाह असम अधिनियम 1954 में पंजीकृत होंगे, ठीक है। चलिए अब असम से रिलेटेड और भी हमारे क्वेश्चन है, जैसे भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल कहाँ पे है? बोगीबील पुल, तो यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसके अलावा असम ने एनाजोरी एक योजना लगाई है, किसके लिए? तो चुनाव में दिव्यांगजनों की मदद के लिए असम ने इस योजना को लॉन्च किया है। अगला हमारा, हाल ही में किस देश ने अपनी अदालतों में हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा बनाया? तो ऐसा करने वाला है अबू धाबी। कौन है? अबू धाबी है ऐसा करने वाला। पहली भाषा तो अरबी है, दूसरी अंग्रेजी है, तीसरी क्या है? हिंदी। अबू धाबी की बात करें तो वहाँ पे 26 लाख भारतीय है, ठीक है, वहाँ पे कितने भारतीय है? 26 लाख भारतीय है। नेक्स्ट हमारा कि 72वां बाफ्टा पुरस्कार समारोह में किस मूवी को सर्वाधिक पुरस्कार दिया गया? तो द फेवरेट मूवी को सर्वाधिक पुरस्कार दिया गया है बाफ्टा पुरस्कार समारोह में। नेक्स्ट हमारा कि डेन डेविड पुरस्कार किसे दिया गया? तो संजय सुब्रमण्यम। यह कहाँ का पुरस्कार है? डेन डेविड इजराइल का प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसमें संजय सुब्रमण्यम को दिया गया है, ठीक है, जो कि एक भारतीय इतिहासकार है। नेक्स्ट हमारा, गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मानव तस्करी कहाँ पे होती है? सबसे ज्यादा मानव तस्करी होती है पश्चिम बंगाल में। करीब हर बार 8115 लोगों की तस्करी कहाँ पे होती है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद राजस्थान में एंड आफ्टर देन महाराष्ट्र में। मानव तस्करी में क्या क्या चीजें, मजदूरी हो गई, बधुआ मजदूरी या देह व्यापार, ये सभी किसमें आते हैं? मानव तस्करी में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक्वा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ पे? एक्वा इन द सेंस सीधे पहुंच जाइए आप एक्वेरियम, और एक्वेरियम में कौन रहती है? एक्वेरियम में रहती हैं मछलियां। तो इसका उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा एक्वा 2.0 मिशन कहाँ पे लाया गया? तो मेघालय में, ठीक है। वहां मछलियां जो इंपोर्ट होती थी उससे बीमारियां फैलती थी, तो उसको कम करने के लिए मेघालय ने एक्वा मिशन 2.0 वहां पे लॉन्च किया है। और एक्वा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ। इसका नाम क्या है? गोदावरी एक्वा मेगा फूड पार्क, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो नया मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं सुशील चंद्रा। किस कौन बने हैं? सुशील चंद्रा बने हैं, ठीक है। कब? तो 14 फरवरी 2019 को सुशील चंद्रा बने हैं नए चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट है हमारा, सॉरी यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको बता दूँ, सुशील चंद्रा बने हैं चुनाव आयोग के सदस्य, ठीक है, सुशील चंद्रा। जबकि अगर हम लोग बात कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा, यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है नया चुनाव आयुक्त। तो चुनाव आयुक्त में सदस्य होते हैं, 3 सदस्यीय टीम होती है, उसमें सुशील चंद्रा है एक टीम मेंबर, दूसरे हैं अशोक लवासा। और जबकि अगर हम लोग मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो कौन है? सुनील अरोड़ा है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा, किस आर्टिकल में दिया गया है संविधान के, तो आर्टिकल 324 में दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में। नेक्स्ट हमारा, किस देश में धान की भूसी से बायोजेट फ्यूल बनाने की योजना चल रही है? तो ऐसा चल रहा है भारत में। कहाँ पे चल रहा है? भारत में। कहाँ पे? भारत में। कहाँ पे? भारत में पंजाब सरकार द्वारा यह चलाया जा रहा है, जिसमें करीब 630 करोड़ का बजट है। इसके अलावा पंजाब से आप यह भी याद रखिएगा, जो साइंस एक हमारा सबमिट हुआ है, साइंस सबमिट, इसमें तो पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में यहाँ पे टाइम कैप्सूल को गाड़ा गया, जिसे 100 साल बाद निकाला जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में एयर इंडिया का अध्यक्ष दूसरी बार किसे बनाया गया? तो अश्विनी लोहानी को बनाया गया है एयर इंडिया का अध्यक्ष। मैं आपको बता दूं 2017 तक यह रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे। कई बार मैंने आपको पढ़ाया है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो वीके यादव है। रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वीके यादव।
नेक्स्ट हमारा कि एनआरआई विवाह पंजीकरण विधेयक 2019 के अनुसार किसी एनआरआई को कितने दिन के भीतर शादी का पंजीकरण कराना आवश्यक है, तो 30 दिन के भीतर, ठीक, अन्यथा उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा यूनिसेफ द्वारा जारी फैक्ट शीट चाइल्ड 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बाल विवाह प्रथा लागू है, तो सबसे ज्यादा बाल विवाह प्रथा लागू है बिहार में, ठीक है, कहाँ पे। हाल ही में भारत ने किस देश से MFN का दर्जा वापस ले लिया, यहाँ पे देखिए गलती से लिखा गया है MSN, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होगा MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया, तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, MFN का मतलब क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा किसे वापस लिया गया है, इसमें हमारा सही आंसर होगा पाकिस्तान, ठीक है। क्यों ले लिया गया, 14th of February को हुआ था पुलवामा अटैक, जिसमें पाकिस्तान को संदिग्ध रूप से पाया गया, इसके तुरंत बाद भारत ने क्या किया था, पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया। बात ये आती है कि ये कौन सा ऐसा दर्जा था कि भारत ने इसको वापस ले लिया, तो उसमें पाकिस्तान को क्या नुकसान है, नुकसान है अगर आप किसी भी देश को, इंडिया किसी भी देश को MFN का दर्जा देती है, तो जो ट्रेड शुल्क होता है, व्यापार का जो शुल्क होता है, वो बहुत कम होता है, ठीक, और ये दर्जा वापस लेने के बाद जो व्यापार शुल्क है वो काफी ज्यादा हो जाता है, तो इस वजह से यह काफी हद तक पाकिस्तान को अफेक्ट करेगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, याद रखिएगा क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, मतलब सीधा सा मतलब देखिए आपको सेंटेंस पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए कि लड़कियों की स्थिति जो है और महिलाओं की स्थिति साइंस में बढ़ाने के लिए, इसको जागरूक करने के लिए यह डे मनाया जा रहा है। कब मनाया जाएगा यह, तो यह मनाया जाएगा हमारा 11 फरवरी को, कब मनाया जाएगा 11 फरवरी को। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं उनको साइंस में अभी भी अगर हम उनके परसेंटेज को देखें तो वो बहुत कम है, लोग साइंस में इंटरेस्ट नहीं, इनका जो भागीदारी है साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में वो काफी कम है, तो इसके लिए मात्र 22% है स्टेम में। अगर हम लोग बात करें, अभी एक नया वर्ड आ गया आके लेके, स्टेम क्या है, तो देखते हैं सबसे पहले स्टेम क्या है, स्टेम का देखिए मतलब है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये जो हमारा स्टेम सेक्टर है इसमें ग्लोबल लेवल पे जो महिलाएं इन्वॉल्व है मात्र 22% है, तो इस नंबर को इंक्रीज करने के लिए यह डे मनाया जा रहा है, जिससे कि लोग जागरूक हों और क्या हो, लड़कियां और महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, अगला है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया, तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अब्दुल अजीज मोहम्मद को, किसे सम्मानित किया गया है, अब्दुल अजीज मोहम्मद को। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं हमारा UAE से, और यह अवार्ड उन्हें दिया गया है मार्टिन एनस अवार्ड जिनेवा में, कहाँ पे दिया गया है, जिनेवा में, इन्होंने हेल्प किया था सूडानी शरणार्थियों की। अब बात करते हैं हम लोग कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। इसके साथ साथ मानवाधिकार के लिए एक चैनल भी बनाया गया है, जिसका जो प्रसारण होगा वो लंदन सहित 20 देशों में होगा, और जल्दी ही इसके ऊपर एक ऐप लॉन्च करके सभी देशों में इसका प्रसारण किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को किया गया है, तो हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। क्यों, अमेरिका मेक्सिको सीमा पर जो दीवार है इसी वजह से कुछ वहां पे कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गया है, जिसकी वजह से अमेरिका ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कितने देशों की यात्रा पर गई, तो सुषमा स्वराज गई हैं 3 देशों की यात्रा पर, ठीक है, कौन कौन से देश हैं इनके बारे में देख लेते हैं। पहला तो है बुल्गारिया, ठीक है, पहला क्या है बुल्गारिया, उसके बाद है हमारा मोरक्को, पहला बुल्गारिया है और दूसरा क्या होगा हमारा मोरक्को, तीसरा हमारा स्पेन है। अब ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट के देश हैं, तो देखिए बुल्गारिया पड़ता है दक्षिण यूरोप और इसकी कैपिटल कहाँ है, सोफिया, और मराकेश, अगर हम लोग बात करें मोरक्को की, तो मोरक्को एक उत्तरी अफ्रीकी देश है, उत्तर अफ्रीकी देश है और इसकी कैपिटल है मराकेश। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्पेन की, तो सबको पता है कि स्पेन एक यूरोपीय संघ का देश है जिसकी कैपिटल है मैड्रिड, और हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इन 3 देशों की यात्रा पर गई हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, भारत के पहले कृषि पूर्वानुमान केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है कर्नाटक में, कृषि पूर्वानुमान केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है, कर्नाटक में की गई है, और इसका नाम क्या रखा गया है, उत्तर कर्नाटक एग्रोमेट फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सेंटर धारवाड़। इसमें किया क्या जाएगा कि किसानों की फसल की निगरानी रखी जाएगी और बेहतर उपज देने के लिए काम किया जाएगा। इसका उद्घाटन किसने किया, तो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि अन्नदाता सुखी भव योजना किस राज्य की है, तो जल्दी से आप लोग इसे आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश की। अन्नदाता सुखी भव योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें क्या था कि पहले किसानों को 4,000 रुपये मिलते थे और अब इन्हें बढ़ा करके 9,000 रुपये कर दिया गया। 4,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 9,000। अब आप लोग एक बात बताइए, अब वहाँ के किसानों को कुल 15,000 रुपये मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? मैंने आपको बताया था किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, 9,000 तो इन्हें स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, इसके अलावा 6,000 इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ओवरऑल जो इनकी एनुअल इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15,000 रुपीज। नेक्स्ट हमारा, ईरानी कप किसने जीता, तो यह क्रिकेट से संबंधित एक कप है जिसे जीता गया है विदर्भ के द्वारा, और इसमें मैन ऑफ द मैच कौन बने हैं, मैन ऑफ द मैच बने हैं अक्षय कार्नेवर। ठीक है, ईरानी कप की शुरुआत कब की गई थी, 1959 से 60 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने का विधेयक पेश किया है, तो ऐसा करने वाला है हिमाचल प्रदेश। किसने किया है, हिमाचल प्रदेश ने संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने का निर्णय लिया है। अब हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल भी है, पहला तो है शिमला और दूसरी कैपिटल है धर्मशाला। यहाँ के सीएम कौन है, जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, जयराम ठाकुर। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा। ये तीनों कहाँ पे हैं, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है जिसका नाम है तासीगंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए पैन इंडिया नंबर 112 किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया गया है हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। इसके साथ और कौन सम्मिलित था, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिल करके 16 राज्यों में एक साथ 112 पैन इंडिया नंबर लॉन्च किया है। ठीक, अगर हम लोग बात करें 112 नंबर की, तो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के थ्रू हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में यह योजना पहले से ही शुरू है। ठीक, इसमें किया क्या जाएगा, एक विशेष प्रकार का ट्रैकिंग डिवाइस रहेगा जिसमें ट्रैक करके अगर महिलाओं को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तत्काल उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2019 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन हमारा होगा राजस्थान में। वायु शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ है, राजस्थान के पोखरण रेंज में हुआ है युद्धाभ्यास वायु शक्ति का आयोजन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किसे स्पेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट दिया गया है, यह दिया गया है सुषमा स्वराज को। सुषमा स्वराज हमारी विदेश मंत्री है, और जब 2015 में नेपाल में भूकंप तो जब 2015 में नेपाल में भूकंप आया था तो उसमें इन्होंने 11 स्पेनिश नागरिकों को बचाया था, जिसके लिए इन्हें स्पेन के जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने शिव छत्रपति पुरस्कार जीता, तो इसको जीतने वाली है स्मृति मंधाना। किसने जीता है, स्मृति मंधाना ने शिव छत्रपति पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कतर ओपन 2019 को किसने जीता, तो यह जीता गया है एलिस मर्टेंस के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है, एलिस मर्टेंस के द्वारा जीता गया है। इसके अलावा कतर एक और चीज के लिए न्यूज में था, इसने 1 जनवरी को ओपेक की सदस्यता को छोड़ दिया है, जिस वजह से यह काफी न्यूज में था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला हमारा कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 73वां देश कौन सा बना है, तो इसमें 73वां देश बना है सऊदी अरब। 73वां देश कौन सा बना है, सऊदी अरब। आईएसए है क्या, देखिए आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। ठीक है, और यह सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली एक संस्था है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आईएसए के फ्रेमवर्क में शामिल होने वाला अर्जेंटीना कौन से नंबर का देश है, तो अर्जेंटीना 72वें नंबर का है। और मैंने क्या बताया, 73वें नंबर पे कौन है, 73वें नंबर पे सऊदी अरब है। 74वें नंबर पे अभी हाल ही में अप्रैल में कौन शामिल हुआ है, बोलिविया। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा, 72 नंबर पे अर्जेंटीना है, 73 पे है सऊदी अरब, 74 पे है बोलिविया। नेक्स्ट बात करते हैं, मिस इंडिया यूएसए 2019 का खिताब किसने जीता, इसे जीता गया है किम कुमारी के द्वारा। मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है, किम कुमारी ने जीता है। फिर हमारा कि विश्व खेल पुरस्कारों में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया, तो जल्दी से बताइए किसे दिया गया है, या दिया गया है नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के एक टेनिस खिलाड़ी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें महिला वर्ग की, तो महिला वर्ग में दिया गया है सिमोन बाइल्स को। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे बनाया गया है, सिमोन बाइल्स को, जो कि एक अमेरिकी जिमनास्ट है। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम बनी है फीफा विश्व कप। ठीक है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम कौन बनी है, फीफा विश्व कप विजेता टीम है फ्रांस की, उसे दिया गया है। इसमें भारतीय भी एक शामिल है, कौन है, लॉरियल स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड दिया गया है झारखंड की एक संस्था जिसका नाम है युवा।
ठीक है, इस संस्था का नाम क्या है, यूआई, जिसे लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, एयरो इंडिया 2019 की शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हुई है 20 फरवरी 2019 को, एयरो इंडिया 2019 कहाँ पे हुआ है, तो इसका आयोजन किया जाएगा बंगलुरु में, और इसकी टैग लाइन क्या है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, यहाँ हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है, और 1996 से यह बंगलुरु में आयोजित हो रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि देश के पहले डीजल से इलेक्ट्रिक में परिवर्तित लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ पे हुआ है, इसका निर्माण हुआ है वाराणसी में। वाराणसी देखिए कई न्यूज के लिए चर्चा में था, ठीक है, क्या है, किस किन चीजों के लिए, अभी वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का एक वहाँ पे फ्रेंचाइजी स्थापित की गई है, जिसने एक चावल भी बनाया है DRR44, धान की एक नई प्रजाति है। इसके अलावा वाराणसी में एक अलकनंदा लग्जरी क्रूज को लाया गया, ठीक, इसके अलावा वहाँ पे फ्रेड विलेज और मल्टी मॉडल टर्मिनल की स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सिकरिया मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो इसका उद्घाटन हुआ है त्रिपुरा में, ठीक है, यह त्रिपुरा का पहला मेगा फूड पार्क है और अपने देश में यह अपनी तरह का 18वां मेगा फूड पार्क है, ठीक है, त्रिपुरा के अगरतला में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट हमारा कि भारत के पहले फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो कोलकाता में किया गया है पहले फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन। उसके बाद हमारा भारत में महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु किसे राजदूत बनाया गया है, तो मैरी कॉम को राजदूत बनाया गया है महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, वाराणसी में किया गया है होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन। इसके अलावा वाराणसी के BHU में एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है जिसका नाम क्या है, परम शिवाय, जिसका अगर हम लोग बात करें कि इसको स्थापित किया गया किस प्रोजेक्ट के द्वारा, तो मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है आटोस, भारत ने सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसके साथ समझौता किया था 70+ सुपर कंप्यूटर बनाने का, और इसी के तहत BHU में एक परम शिवाय नाम के सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 20 फरवरी को, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को, और इस बार इसका सब्जेक्ट क्या था, इफ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2007 में यूनाइटेड नेशन ने कहा था इसको मनाने को। अगला क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस के रूप में, ठीक है, किसने इसकी घोषणा किया था, तो इसकी भी घोषणा किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। उसके बाद हमारा कि सियोल शांति पुरस्कार 2018 से किसे नवाजा गया, तो सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है नरेंद्र मोदी को, जो कि यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। और सियोल शांति पुरस्कार का वितरण कौन करता है, तो साउथ कोरिया करता है इसका वितरण, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला रोबोकॉप किस राज्य की पुलिस में शामिल किया गया है, तो केरल में शामिल किया गया है भारत का पहला रोबोकॉप SI के पोस्ट पे। इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है KP बोर्ड, क्या नाम रखा गया है, KP बोर्ड। उसके बाद हमारा कि हाल ही में PM मोदी ने IIT BHU में किस सुपर कंप्यूटर का लोकार्पण किया है, तो मैंने आपको बताया है किस सुपर कंप्यूटर का लोकार्पण किया गया है, परम शिवाय, ठीक है, और भारत के पास इस समय जो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, प्रत्युष है, ठीक। अगला हमारा कि ISSF शूटिंग विश्व कप कहाँ पे शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत हुई है नई दिल्ली में, ISSF शूटिंग विश्व कप की शुरुआत कहाँ पे हुई है, नई दिल्ली में, और सौरभ चौधरी ने इसमें गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। सौरभ चौधरी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मेरठ से बिलोंग करते हैं सौरभ चौधरी, इन्होंने जितने भी गेम्स हुए हैं शूटिंग से रिलेटेड सभी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एशियन गेम्स की, तो इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, यूथ ओलंपिक की बात करें तो उसमें भी गोल्ड मेडल जीता, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल, जूनियर वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मेडल जीता है, ठीक। बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली महिला AI न्यूज एंकर का उद्घाटन किया, तो जिसने पुरुष AI का उद्घाघाटन किया था उसी ने महिला का भी किया है, चीन ने। चीन ने सबसे पहले पुरुष AI न्यूज एंकर का लाया और अब उसने महिला AI न्यूज एंकर को लाया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि PM मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया, तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण इन्होंने किया है दक्षिण कोरिया में, और इन्हीं को ही मिला था सियोल शांति पुरस्कार, ठीक, जिसमें इन्हें 1.4 करोड़ रुपीज मिले थे। अगला क्वेश्चन हमारा कि दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी को कहाँ पे देखा गया, तो इंडोनेशिया में देखा गया है दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी को। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। 1981 में यह मधुमक्खी देखी गई थी, उसके बाद से यह लुप्त प्राय श्रेणी में थी, और अभी इसे खोजा गया है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है वॉलेस मधुमक्खी। इस मधुमक्खी का नाम क्या है, वॉलेस मधुमक्खी।
फिर हमारा कि हाल ही में किस राज्य की छात्राओं के लिए खुशी योजना शुरू की गई है, तो उड़ीसा की छात्राओं के लिए खुशी योजना शुरू की गई है जिसमें कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, और वहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? या बनी है दिव्या कर्नाड। कौन बनी है? दिव्या कर्नाड, जिन्होंने समुद्री संरक्षण पर काम किया है। फिर था हमारा वेस्ट टू वंडर पार्क, कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में बनाया गया है वेस्ट टू वंडर पार्क। इसमें कचरे से 7 अजूबों का निर्माण किया गया है। इसे बनाया गया है 5 महीने में, जिसमें कुल लागत कितनी आई है? 7 करोड़। और इसमें 150 कुंटल कचरे का इस्तेमाल करके 7 अजूबों की प्रतिकृतियां यहाँ पे बनाई गई हैं। अगला हमारा कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? हीना जायसवाल बनी है पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारा भारत की किस कंपनी ने वायुमंडल से पानी बनाने वाला जनरेटर लॉन्च किया है? तो यह कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन। किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसका निर्माण किया गया था 176 करोड़ रुपए की लागत से। इसमें 26,000 सैनिकों को सम्मान देने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद हमारा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कहाँ हो रहे इस्लामिक सहयोग संगठन को संबोधित करेंगी? तो यह हो रहा है अबू धाबी में। कब हुआ है? 1 और 2 मार्च को OIC का उद्घाटन, OIC को संबोधित करेंगी सुषमा स्वराज। इसमें कुल 57 कंट्री हिस्सा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किस राज्य ने बोट एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है? तो बोट एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है ओडिशा सरकार ने। इसकी लागत कितनी आई है? 5.40 करोड़ रुपए। और इसी ने खुशी योजना की शुरुआत किया था। उसके बाद हमारा कि सऊदी अरब ने अमेरिका में अपना राजदूत किसे बनाया है? तो देखते हैं इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा। आप लोग सोच के बताइए, इसमें हमारा सही आंसर होगा राजकुमारी रीमा बिंत बंदार। सऊदी अरब ने किसे बनाया है अमेरिका में अपना राजदूत? पहली महिला राजदूत होंगी या सऊदी अरब की राजकुमारी रीमा बिंत बंदार। इनके पिता भी राजदूत रह चुके हैं, खालिद बिन सलमान। ठीक है, इसके पहले कौन थे? खालिद बिन सलमान राजदूत थे। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला? तो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंसेस मूवी को मिला है ऑस्कर अवार्ड। और कौन सी मूवी को मिला है? तो ग्रीन बुक मूवी को मिला है ऑस्कर अवार्ड 2019 का। पीएम किसान योजना की शुरुआत कहाँ पे किया गया है? इसकी शुरुआत किया गया है गोरखपुर में। पीएम किसान योजना की शुरुआत कहाँ पे किया गया है? गोरखपुर में। इसमें कुल योजना की अगर हम लोग बात करें तो 75 करोड़ इसकी लागत थी। ठीक है, जिसमें 1 करोड़, पहले 1 करोड़ किसानों को 2,000 रुपये की पहली किस्त भेजी गई है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ब्रिटेन को किस द्वीप को वापस मॉरिशस को देने को कहा है? इस द्वीप का नाम है चागोस द्वीप। यह ब्रिटेन के कब्जे में था, जबकि यह किसका था? मॉरिशस का। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय द हेग में है, उन्होंने कहा कि आप चागोस द्वीप को मॉरिशस को वापस कर दो। ठीक, अगला था हमारा कि कोबरा गोल्ड सैन्याभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य होगा? तो यह अमेरिका और थाईलैंड के बीच होगा कोबरा गोल्ड सैन्याभ्यास का आयोजन। नेक्स्ट हमारा कि नागालैंड का पहला लोकायुक्त किसे बनाया गया? जस्टिस उमानाथ सिंह को। नागालैंड का पहला लोकायुक्त किसे बनाया गया है? जस्टिस उमानाथ सिंह को। और भारत का पहला लोकपाल किसे बनाया गया है? पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया है। ठीक है, जो कार्य देश में एक लोकपाल का होता है, वही कार्य एक राज्य में लोकायुक्त का होता है। नेक्स्ट हमारा कि तीतन वाला संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है राजस्थान में। किसने किया है? तो स्मृति ईरानी ने किया है तीतन वाला संग्रहालय का उद्घाटन। यह चिप्पा समुदाय द्वारा हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को प्रदर्शित करता है। ऐसे लोग जो हाथ से छपाई करते हैं, उनके एक समुदाय को यह चिन्हित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय यात्री 25 सितंबर 2019 को अंतरिक्ष में भेजेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात ऐसा करेगा, और ऐसा करके वह 18 देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि अभ्यास संप्रीति 2019 किनके मध्य संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ है भारत और बांग्लादेश के मध्य 2 से 5 मार्च के बीच में। कहाँ पे हुआ है? तो बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर ऐसे कवक का पता लगाया है जिससे ब्लड कैंसर का उपचार संभव है? तो इस कवक को खोजा गया है अंटार्कटिका में। ठीक है, जिससे क्या होगा? ब्लड कैंसर का उपचार संभव होगा। विश्व की सबसे बड़ी गीता का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में किया गया है विश्व की सबसे बड़ी गीता का उद्घाटन। इसकी अगर हम लोग बात करें, इसका वेट कितना है? तो 800 किलो इसका वेट है। और इसकी प्रिंटिंग कहाँ पे हुई है? तो परिवार समृद्धि योजना की घोषणा किसने किया? तो अगर यह परिवार समृद्धि योजना है, तो हमें इसमें 2-3 चीजें जाननी है कि यह योजना किससे संबंधित है और किसने इसे लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया गया है हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने लॉन्च किया यह योजना किसानों के लिए, जिसमें हरियाणा की गवर्नमेंट क्या करेगी, 6,000 रुपए किसान
किसानों को दोगी, जो कि छोटे और सीमांत किसान होंगे उनको। अब इस योजना से मिलती जुलती एक और योजना है जिसका नाम है किसान सम्मान निधि योजना। मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, 6,000 रुपए की हेल्प करेगी किसान, जो छोटे और सीमांत किसान होंगे उनके लिए। ठीक, तो अब इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि हरियाणा की गवर्नमेंट, हरियाणा में जो भी किसान होंगे उनके पास अब जो टोटल इनकम होगी योजनाओं से वह कितनी होगी, 12,000 रुपए होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमिताभ बच्चन किसके साथ मिलकर के हेपेटाइटिस उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत किए हैं। तो इसमें उन्होंने अश्विनी कुमार चौबे, क्या नाम है, अ से हो गया हमारा अमिताभ बच्चन एंड आ से हो गया हमारा अश्विनी कुमार चौबे के साथ मिलकर के उन्होंने हेपेटाइटिस उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य शुरू करने की योजना बनाई है। अब बात आती है कि यह किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और इसके अलावा अमिताभ बच्चन की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसने अभी अभी 7 अप्रैल को हमने स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया, और ये वर्ल्ड लेवल पे विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में सद्भावना दूत बनाया है 2030 तक अमिताभ बच्चन को। और साथ ही साथ इसमें हम लोग हेपेटाइटिस के बारे में भी बात करेंगे कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को, 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको पता है कि सीवी रमन की याद में मनाया जाता है, इन्होंने चंद्रशेखर रमन प्रभाव की खोज किया था। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है, 1928 में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया है, तब से मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को। ठीक है, और इस बार जो विज्ञान का सब्जेक्ट, इस दिवस का सब्जेक्ट था, हुआ था लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग, तो काफी इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, आप जरूर याद रखा करिए किसी भी दिवस का। अगला क्वेश्चन हमारा, ISSF क्या है, ISSF के युगल में स्वर्ण पदक जीतने वाली जोड़ी कौन सी है। इसमें देखिए, जो युगल में स्वर्ण पदक की जोड़ी जीता है, तो आपको पता है शूटिंग में मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने, यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि शूटिंग में जीता है मनु भाकर और सौरभ चौधरी। अब क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि मनु भाकर एक ऐसे जगह से बिलोंग करती है जहाँ पे अगर हम लोग बात करें सेक्स रेशियो काफी कम है, तो वो बिलोंग करती है हरियाणा से। इसके अलावा सौरभ चौधरी बिलोंग करते हैं मेरठ, यूपी के मेरठ से सौरभ चौधरी बिलोंग करते हैं, और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। सौरभ चौधरी ने कई खिताब अपने नाम किए हैं, तो अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सौरभ चौधरी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला हमारा, हाल ही में मुहम्मद बुहारी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया है, तो इनको नामित किया गया है नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में, कहाँ के, नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। फिर हमारा कि T20 में 8,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने, तो T20 में 8,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं सुरेश रैना, कौन है, सुरेश रैना बने हैं 8,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन हमारा, श्रेयस योजना की शुरुआत किसने किया। अब श्रेयस योजना में हमारी 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला तो इसकी शुरुआत किसने किया, उसके बाद इसमें है क्या। ठीक, तो श्रेयस योजना की शुरुआत देखिए किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, मानव संसाधन विकास। अब श्रेयस का एक फुल फॉर्म है जहां से क्वेश्चन आ सकता है कि श्रेयस में आर का मतलब क्या है या और भी जो वर्ड्स हैं इनका क्या मतलब है। इसका मतलब है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप, ठीक है, एंड स्किल, अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स है इसका फुल फॉर्म। और अगर हिंदी में हम इसकी बात करें तो इसका है कि उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए प्रशिक्षण और कौशल के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, जिसमें युवा क्या कर सकेंगे, सीखने के साथ आय का भी अर्जन कर सकते हैं श्रेयस योजना में। अगला क्वेश्चन हमारा, बधिर लोगों के लिए ISL शब्दकोश का दूसरा संस्करण किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है थावरचंद गहलोत के द्वारा। बधिर लोगों के लिए जो डीफ लोग होते हैं उनके लिए ISL ने एक दूसरा शब्दकोश लॉन्च किया है, थावरचंद गहलोत, जो कि हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ISL का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है इंडियन साइन लैंग्वेज, क्या है, इंडियन साइन लैंग्वेज, जिसमें इसका पहला संस्करण लॉन्च किया गया था जिसमें 3,000 शब्द थे, उसको लॉन्च किया गया था 23 मार्च 2018 को। और अभी भी अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में करीब 2011 तक, जो 2011 की हमारी जनगणना हुई थी उसमें करीब 50.71 लाख लोग थे, कितने लोग थे, 50.71 लाख लोग थे बघिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पेप्सिको की पूर्व अध्यक्ष इंद्रा नूयी किस कंपनी की सीईओ बनी है, तो यह बनी है अमेजन की सदस्य बनी, सॉरी सीईओ नहीं बनी है, अमेजन जो कंपनी है उसकी सदस्य बनी है। ठीक है, और पेप्सिको के सीईओ कौन बने हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि पेप्सिको के, क्योंकि काफी समय से चर्चा में थी इंद्रा नूयी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुई है 2006 से लेकर के 2018 तक, यह पेप्सिको कंपनी की सीईओ थी।
अगला क्वेश्चन हमारा, एकीकृत बायो इथेनॉल परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दिया है? तो इसमें जीवन योजना को मंजूरी दिया है, जीवन योजना। इसमें क्या किया जाएगा कि जैव ईंधन वातावरण अनुकूल होते हैं और फसल अवशेष के निवारण के लिए इसको शुरू किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है राजस्थान, जिसने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को लागू किया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पोषण पखवाड़ा कब मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा हमारा 8 से लेकर के 22 मार्च तक मनाया जाएगा पोषण पखवाड़ा। ठीक, इसकी शुरुआत किसने किया था? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। और मैं आपको बता दूं कि 8 मार्च को इसकी शुरुआत इसलिए की जा रही है क्योंकि पोषण अभियान की पहली वर्षगांठ थी। इसके अलावा सितंबर 2018 को पोषण माह के रूप में भी मनाया गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 7वीं RCEP क्या है? 7वीं RCEP ISSM कहाँ आयोजित की गई? RCEP का फुल फॉर्म होता है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। तो इसका आयोजन हमारा किया गया है कंबोडिया में। 7वें ICEP का आयोजन कहाँ पे किया गया है? कंबोडिया में किया गया है। इसका आयोजन 2 मार्च को किया गया है और यह मुक्त व्यापार देशों के मध्य एक समझौता है जिसमें करीब 16 देश संबंधित है। ठीक, और भारत को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें? इसमें सुरेश प्रभु भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हमारा कि मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत की विकास दर कितनी रहने की उम्मीद है? तो 7.3%। ठीक है, और आपको मैंने अभी अप्रैल में पढ़ाया कि विश्व बैंक ने भी कहा है कि भारत की वृद्धि दर कितनी होगी? 7.35%। ठीक, और IMF ने पहले कहा था 7.5%, लेकिन अभी उसने रिड्यूस करके कर दिया 7.3%। इसके अलावा RBI ने क्या कहा? RBI ने कहा है कि भारत की विकास दर 7.2% रहेगी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा है कि भारत की विकास दर कितनी होगी? 7.2%। तो याद रखिएगा, सभी ये जो कंपनियां हैं ये अपना अपना एक अनुमानित बताती हैं GDP के बारे में। ठीक, नेक्स्ट हमारा कि मन की बात अ सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया है अरुण जेटली ने। किसने किया है? अरुण जेटली ने। यह एक रेडियो प्रोग्राम है जिसके टोटल 50 एपिसोड है। ठीक है, ये जो बुक है या रेडियो प्रोग्राम के 50 एपिसोड पे लिखी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? बात कर रहे हैं हम लोग इंटरनेट की सुलभता की, कम खर्च में उपलब्धता की और तत्परता की। तो इसमें भारत की रैंक है 47। इंटरनेट की अगर हम लोग बात करें तो 47 तो भारत की रैंक है। अब ये डेटा किसके द्वारा दिया गया है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह डेटा दिया गया है। सबसे ज्यादा इंटरनेट की सुलभता कहाँ पे है? तो स्वीडन में है, उसके बाद सिंगापुर में है एंड उसके बाद है USA में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय किस शहर में स्थित होगा? दक्षिण तटीय अभी हाल ही में इसका मुख्यालय शुरू करने की बात की गई, कहाँ पे? विशाखापत्तनम, जो कि कहाँ पड़ता है? विशाखापत्तनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में हमारा। और आंध्र प्रदेश हाल ही में अभी चर्चित था कि इसलिए आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना है देश का 25वां हाईकोर्ट। कुल टोटल कितने रेलवे जोन हो गए हैं? तो 18 रेलवे जोन हो चुके हैं। अब इसके पहले कितने थे? इसके पहले 17 रेलवे जोन थे। तो याद रखिएगा कहां पे बन रहा है? आंध्र प्रदेश में। फिर हमारा कि किस राज्य की सरकार ने 2019 को जल का वर्ष घोषित करने की बात किया है? तो ऐसा करने वाला है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक ने 2019 को जल का वर्ष घोषित करने के लिए कहा है ताकि लोगों को जल के महत्व पे समझाया जा सके। ठीक है, फिर हमारा कि दिव्यांग जनों के लिए किस शहर में खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इस शहर का नाम है ग्वालियर। ग्वालियर में दिव्यांग जनों के लिए खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी। अगला हमारा कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के पूरे किए? तो ऐसा करने वाले हैं क्रिस गेल, जिन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध वेस्टइंडीज में एक मैच हो रहा था उसमें इन्होंने 500 छक्के अपने पूरे किए। या 39 वर्ष के हैं। अब देखिए इन्होंने कहा है, इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कि क्रिस गेल ने कहा है कि जो हमारा वर्ल्ड कप 2019 होगा इसके बाद यह संन्यास ले लेंगे। ठीक है, और अब ICC के CEO कौन है? यह भी जान लेते हैं। ICC के CEO हैं मनु साहनी। ठीक, अगला हमारा कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। और इस बार इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कानून के समक्ष सबको समानता सुनिश्चित करना। ठीक है, सबकी समानता को कानून के समक्ष सुनिश्चित करना। और इसकी थीम रखी गई है व्हाट इफ। इसकी थीम क्या है? व्हाट इफ इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ईज सूचकांक, किसकी बात कर रहा है? ईज सूचकांक में किस बैंक को प्रथम स्थान मिला है? तो ईज सूचकांक में PNB को मिला है प्रथम स्थान। ईज मतलब क्या होता है? इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, मतलब सुधारों में क्रियान्वयन के लिए किसे मिला है? PNB को। एंड सेकंड पे बैंक ऑफ बड़ौदा एंड थर्ड पे SBI।
अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विज्ञान परियोजनाओं के लिए फंडिंग प्रदान करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो यह स्टार्स योजना को लॉन्च किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। कब किया गया? तो 28 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 28 फरवरी को तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है एक ऐसे दिन पे शुरू किया जाए जिससे लोग और भी ज्यादा उत्साहित हो। इसमें जो फंडिंग की जाएगी वो 250 करोड़ रुपए की जाएगी 500 साइंटिस्ट को, 500 जो वैज्ञानिक होंगे उनको। अब बात आती है कि स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है, तो स्कीम फॉर ट्रांसनेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में IEA का 25वां सदस्य कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की यहाँ पे बात हो रही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है, ठीक है, नहीं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बात हो रही है, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात हो रही है, ठीक है, ISA का नहीं। तो इसमें जो 25वां सदस्य बना है वो बना है भारत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि भारत के किस मेले को गिनीज बुक में शामिल किया गया है? तो प्रयागराज कुंभ मेला 2019 को गिनीज बुक में शामिल किया गया है। तीन चीजों के लिए इन्हें शामिल किया गया है। यह सर्वेक्षण हुआ था 28 फरवरी से लेकर के 3 मार्च के बीच में। सबसे बड़ी यातायात और भीड़ प्रबंधन, दूसरा था पेंट माई सिटी, एंड तीसरा था हमारा स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र, ठीक। नेक्स्ट हमारा कि वन नेशन वन कार्ड किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसमें क्या किया जाएगा, जितने भी ट्रेवल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितने हैं उनको एक ही कार्ड से इंसान कर सकता है, ठीक है, जिसका कार्ड का नाम क्या होगा, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। इसमें पैसे निकालना, शॉपिंग करना, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब आ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें नियुक्त किया गया है अजय नारायण झा को, ठीक। इसके पहले थे शक्तिकांत दास, और मैंने आपको बताया कि शक्तिकांत दास अब यहाँ से वित्त आयोग से निकल करके बन चुके हैं RBI के 25वें गवर्नर, ठीक है। फिर हमारा कि वियतनाम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो वियतनाम में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है प्रणय कुमार वर्मा को, और वियतनाम की कैपिटल क्या है, हनोई। फिर हमारा कि आंद्रे प्रवीण, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? वह एक संगीतकार थे। पढ़ना क्यों जरूरी है, बहुत से संगीतकार का निधन होता है क्योंकि यह ऑस्कर विनिंग थे, ऑस्कर विजेता संगीतकार थे, ठीक है। अगला हमारा, ICC के क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अनिल कुंबले को चुना गया है, ठीक है, इसे चुना गया है अनिल कुंबले। ये बनेंगे 2019 का जो वर्ल्ड कप है 30 मई से 14 जुलाई तक इंग्लैंड में होगा, इसके बाद बनेंगे यह ICC के अध्यक्ष अनिल कुंबले। नेक्स्ट हमारा, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ कहाँ से किया? तो गुजरात से किया गया है प्रधानमंत्री श्रमधन मानधन योजना की शुरुआत 5 मार्च को, जिसमें क्या किया जाएगा, 3,000 रुपये पर मंथ पेंशन दी जाएगी 60 वर्ष के बाद जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी है। और अगर हम लोग NSSO की डेटा की बात करें तो इन्होंने कहा कि इस प्रकार के कुल 40 करोड़ मजदूर अभी हैं, तो आई थिंक काफी अच्छा प्रोग्राम है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व भर में 2017 से 18 के बीच खसरे के कितने मामले सामने आए? तो इसमें करीब 48.4% कितने मामले सामने आए हैं, 48.4%। सबसे ज्यादा कहाँ पे आए हैं, तो सबसे ज्यादा हुआ है यूक्रेन में, उसके बाद फिलीपींस में, एंड देन ब्राजील में। किससे होता है, तो रूबेओला वायरस होता है खतरे के लिए उत्तरदायी। अगला हमारा, डिजाइनिंग डेस्टिनी द हार्टफुलनेस वे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कमलेश पटेल, जो कि एक आध्यात्मिक लेखक है, मतलब इनकी पुस्तकें किससे रिलेटेड होती है, आध्यात्म से रिलेटेड होती हैं। फिर हमारा, सेनेगल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो मैकी सॉल बने हैं सेनेगल के नए राष्ट्रपति। कहाँ पर स्थित है सेनेगल, तो ये स्थित है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, और उसकी कैपिटल है डकार। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय निर्माण तकनीकी वर्ष घोषित किया है? तो अप्रैल 2019 से लेकर के मार्च 2020 तक का जो ईयर टाइम है इसको घोषित किया गया है तकनीकी का वर्ष, ठीक है, किसने किया है, तो न्यू दिल्ली में मोदी ने किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो भगवान लाल साहनी को बनाया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया चेयरमैन, ठीक, या एक संवैधानिक संस्था है, ये भी याद रखिएगा। फिर था हमारा कि किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को स्कॉच अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा को सम्मानित किया गया 56वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुल 879 बहुउद्देशीय चक्रवात व बाढ़ के लिए आश्रयालय बनाए थे, जिसके लिए इन्हें स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर हमारा कि विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है? तो 6 देशों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से हैं, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, लातविया, लग्जमबर्ग एंड स्वीडन। इसमें ना तो आप कोई भी ऐसी कंट्री देखेंगे जिसका आप लोग ज्यादा, जैसे USA हो गया, इंडिया हो गया, इन सबके बारे में आप बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर भारत की बात करें तो भारत में 125वीं रैंकिंग है अभी इस मामले में, ठीक। अगला हमारा कि विश्व अगला हमारा
कि हाल ही में पीरियड पॉवर्टी को खत्म करने के लिए किस देश ने 2 मिलियन पाउंड देने की घोषणा किया है? इसकी घोषणा किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। इसमें जो भी संगठन होंगे ब्रिटेन उनका हेल्प करेगा, क्योंकि वहां पे देखा गया है कि लड़कियां पीरियड के दौरान स्कूल छोड़ने को विवश हो जाती हैं। और अगर इस मामले की बात करें तो 83% यह मामला दक्षिणी सूडान में देखा गया है, जिसपे जागरूक करने के लिए ब्रिटेन ने एक नई पहल की है जिसमें वह 2 मिलियन पाउंड की हेल्प करेगा, जो और संगठन होंगे। अगला हमारा कि अल नागाह अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो भारत और ओमान के मध्य। किसके मध्य होगा? भारत और ओमान के मध्य। 12 से 15 मार्च को हुआ है ओमान में। पहला हुआ था इसका 2015 में और दूसरा हुआ था 2017 में और यह तीसरा हो रहा है, ठीक है, 2019 में। फिर हमारा कि HIV वायरस से मुक्त दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? तो इसका नाम है लंदन पेशेंट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये कैसा नाम है? यह नाम इसलिए है क्योंकि यह लंदन में है, यह व्यक्ति लंदन में इसका इलाज हुआ, इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया है? लंदन पेशेंट। जैसे पहला जो व्यक्ति है, यह भी सामने आ रहा होगा मन में कि पहला व्यक्ति कौन है, तो पहला व्यक्ति का नाम है बर्लिन पेशेंट, जो HIV से मुक्त होने वाला पहला व्यक्ति बना। और जो दूसरा व्यक्ति है लंदन पेशेंट, इसमें क्या किया गया है, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करने के बाद यह HIV से मुक्त दूसरा व्यक्ति बना है विश्व का। अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। इस बार इसकी थीम क्या थी? बैलेंस फॉर बेटर, ठीक है, क्या थीम रखी गई है? बैलेंस फॉर बेटर। फिर हमारा कि 2022 एशियाई खेलों में किस खेल को शामिल किया गया है? इसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है और ये कहाँ पे होगा? यह चीन के हांगझू में होगा, हर 4 साल में होता है। 2018 में यह हुआ था इंडोनेशिया में। फिर हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 2019 की थीम क्या है? तो सबसे पहले जान लेते हैं यह मनाया कब जाता है। यह मनाया जाता है 3 मार्च को और इसकी थीम है जल के नीचे जीवन लोगों व गृह के लिए। यूनाइटेड नेशन ने इसे 2013 से मनाए जाने की घोषणा किया था। फिर हमारा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंदौर, जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में। दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक का मैसूर। इसके अलावा सबसे स्वच्छ राजधानी की बात करें तो भोपाल है सबसे स्वच्छ राजधानी। अगला हमारा कि जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मार्च 2019 को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर हमारा कि प्रधानमंत्री द्वारा 20 रुपए का नया सिक्का कब जारी किया गया? तो 20 मार्च 2019 को यह जारी किया। इसमें खास बात क्या है? यह ब्रेल लिपि में भी है, ठीक है, इसमें ब्रेल लिपि भी रखी गई है जिससे कि जो अंधे लोग हों वो भी इसको पहचान सके। नेक्स्ट हमारा कि फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के 13वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी है दुनिया के 13वें सबसे अमीर व्यक्ति। अगर इनका सिनेरियो देखें तो 2017 में ये 33वें स्थान पे थे, 2018 में 19वें स्थान पे और 2019 में यह 13वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। फिर हमारा कि इसरो ने किस नाम से युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम लॉन्च किया है? जिसका नाम है युविका, ठीक है, जिसमें क्या किया जाएगा? प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 9वीं कक्षा के 3 छात्रों को इसरो केंद्र में जाने तथा प्रख्यात वैज्ञानिकों से बात करने का मौका देगा। अब इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान है इसरो के अध्यक्ष। अगला हमारा कि किस हवाई अड्डे को लगातार 7वीं बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उड्डयन हब बताया गया? तो चांगी हवाई अड्डा, जो कि सिंगापुर में है। और अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को 59th रैंकिंग मिली है। अगला हमारा कि मॉकडिंग, जो कि हाल ही में चर्चित शब्द है, उसका संबंध किससे है? इसका संबंध है क्रिकेट से, ठीक है। IPL 2019 में एक बल्लेबाज को मॉकडिंग से रन आउट कर दिया गया, इस वजह से यह चर्चित है। एक भारतीय क्रिकेटर थे, गेंदबाज थे वीनू मांगड, क्या नाम था उनका, वीनू मांगड, इन्होंने क्या किया था? मॉकडिंग में नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को बॉलर द्वारा गेंद फेंकने से पहले ही आउट कर दिया। क्वेश्चन है हमारा, मोजाम्बिक के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री के लिए कौन सा पोत गया? देखिए, मोजाम्बिक में एक चक्रवात आया था जिसमें राहत सामग्री के साथ INS मगर को भेजा गया था भारतीय सरकार के द्वारा, ठीक। इसके पहले 3 और पोत थे जिनको भेजा गया था मोजाम्बिक, कौन कौन? पहला तो था हमारा INS सुजाता, पहला कौन सा है हमारा? INS सुजाता। दूसरा था हमारा INS शार्दुल एंड थर्ड है हमारा INS सारथी, ठीक। फिलहाल मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो हमारी सीरीज है, इसमें जैसे हम लोग मंथली करंट अफेयर पढ़ते हैं, डेली का डेली इसमें पढ़ते जाते हैं, एंड उसके बाद जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं उनका एक मंथली सीरीज पढ़ते हैं। यहाँ से आप अपने जो भी क्वेश्चंस पढ़ा है मार्च में, उसका रिविजन भी आपका इजिली हो जाता है, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, BCCI का नया तदर्थ एथिक अफसर किसे नियुक्त किया गया है? अब ये एथिक्स अफसर क्या होता है? आपने सुना होगा लोकपाल के बारे में। अब BCCI किससे संबंधित है? क्रिकेट। वहां पे भी जरूरत पड़ती है किसकी? लोकपाल की, लेकिन वहां पे उनका नाम दूसरा क्या होता है? एथिक्स ऑफिसर उनका नाम होता है। यहाँ चुना गया है DK जैन को एथिक्स ऑफिसर के रूप में BCCI के लिए, हालांकि इनका जो कार्यकाल होगा वो 1 साल का होगा। अब बात आती है कि BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होगा द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसके अध्यक्ष हैं CK खन्ना। इसकी स्थापना हुई है 1928 में, ठीक।
अगला है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन तासीगंग भारत के किस राज्य में है? तासीगंग देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन मतलब जहाँ पे मतदान हो उसे हम लोग कहते हैं पोलिंग स्टेशन, तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में एक है लाहौल स्पीति जिला, जहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो 15,256 मीटर ऊपर है समुद्र तल से। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन ने 2018 वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया, इसको जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा इसको जारी किया गया है। अब बात आती है कि अगर इस सूचकांक को जारी किया गया तो उसमें भारत की स्थिति क्या है? इसमें बताया गया है कि भारत की स्थिति 10 वर्षों में जो निर्धनता दर है वो 55% आ चुकी है। अब जो 55% थी वो घटकर कितना हो चुकी है? 28%। पिछले 10 सालों में निर्धनता दर जो कि 55% थी वहां से घटकर कितना हो चुका है? 28% पे आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों ने पूर्वी अंटार्कटिका में टोटेन ग्लेशियर के नीचे झीलों के समूह की खोज किया है? तो ऐसा करने वाला है ऑस्ट्रेलिया। बात आती है कि इसकी खोज किस प्रकार इसकी खोज की गई, तो भूकंपी तरंगों के माध्यम से इसकी खोज की गई, और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर यह ग्लेशियर पिघला तो इसके पिघलने पर जो समुद्र का जलस्तर है वो कितना बढ़ जाएगा? वह 7 मीटर बढ़ जाएगा। समुद्र का जलस्तर कितना बढ़ेगा? 7 मीटर। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, यह क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में अयोध्या भूमि विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा? तो इसमें चीफ जस्टिस हैं जस्टिस FS खलीफुल्ला। क्या नाम है इनका? FS खलीफुल्ला, जिनमें इनको कहा गया है कि आप 4 सप्ताह के मध्य ही अयोध्या का जो मामला है उसको सुलझाइए। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आखिर ये टीका होता क्या है। आप सुनते होंगे अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो उनको एक टीका लगता है, ठीक है, एक या 5-6 लगभग 2.5 साल तक उनको 5-6 टीके लगते हैं। देखिए टीका क्या होता है, जैसे कोई भी बीमारी अगर वो बहुत ही बड़े लेवल पे फैल रही है तो उसको रोकने के लिए वैक्सीन या टीके का निर्माण किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में मलेरिया का टीका विकसित किया गया है, कहाँ पे? अफ्रीका के मलावी में। क्यों अफ्रीका में ही विकसित किया गया? क्योंकि अफ्रीका में अगर हम लोग देखें तो मच्छरों की संख्या ज़्यादा है और वहाँ पे जो मलेरिया इसकी वजह से बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इस वजह से सबसे पहले टीके को वहाँ पे विकसित किया गया। ठीक, तो जब भी किसी बीमारी का टीका किसी को लग जाता है तो वो बीमारी होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है, या होती ही नहीं है, मैक्सिमम देखा जाता है कि वो बीमारी होती ही नहीं है। तो यह मनाया जाता है 10 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 से इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? जिसका आयोजन किया गया है बर्लिन में, ठीक है, 6 से लेकर के 10 मार्च। जिसको अगर हम लोग बात करें कि इसको किसने जीता इस टूरिज्म अवार्ड को, इसको जीता है भारत के पर्यटन मंत्रालय ने। बर्लिन कहाँ पे पड़ता है? तो जर्मनी में पड़ता है बर्लिन। अगला क्वेश्चन हमारा, अटल आहार योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? यह देखिए शुरू किया गया है महाराष्ट्र की सरकार द्वारा अटल आहार योजना। मैं आपको बता दूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हो चुकी है 16 अगस्त 2018 को, तब से इनके नाम पर अलग अलग स्टेट अलग अलग योजना चला रहे हैं। इसके अलावा बहुत से स्थानों का नाम भी परिवर्तित किया गया। अब इसमें किया क्या जाएगा, इसके पहले चरण में 20,000 श्रमिकों को भोजन 5 रुपये प्रति श्रमिक के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब 5 रुपये में कोई भी श्रमिक भोजन कर सकता है। इसकी शुरुआत, इसको लॉन्च कर किया गया तो 7 मार्च 2019 को इस योजना को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की सरकार एक और वजह से चर्चा में थी, इन्होंने पहला इलेक्शन जो ब्रांड एम्बेसडर होता है वो किसी ट्रांसजेंडर को बनाया है जिनका नाम है गौरी सावंत। तो ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हमारा, हाल ही में जवाबदेही कानून को लेकर किस राज्य ने अध्यादेश जारी किया है? इसको जारी किया है राजस्थान की सरकार ने। जवाबदेही कानून को किसने जारी किया है? राजस्थान की सरकार ने जारी किया है। इसमें होगा क्या, इसमें जो सरकारी अधिकारी हैं उनको बताना होगा कि कोई भी फाइल क्यों लिखी हुई है या पेंशन क्यों नहीं जारी हुई या कोई भी अगर सरकारी सेवा है तो उसमें विलम्ब क्यों हुआ। तो हमारे अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छी योजना है अगर इसको लागू कर दिया गया है किसी भी जगह पर, क्योंकि ये चीज़ें देखिए प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है, आम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनकी फाइल्स रुक जाती है, पेंशन नहीं रिलीज होती है और कोई भी सेवा विलंब से क्यों होती है। ठीक, अगला हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू किस देश के दौरे पर गए? तो यह 5 से लेकर के 7 मार्च के मध्य पराग्वे के दौरे पर गए, ठीक है, और वहाँ पराग्वे में गांधी जी की 150वीं जयंती पर एक विशेष स्मारक टिकट भी जारी किया गया। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कर्नाटक के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? देखिए जीआई टैग आज के ट्रेंड में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज अगर हम लोग बात करें तो 2019 में कुल 14 उत्पादों को अब तक जीआई टैग दिया जा चुका है, और मैंने जीआई टैग के ऊपर 2 से 3 वीडियो बनाया है, तो आप जीआई टैग एग्जाम ट्रेंड सर्च करके पढ़ सकते हैं कि किन किन उत्पादों को वर्तमान में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गिरनार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है हमारा जूनागढ़ गुजरात में। गिरनार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? जूनागढ़ गुजरात। गुजरात से हमारे 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कि यहाँ पे गुजरात के बड़ोदरा में एक रेल यूनिवर्सिटी बनाई गई है, एंड सेकेंड कि गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है। फिर हमारा कि संयुक्त आतंकवाद निरोधी अभ्यास का आयोजन कौन करेगा? ठीक है, संयुक्त आतंकवाद निरोधी का आयोजन किया जाएगा SCU के द्वारा। SCU की फुल फॉर्म क्या है? संघाई सहयोग संगठन। इसका आयोजन किया जाएगा बीजिंग में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा कि जलवायु भेद्यता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसमें असम और मिजोरम शीर्ष पे है जलवायु भेद्यता सूचकांक में। नेक्स्ट हमारा कि चौथी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ पे आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई है नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? केन्या की कैपिटल है नैरोबी, और केन्या एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर अधिकारी कौन बनी है? तो संजना सिंह बनी है मध्य प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर अधिकारी। मध्य प्रदेश से हमारे 2 क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की, तो इसमें जो भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी है वो बनाया गया है मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल को। इसके अलावा जो सबसे स्वच्छ शहर है भारत का वो बना है इंदौर, ये भी कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? यह संपन्न हुई है कुटीबा में। कुटीबा पड़ता क्या है ये भी जानना जरूरी, क्योंकि हो सकता है आपको ऑप्शन में कुटीबा ना दे करके पर्टिकुलर कंट्री का नाम दे दे, तो यह हुआ है ब्राजील में। ब्राजील के कुटीबा शहर में संपन्न हुआ है पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक। नेक्स्ट हमारा कि कुर्ग अरेबिका कॉफी को GI टैग मिला है, यह कहाँ पर उगाया जाता है? यह उगाया जाता है कर्नाटक में, कुर्ग अरेबिका कॉफी। ये तो हो गया हमारा कि 5 प्रकार की कुल कॉफी को दिया गया है GI टैग। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो चाय की, कॉफी एंड चाय इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी लोग कॉफी एंड टी पीते हैं, तो टी से आप लोग याद कर लीजिए टी। एक हमारा हुआ है एशियन टी अलायंस, जिसमें कुल 5 देश सम्मिलित है। इसमें चाय के जो व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीटिक्स कौन बने हैं? या बने हैं इरफान केटी। ठीक है, इन्होंने 20 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे 20 मिनट और 57 सेकंड में कंप्लीट किया। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरल। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक की, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2019 में एक विशेष ओलंपिक हुआ था जिसका आयोजन हुआ था UAE संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुआ था इसका आयोजन। इसमें भारत ने कुल 85 गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट है हमारा भगोरिया महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? यह किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा भगोरिया महोत्सव का आयोजन, जो कि 14 मार्च को शुरू हुआ, और देखा जाता है कि यह होली के 1 हफ्ते पहले हमेशा शुरू हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि ICC द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में किस गेंदबाज को पहला स्थान मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को पहला स्थान मिला है। ठीक है, एंड अगर हम लोग बात करें बल्लेबाज की, तो बल्लेबाज में विराट कोहली को पहला स्थान मिला है। ICC के CEO कौन है? मनु शाहनी, और चेयरमैन है शशांक मनोहर। ठीक, अगला हमारा कि RBI ने हाल ही में किस बैंक को प्राइवेट बैंक का दर्जा दिया है? तो IDBI को RBI ने प्राइवेट बैंक का दर्जा दिया है, और इसके अलावा IDBI ने क्या किया है कि जो NRIs हैं उनकी जो बैंकिंग की वर्क है उनको पेपरलेस करने वाला पहला बैंक बन चुका है। ठीक, नेक्स्ट हमारा हाल ही में इसे गोवा का CM बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो डॉक्टर प्रमोद सावंत को। बात आती है कि इसके पहले गोवा के CM कौन थे? तो आपको पता है मनोहर पर्रिकर थे इसके पहले गोवा के CM, जिनकी मृत्यु हो गई है, एंड इसके बाद डॉक्टर प्रमोद सावंत को बनाया गया है गोवा का CM। फिर हमारा कि किस देश के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए हैं? तो गिनी के प्रधानमंत्री। ठीक है, इनका नाम क्या है? डॉक्टर इब्राहिम कसूरी फोफना। ये 18 मार्च को भारत के दौरे पर आए हैं, और गिनी की अगर हम लोग बात करें तो यह एक अफ्रीकन कंट्री है। गिनी कौन सी कंट्री है? अफ्रीकन कंट्री। अगला क्वेश्चन हमारा कि ओलिव रिडले जो कि हाल ही में चर्चा में है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है समुद्री कछुआ। ये क्या है? एक समुद्री कछुआ जो कि हर साल उड़ीसा के तट पर अंडे देने आता है, बट इस साल काफ़ी देर हो गया जिस वजह से यह चर्चा में था। इसमें रीज़न क्या था कि ये कछुए जब अंडे देने आते थे उड़ीसा के तट पर, तो वहाँ पर फिशिंग होती थी, फिशिंग की वजह से काफ़ी नुकसान होता था कछुओं का। इस वजह से वहाँ के जो गवर्नमेंट है उन्होंने फिशिंग पे रोक भी लगा दिया है कि इस समय तक जब उनका
जब वो आएंगे अंडे देने, तो उस समय कोई भी वहां पे मछली नहीं पकड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है। और इस बार इसका थीम क्या था, इसका थीम था फॉरेस्ट एंड एजुकेशन, याद रखिएगा क्या थीम है, फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसे दुनिया की सबसे बड़ी कोच बनाने वाली फैक्ट्री घोषित किया गया है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जल्दी से बताइए कहाँ पे है, चेन्नई में है हमारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी कोच बनाने वाली फैक्ट्री घोषित किया है। इसमें जो चालू हमारा वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर, इसमें 3000 रेलवे कोच बनाया। इसके अलावा जो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है इस समय वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका भी कोच किसने बनाया था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने, ठीक। अगला हमारा कि सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2019 किसने जीता, या जीता है भारत ने सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2019। पहली बार ऐसा हुआ है, लगातार पांचवी बार भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने इसे जीता है, ठीक है। सबसे पहली बार कब जीता था, 2010 में जीता था। सैफ का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, सैफ का फुल फॉर्म होता है हमारा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसे जीता है भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने लगातार पांचवी बार। फिर हमारा कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, क्षय रोग किसे कहते हैं, तो टीबी को कहते हैं क्षय रोग, यह मनाया गया है 24 मार्च को विश्व ट्यूबरकुलोसिस डे के रूप में। टीबी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में यह दिवस मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम है इट्स टाइम, मतलब यही समय है, ठीक। नेक्स्ट हमारा कि विश्व आर्थिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या है, तो 76 है भारत की रैंक, ठीक है। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसमें कुल 115 देशों को सम्मिलित किया गया है। बात आती है कि नंबर वन पे कौन है, तो नंबर वन पे है स्वीडन, एंड भारत की रैंकिंग क्या है, 76 है भारत की रैंकिंग। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में, और इस बार इसका सब्जेक्ट क्या है, सूर्य पृथ्वी तथा मौसम। 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इसका सब्जेक्ट है सूर्य पृथ्वी तथा मौसम। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में किस नए हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है, तो चिनूक को शामिल किया गया है। बात आती है चिनूक को किससे खरीदा गया है, तो अमेरिका से खरीदा गया। इसमें कुल 15 चिनूक हेलीकॉप्टर को खरीदा गया अमेरिका से, और यह डील कब से चल रही थी, सितंबर 2015 से यह डील चल रही थी, ठीक, जो कि अब जाके 2019 में कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट हमारा कि भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ पे होगा, तो 2 से लेकर के 16 अप्रैल के बीच इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन होगा, ठीक है। कब से कब तक होगा, 2 से 16 अप्रैल के बीच विशाखापत्तनम में, ठीक। विशाखापत्तनम से हमारा एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा दक्षिण तटीय रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ पे बन रहा है, विशाखापत्तनम में। और अब रेलवे जोन की संख्या कितनी हो गई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसी फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है, तो आलिया भट्ट को मिला है फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। कौन सी मूवी में काम किया था इन्होंने, राजी मूवी में किया था। और अगर हम लोग बात करें बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था संजू मूवी के लिए रणवीर कपूर को, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस खिलाड़ी ने गौतम गंभीर को पछाड़ कर सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाला खिलाड़ी बन गया, तो यह बने हैं डेविड वार्नर। इन्होंने कुल 37 अर्धशतक लगाए हैं, और ऐसा करके इन्होंने गौतम गंभीर को पीछे कर दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में राहुल गांधी ने चुनाव में जीत मिलने के बाद प्रतिवर्ष कितने रुपए का न्यूनतम आय गारंटी दिए जाने का वादा किया है, तो 72,000 रुपए की न्यूनतम आय की गारंटी दिया है इन्होंने, कि जो जिनकी भी न्यूनतम आय सीमा 12,000 रुपए होगी इनको पर मंथ दिया जाएगा, 25 करोड़ जो लोग होंगे उनको दिया जाएगा 72,000 रुपए प्रति वर्ष, ठीक है। अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत ने वर्ष 2018 में पिछले साल की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि किया है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में, तो कुल 4.8% की वृद्धि किया है। और इसमें जो मेन रीजन बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कोयले की खपत में वृद्धि, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कितने देशों की यात्रा पर गए, तो 3 देशों की यात्रा पर गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कौन कौन सा है, पहला है हमारा क्रोएशिया, और वहां पर क्रोएशिया के इनके जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वह दिया गया है, क्या नाम है उसका, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तामिस्लाव। यह पहले राष्ट्रपति थे जो क्रोएशिया के दौरे पर गए। नेक्स्ट है हमारा कि भारत किस देश के साथ क्रूज सेवा शुरू करने जा रहा है, तो भारत बांग्लादेश के साथ क्रूज सेवा शुरू करने जा रहा है, और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, जिसे ग्रीन पीस इंटरनेशनल द्वारा विश्व की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। और सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी कौन सी है, दिल्ली, जो कि भारत की कैपिटल है।
अगला हमारा कि हाल ही में भारत द्वारा सैटेलाइट तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया। तो इस मिशन का नाम है मिशन शक्ति। इन्होंने 3 मिनट में एक लाइव सैटेलाइट को मार दिया और अब भारत जो हमारा स्पेस वॉर है इसमें शामिल हो चुका है। स्पेस वॉर में भी अब भारत सक्षम है। इसके पहले रूस, अमेरिका, चीन ही इस स्पेस मिशन में सक्षम थे। ठीक, अगला हमारा कि आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए समिति का गठन किया है। तो नंदन नीलेकणी का। ठीक है, नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। यह एक 5 सदस्यीय टीम है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में कितने लोगों को ट्यूरिंग पुरस्कार दिया गया है। तो ट्यूरिंग पुरस्कार दिया गया है 3 वैज्ञानिकों को, जिसे कहा जाता है कि यह तकनीकी का नोबेल पुरस्कार है। कौन कौन है? योशुआ बेंजियो, जेफरी हिंटन और यांग ली चुन। इन तीनों को दिया गया है ट्यूरिंग अवार्ड। फिर हमारा कि ग्लोबल टीचर प्राइड से किसे सम्मानित किया गया है। तो पीटर तविची को सम्मानित किया गया है ग्लोबल टीचर प्राइज की। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो केन्या में। यह एक साइंस टीचर है तथा यह ग्लोबल टीचर प्राइज पाने वाले पहले अफ्रीकी हैं। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व के सबसे बड़े ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब की शुरुआत किसने किया है। तो यूएई ने किया है सबसे बड़े ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब की शुरुआत। अगला हमारा कि इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिए वायरलेस चार्जिंग की सुविधा देने वाला पहला शहर कौन सा बना है। तो ओस्लो बना है। ओस्लो किसकी कैपिटल है? तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। और अगर हम लोग बात करें कि दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक कार रखने वाला देश भी कौन सा है, तो नॉर्वे है सबसे अधिक इलेक्ट्रिक कार रखने वाला देश। फिर हमारा कि एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं नवीन चावला, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। और अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन हमारा कि आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो सुरेश रैना बने हैं पहले बल्लेबाज जिन्होंने आईपीएल में 5000 रन बनाया है। फिर हमारा कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस के रूप में। अगला हमारा कि किस संस्था ने साल 2018 को चौथा सबसे गर्म साल बताया है। तो यह बताया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। और इसमें हम लोग 23 मार्च मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में। ठीक, फिर हमारा कि हाल ही में किसे नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो ग्रेटा थनबर्न को। अगर उन्हें यह अवार्ड मिल जाता है तो यह सबसे कम उम्र की शख्सियत बन जाएंगी जिन्हें नोबेल शांति अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ठीक है, इसके पहले 17 वर्ष की उम्र में मलाला यूसुफजई ने 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल और 29 मार्च। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा इसका सही आंसर होगा 30 मार्च। अर्थ आवर डे है क्या? देखिए, आवर मींस क्या होता है? घंटा होता है। ठीक है, तो मतलब जो भी काम है वह 1 घंटे का काम है, ऑब्वियसली बात है। देखिए, यह एक प्रकार का इनिशिएटिव है जो कि शुरू किया गया है सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 2007 में इसको शुरू किया गया था। इसमें कहा जाता है कि अर्थ आवर डे यानी कि 30 मार्च को 8:30 से लेकर के 9:30 बजे तक करीब 1 घंटे तक जो भी गैर आवश्यक लाइट है। याद रखिएगा, पूरी लाइट नहीं, क्योंकि पूरी लाइट ना तो कोई बुझा सकता है, का बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। लेकिन अगर हम सिर्फ गैर आवश्यक लाइट्स को बंद कर दें तो बिजली काफी ज्यादा बचाई जा सकती है। ठीक, तो याद रखिएगा 8:30 से 9:30 बजे तक गैर आवश्यक लाइट्स को बंद करके अर्थ आवर डे मनाया जाता है। बात आती है कि इसकी थीम क्या है और यह कौन सा संस्करण मनाया गया है। तो यह 13वां संस्करण मनाया गया है और इसका थीम है चेंज द वे वी लिव। ठीक है, इसका थीम क्या है? चेंज द वे वी लिव। इसमें कुल कितने देशों ने इसको मनाया है? तो कुल 188 देशों ने इसको मनाया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा 5G गीगाबिट नेटवर्क इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला जिला कौन सा बना है। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा? 5G गीगाबिट नेटवर्क स्टार्ट करने वाला दुनिया का पहला जिला बना है चीन का संघाई। याद रखिएगा, कौन सा जिला है? संघाई जिला दुनिया का पहला 5G गीगाबिट नेटवर्क इस्तेमाल करने वाला बना है। जबकि अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पर 5G सेवा शुरू करने वाला पहला देश, यहाँ हम बात करें एक पर्टिकुलर जिले की, आपसे देश भी पूछ सकता है, तो देश बना है साउथ कोरिया। कौन सा देश है? साउथ कोरिया। अब 5G फोन भी चाहिए, अगर हमें 5G नेटवर्क यूज करना है, जैसे 4G नेटवर्क यूज करने के लिए हम लोग 4G फोन यूज करते हैं, तो 5G फोन यूज लॉन्च करने वाला पहला कंपनी कौन सा बना है? तो पहली कंपनी बनी है सैमसंग। सैमसंग ने S10 करके एक डिवाइस निकाला है जो कि क्या है? 5G सपोर्टेड डिवाइस है। याद रखिएगा, अब चीन से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। देखिए, चीन ने चैंग E4 स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के पिछले हिस्से पर उतारा था, जहां पर उसने कपास की खेती भी किया और सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया। तो ये दोनों करने वाला चीन विश्व का पहला देश है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें चीन की कैपिटल की, तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, वहां की मुद्रा है रेनमिंगी और वहां पे बहती है एशिया की सबसे बड़ी नदी वांगो नदी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया? स्लोवाकिया देखिए यूरोपियन एक कंट्री है, स्लोवाकिया कैसी कंट्री है, एक यूरोपियन कंट्री है जो कि चेको स्लोवाकिया से अलग होके बनी है। इसकी कैपिटल है ब्रातिस्लावा। और इसका जो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो जुजाना काकुतोवा यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। हाल ही में आईसीसी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके सीईओ बने हैं 1 अप्रैल 2019 को मनु साहनी। कौन बने हैं? मनु साहनी बने हैं, जो कि इसके पहले सिंगापुर स्पोर्ट्स हब के सीईओ थे। इसके पहले अच्छा ये सीईओ बने हैं अभी को, तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि पूर्व में सीईओ कौन थे, तो पूर्व के सीईओ थे डेविड रिचर्डसन, याद रखेगा। और वर्तमान में कौन है? मनु साहनी। आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। और एक क्वेश्चन यहाँ से यह भी पूछा जाता है कि इस बार आईसीसी का गदा किसने जीता है, तो भारत ने जीता है आईसीसी का गदा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी द राइटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है भवानी भट्टाचार्य। गांधी द राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? भवानी भट्टाचार्य। और इस बार 2019 में हम लोग गांधी जी की 150वीं जयंती भी मनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति किस देश की यात्रा पर गए? तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति मार्च के लास्ट में तीन देशों की यात्रा पर गए थे। पहला देश था हमारा क्रोएशिया, दूसरा देश था हमारा बोलिविया एंड तीसरा हमारा चिली। तो तीनों हमारा कवर हो गया। अब चिली के कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए चिली एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और चिली की कैपिटल है सेंटियागो, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अमेरिका की बात करें अगर हम लोग, तो अमेरिका और भारत ने सीमा पार कर की चोरी को रोकने के लिए आपस में समझौता किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका सही आंसर देना है। भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव कौन सा बना है? ठीक, तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। तो भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव बना है फाइंग। ये कहाँ पे पड़ता है? मणिपुर के इम्फाल में पड़ता है फाइंग गाँव। ठीक है, कहाँ पड़ता है? मणिपुर के फाइंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य में पाई जाती है? तो इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था पहले ही, जितने भी 2019 के ऐसे उत्पाद जिन्हें जीआई टैग दिया गया है मैंने एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको पढ़ाया है, कुल 14 उत्पाद है। तो फिलहाल इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा उड़ीसा। उड़ीसा को जीआई टैग दिया गया, उड़ीसा की कंधमाल हल्दी को दिया गया है जीआई टैग। नेक्स्ट है हमारा कि एडीबी के अनुसार 2019 में भारत की विकास दर क्या होगी? एडीबी देखिए एशियाई विकास बैंक, एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियाई विकास बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। और अगर हम लोग बात करें कि यह पड़ता का इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। इन्होंने कहा कि 2019 में भारत की विकास दर 2.7.2 होगी एंड इसके बाद 2020 में ये बढ़ के कितना हो जाएगी? 7.3%। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए जो अलग अलग इकोनॉमिक संस्थाएं हैं वो भारत की विकास दर को लेकर के अलग अलग अपनी रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें से सभी को याद रखना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारे जो हमारे सिलेबस है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़ा सा बस हमें फैक्ट पे ध्यान देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? तो भारत अफ्रीका कृषि ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना हुई है अफ्रीका के मलावी में। मलावी कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका में पड़ता है हमारा मलावी। मैंने आपको मलावी कई बार बताया है, रीजन क्या है कि मलावी में पहला मलेरिया का वैक्सीन लॉन्च किया गया है, यह भी याद रखिएगा। और मलेरिया दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं मलेरिया दिवस के रूप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 5G नेटवर्क को लॉन्च किया है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय स्तर पर 5G नेटवर्क को लॉन्च करने वाला है दक्षिण कोरिया, और दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। और आपको पता है कि सियोल शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को। 5G नेटवर्क की स्पीड लगभग कितनी होगी? तो देखिए जो भी हम 4G नेटवर्क की स्पीड देखते हैं उससे 20 गुना ज़्यादा होगी 5G नेटवर्क की स्पीड। ठीक, और पहला जिला कौन सा बना था? तो पहला जिला बना था हमारा चाइना का शंघाई। नेक्स्ट है हमारा कि मोदी अगेन, ये बुक का नाम है मोदी अगेन, व्हाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया। तो मैंने आपको बताया था कि इसके लेखक कौन होंगे, जल्दी से सही आंसर बताइए। इसके लेखक होंगे आभास माल दहियार। क्या नाम होगा उनका? आभास माल दहियार इसके लेखक होंगे। नेक्स्ट है हमारा यूएई द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद पदक
संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? जायद पदक। इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, इन्हें सम्मानित किया गया है जायद पदक से। अब यूएई कई वजह से चर्चा में था। देखिये विशेष ओलंपिक जो कहाँ खेला गया है, वह खेला गया है यूएई में। इसके अलावा जो हमारा बुक फेयर हुआ है वो भी कहाँ पे हुआ है? यूएई में। इसके अलावा एआई का सबसे बड़ा सम्मेलन भी कहाँ पे हो रहा है? यूएई। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि एनजीटी से आईएसओ सर्टिफिकेशन पाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? आईएसओ सर्टिफाइड जो चीज़ें होती हैं हम उनपे काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि यह अपने आप का एक बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेशन है जो इस बात की पुष्टि करता है कि गुणवत्ता, जिस भी चीज़ को आईएसओ मिले वो काफ़ी गुणवत्ता वाला है। ठीक, तो आईएसओ सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला भारतीय रेलवे स्टेशन बना है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ठीक है, कौन सा बना है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अच्छा, अब ये क्या आईएसओ 9001:2008 है? नहीं, ये है आईएसओ 14001:2015। यह भी याद रखिएगा कि कौन सा आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है, तो 14001:2015। अब अगर हम लोग बात करें गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की, तो 100% सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। अच्छा, 100% सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो दीव बना है। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दीव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिकता के लिए मृत्यु दंड देने का प्रावधान किया है? तो ऐसा करने वाला है ब्रुनेई। ऐसा किसने किया है? ब्रुनेई ने समलैंगिकता के लिए मृत्यु दंड देने की बात किया है। और भारत ने, आपको पता है कि 377 को हटा दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा कि कहाँ पर मकड़ी की नई प्रजाति पाई गई है? तो मकड़ी की नई प्रजाति पाई गई है केरल में। कहाँ पे पाई गई है? केरल में। यह मकड़ी मुख्यतः अगर हम लोग बात करें तो यूरेशिया और अफ्रीका में पाई जाती है। इसकी खासियत क्या है? पहली बात तो इसका नाम है हेब्रोसिस्टम जीनस, और अलग अलग प्रजनन अंग होते हैं इसके, यही इसकी खासियत है। ठीक, नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस दूर संचार कंपनी को हवा और पानी में इंटरनेट सेवा देने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? तो यह मिला है बीएसएनएल को। ठीक है, यह लाइसेंस किसे मिला है? बीएसएनएल को। बीएसएनएल अकेले तो यह काम कर नहीं पाएगा, तो उसने अपने सहयोगी इनमारसैट के जरिए यह सुविधा देगा। यह ऐसा एक विदेशी सहयोगी कंपनी है इनमारसैट। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ESPN, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया था ESPN के बारे में। ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? तो पीवी सिंधु को मिला है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड। क्यों मिला है? इन्होंने जो ओलंपिक में अपना प्रदर्शन किया था, ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। अब बात आती है कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? तो नीरज चोपड़ा को मिला है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड। किसके प्लेयर है? जेवलिन थ्रो के प्लेयर है। और राष्ट्रमंडल खेल, एशियन गेम्स, इन दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि साल के उभरते हुए खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? तो सौरभ चौधरी को मिला है साल का उभरता हुआ खिलाड़ी। अगला हमारा कि विश्व बैंक का 13वां अध्यक्ष किससे चुना गया है? तो विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष चुने गए हैं अमेरिका के डेविड मालपास। आने वाले 5 सालों के लिए यही रहेंगे विश्व बैंक के अध्यक्ष। आपसे यह भी पूछ सकता है कि इसके पहले कौन थे? देखिए, अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछे कि विश्व बैंक के 12वें अध्यक्ष कौन थे, तो जिम योंग किम थे, जिन्होंने जनवरी लास्ट में ही इस्तीफा दे दिया था। और बाद में विश्व बैंक की कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई थी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जो कि बुल्गारिया से हैं। 1 फरवरी से लेकर के यही थी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। ठीक, अब आपको यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन DC, और इसका गठन, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक चीज और पूछा जाता है कि विश्व बैंक का अध्यक्ष और किसका अध्यक्ष बन जाता है ऑटोमेटिकली? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का अध्यक्ष बन जाता है, जो भी व्यक्ति विश्व बैंक का अध्यक्ष बनता है। अगला हमारा कि फीफा कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय बने हैं इसमें प्रफुल्ल पटेल। इन्होंने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के यह अध्यक्ष भी थे और अब यह फीफा कार्यकारी परिषद में शामिल हो चुके हैं। इनका कार्यकाल 2019 से लेकर के 2023 तक रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि IUCN ने किस प्राणी को लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया है? तो यह किया गया है ढोल। ढोल क्या है? एक एशियाई जंगली कुत्ता है। ठीक, मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि जो भी जीव होते हैं वो जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है इसको बैलेंस करके चलते हैं। अब यह एक शिकारी कुत्ता है जो कि वनों में शिकार करके आबादी को संतुलित करता है, और अभी इसको IUCN ने लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में। इसका गठन हुआ था फ्रांस में 1948 में, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में कितनी कोनयाक नागा महिलाओं ने एक साथ नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो यह किया है 4700 नागा महिलाओं ने, जो कि नागालैंड का एक सबसे आक्रामक समुदाय है। इन्होंने बसंत ऋतु के प्रारंभ होने की खुशी में 1 से 3 अप्रैल के बीच में डांस किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, क्योंकि एक साथ इससे पहले इतने लोगों ने डांस नहीं किया था। नेक्स्ट हमारा कि देश का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ बनाने का फैसला किया गया है, तो खजुराहो में, यहाँ पे मध्य प्रदेश के खजुराहो में बनेगा देश का पहला हीरा संग्रहालय। इसमें जो पन्ना की खदान से 323 कैरेट के हीरे मिले हैं उनको रखे जाएंगे। कहाँ पे पड़ता है खजुराहो, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है खजुराहो। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के वाराणसी स्थित केंद्र में धान की किस किस्म को डेवलप किया गया है, तो DRR44। मैंने आपको बताया था इसकी खासियत क्या है कि यह कम पानी में भी अधिक उपज देने वाली धान की किस्म है। और अगर हम लोग बात करें IRI, अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय अभी खुला है वाराणसी में, कार्यकारी ये खुला है, जैसे फ्रेंचाइजीज होती हैं तो वहाँ पे खुला है वाराणसी में, 29 दिसंबर 2018 को इसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो यह कोच बने हैं ग्रैहम रीड। यह आने वाले कुछ समय के लिए बने हैं कोच, इसके पहले वह नीदरलैंड टीम के सहायक कोच थे और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 130 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लोबल कूलिंग कोलिजन को हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया। देखिए टेम्परेचर जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसको कम करने के लिए अलग अलग देश अलग अलग तरह के जो प्लांट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो डेनमार्क ने लॉन्च किया है ग्लोबल कूलिंग कोलिजन। ठीक, डेनमार्क के कोपेनहेगन में इसको लॉन्च किया गया है। अगला हमारा कि हाल ही में तुत्सी समुदाय के नरसंहार की 25वीं वर्षी कहाँ पर मनाई गई है, तो इसकी 25वीं वर्षी मनाई गई है रवांडा में। कहाँ पे मनाई गई है, रवांडा में। और गिरिंगा योजना भी कहाँ से संबंधित है, रवांडा में, जिसमें मोदी जी ने 200 गाय भेंट किया था रवांडा को। इसका थीम रखा गया है वॉक टू रिमेम्बर, इसमें जो मारे गए लोग हैं किगाली में उन्हीं की याद में इसका आयोजन किया गया है। और किगाली क्या है, किगाली है राजधानी रवांडा की। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2018 IIT किस IIT ने ओवरऑल शीर्ष रैंकिंग प्राप्त किया है, तो ओवरऑल IIT मद्रास ने शीर्ष रैंकिंग प्राप्त किया है। इसके अलावा IIT मद्रास जो दो चीज़ों के लिए चर्चा में था, एक तो इसने बनाया था 2018 में शक्ति नाम का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, इसके अलावा अभी इसने हाल ही में भारतीय लिपि को पढ़ने के लिए एक OCR सिस्टम डेवलप किया है, तो इन दोनों के लिए यह काफ़ी चर्चा में रहा है। अगर हम लोग बात करें IIT हैदराबाद की, तो उसने AI के लिए BTech प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2019-20 के लिए IMF ने भारत की GDP 7.5 से घटा करके कितना परसेंट रखने का अनुमान लगाया है, तो IMF ने 7.3% रखने का अनुमान लगाया है। कितना, 7.3%। IMF का मुख्यालय कहाँ है, Washington DC। ठीक, अच्छा यहाँ पे अभी याद कर लीजिए, वर्ल्ड बैंक ने कहा 7.5% रहेगा, RBI ने कहा 7.2% रहेगा, इसके अलावा ADB ने भी कहा कि 7.2% रहेगा। ज़्यादातर अगर आप पोर्ट देखेंगे तो 7.2% को ही मिला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि अल्ट्रा लो एमिशन जोन लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है, या बना है लंदन। लंदन एक ऐसा शहर है जिसने अल्ट्रा लो एमिशन जोन लागू किया है। इसमें क्या होगा कि जो भी गाड़ियां हैं उनसे प्रदूषण को कम करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। हफ्ते में 24 घंटे के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा और इसका उद्देश्य है जहरीले वायु प्रदूषण को कम करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इशाक हाइक बने हैं, जो कि इसराइल से बिलोंग करते हैं, 73 ईयर के हैं, ये बने हैं विश्व के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। अगला हमारा कि विश्व में सर्वाधिक रेमिटेंस किस देश से प्राप्त होता है, सर्वाधिक प्रेशर, मतलब जो विदेशों से आय अर्जन है हमारी वो किसे प्राप्त होता है, तो भारत को सबसे ज़्यादा प्रेशर प्राप्त होता है, $73 अरब। इसके बाद चीन है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है मैक्सिको। ठीक, नेक्स्ट है हमारा किस भारतीय स्टार्टअप ने नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019 जीता है, या जीता है दोस्त एजुकेशन ने। ठीक है, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में सहायता के लिए दोस्त एजुकेशन ने इसको जीता है, या किसके द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड किंगडम के वर्कीय फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक, और किस भारतीय को मिला है, दोस्त एजुकेशन को मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में लंदन द्वारा किसे पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, या दिया गया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट को। लंदन में जल संरक्षण तथा जल की स्थिति में सुधार के लिए अवार्ड दिया जाता है और इस बार अवार्ड मिला है नमामि गंगे प्रोजेक्ट को, जो कि जुलाई 2014 में शुरू हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा,
हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2018 दिया गया है? तो के शिवा रेड्डी को सरस्वती सम्मान 2018 दिया गया है। क्या नाम है इनका? के शिवा रेड्डी। ठीक, तो आज हम लोग सिर्फ 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट डे हम लोग ये जो 35 क्वेश्चन है 2 से 3 मिनट के अंदर इसका फटाफट रिविजन करेंगे एंड जो हमारे नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है अप्रैल के टॉप मोस्ट उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कल फिर आप लोग इसी टाइम 9 बजे इसको देख सकते हैं, लाइव अपना आंसर भी दे सकते हैं और यह कंप्लीट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, बाकी डेली करंट अफेयर में आपको मॉर्निंग में सुबह 5 o'clock पे प्रोवाइड कि अर्थ आवर डे 30 मार्च 2019 को मनाया जाता है। अगला हमारा कि 5G और गीगाबिट नेटवर्क इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला जिला कौन सा बना? देखिए अगर जिले की बात करें तो हो गया संघाई, लेकिन अगर देश की बात करें तो देश का नाम है दक्षिण कोरिया। राष्ट्रीय स्तर पर 5G नेटवर्क को दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। अगला हमारा कि स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो जुजाना काकुतोवा को स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट हमारा कि आईसीसी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आईसीसी के नए सीईओ हैं मनु साहनी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि गांधी द राइटर नामक पुस्तक किसने लिखा या पुस्तक लिखा गया है? भवानी भट्टाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? भवानी भट्टाचार्य। नेक्स्ट हमारा कि 3 देशों की यात्रा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किन देशों की अंतिम चरण में किस देश की यात्रा पर गए? तो चिली, सबसे पहले गए थे क्रोएशिया, नंबर 2 पे गए थे बोलिविया, नंबर 3 पर कहाँ पे गए थे? चिली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव कौन सा है? तो फाइन जो कि पड़ता है मणिपुर में, यह भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव है। नेक्स्ट हमारा कि कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया या किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, कंधमाल हल्दी। अगला हमारा कि एडीबी के अनुसार 2019 में भारत की विकास दर क्या होगी? तो 7.2% होगी एडीबी के अनुसार। अगला हमारा कि भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? तो मलावी में हुई है इसकी स्थापना। नेक्स्ट है हमारा किस देश ने विश्व में पहली बार 5G राष्ट्रीय स्तर पर 5G नेटवर्क लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है, पहले ही मैंने आपको बता दिया। अगर जिले की बात करें तो चीन का संघाई। अगला हमारा कि मोदी अगेन वाई मोदी इज राइट फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आभास मालदहिया ने लिखा है वाई मोदी इज। अगला हमारा UAE द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है जायद पदक से। नेक्स्ट है हमारा कि NGT की NSSO सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बना है NGT द्वारा ISO सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने समलैंगिकता के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया? तो ऐसा करने वाला है ब्रुनेई, इन्होंने समलैंगिकता के लिए मृत्यु का प्रावधान किया है। केरल में मकड़ी की एक नई प्रजाति पाई गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कि किस दूर संचार कंपनी को हवा और पानी में भी इंटरनेट देने का लाइसेंस मिला? तो BSNL को मिला है। अगला हमारा कि ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ महिला कौन बनी है? तो PV सिंधु बनी है सर्वश्रेष्ठ महिला, जबकि अगर सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की बात करें तो यह बने हैं नीरज चोपड़ा, जो कि जैवलिन थ्रो के प्लेयर है। अगला हमारा कि विश्व बैंक का 13वां अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास बने हैं विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा कि फीफा कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? प्रफुल्ल पटेल है पहले भारतीय। नेक्स्ट हमारा कि IUCN ने किस प्राणी को लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया है? तो ढोल, जो कि एक एशियाई जंगली कुत्ता है। अगला था हमारा कि कितनी नागा महिलाओं ने एक साथ डांस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो 4700। उसके अलावा था हमारा कि देश का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ बनाने का फैसला किया गया है? तो यह बनेगा खजुराहो में। कहाँ पे बनेगा? खजुराहो, मध्य प्रदेश। फिर हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के वाराणसी स्थित केंद्र ने धान की किस नए प्रजाति का निर्माण किया है? तो उसका नाम है DRR44। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच कौन बने हैं? तो यह बने हैं ग्रैहम रीड, या पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए काम करते थे। नेक्स्ट हमारा कि ग्लोबल कूलिंग कोलिजन को हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया? तो डेनमार्क ने लॉन्च किया ग्लोबल कूलिंग कोलिजन को। तुत्सी समुदाय के नरसंहार की 25वीं बरसी कहाँ मनाई जा रही? तो रवांडा में मनाई जा रही है, रवांडा की कैपिटल है किगाली, वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। अगला हमारा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 जारी कर दिया, इसमें किस IIT ने ओवरऑल शीर्ष रैंकिंग प्राप्त किया है? इसका नाम है IIT मद्रास। फिर IMF के अनुसार भारत की GDP 7.5% से घटाकर कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है? 7.3%। कितना होगा? 7.3%। अल्ट्रा लो एमिशन जोन लागू करने वाला पहला शहर लंदन बन गया है। विश्व के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने इसराइल के इसाक हाइक। विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिलता है भारत को। इसके अलावा हमारा कि किस भारतीय स्टार्टअप ने नेक्स्ट बिलियन एंटरप्राइज जीता? तो दोस्त एजुकेशन ने जीता है। एंड
अगला हमारा कि पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट को दिया गया है यह अवार्ड। एंड कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया, तो आइए देखते हैं। अब हम लोग आज से शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। सरस्वती सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है किसे, के शिवा रेड्डी को, ठीक है। यह एक तेलुगु कवि हैं और इनकी रचना है पक्का की ओटी गिल से। और अगर हम लोग बात करें कि सरस्वती सम्मान 2018 या फिर किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1991 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विजडन में विजडन पत्रिका द्वारा लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है, यह नामित किया गया है विराट कोहली को। किसे नामित किया गया है, विराट कोहली को। अगला हमारा कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया, विक्रम नाथ। मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश जो हाईकोर्ट बना है यार, देश का 25वां हाईकोर्ट है, जबकि इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो हाईकोर्ट की संख्या कितनी थी, 24 हाईकोर्ट है, ठीक। अब बात आती है कि विक्रम नाथ इसके पहले क्या थे, क्योंकि इसके पहले यह थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, और इनको नामित किया गया है विक्रम नाथ को एज अ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। इसके पहले एक थे प्रवीण कुमार, सी प्रवीण कुमार, तो कुछ लोग इनको लेके कंफ्यूज होंगे। देखिए ये कार्यकारी चीफ जस्टिस है, ना कि परमानेंट, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा कि किस देश ने मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, तो सबसे पहले तो UAE ने किया जायद मेडल से, और अब किया है रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से। इसे किया है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से, इनको सम्मानित किया है, ठीक है। किस लिए किया है, तो दोनों ने अपने देश में संबंधों को मजबूत करने के लिए इसे किया। इसके अलावा रूस ने भारत से T-90 टैंक खरीदा, टैंक का नाम याद रखिएगा T-90। अगला क्वेश्चन हमारा कि जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो यह बनी है प्रोफेसर नजमा अख्तर। किसने इनका अपॉइंटमेंट किया, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इनका अपॉइंटमेंट किया है। नेक्स्ट हमारा कि बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ, इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह हुआ है यूपी में झांसी के निकट हुआ है। अब अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है कि यह कब हुआ है और किन देशों के बीच हुआ है, तो यह हुआ है 8 से 11 अप्रैल के बीच भारत और सिंगापुर के बीच। इसके अलावा आपको पता होगा कि फेक न्यूज पर कानून किसने बनाया, सबसे पहले सिंगापुर ने बनाया। अगर वहाँ पे कोई भी फेक न्यूज फैलाता है, अफवाह फैलाता है, तो उसको 10 साल तक की जेल हो सकती है। नेक्स्ट हमारा कि WHO द्वारा जारी 15 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा शहर है, तो कानपुर है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन सा है, कानपुर। दूसरे स्थान पे हरियाणा, तीसरे स्थान पे फरीदाबाद, कानपुर, हरियाणा, फरीदाबाद। इसके अलावा जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी, इसके अनुसार सबसे प्रदूषित, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, गुरुग्राम है। सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, दिल्ली, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा कि हाल ही में किस टेलीस्कोप ने ब्लैक होल का प्रथम चित्र लिया है, जिसका नाम है इवेंट होराइजन। इस टेलीस्कोप का नाम क्या है, इवेंट होराइजन। आज तक ब्लैक होल की कोई भी फोटो अवेलेबल नहीं थी। अगला हमारा कि IPL में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं, तो यह बने हैं MS धोनी। या कौन सी टीम के लिए खेलते हैं IPL में, तो चेन्नई सुपर किंग के लिए, और यह 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन चुके हैं। अगला हमारा कि दुनिया की पहली वर्जिन हाइपर लूप वन वाणिज्यिक परियोजना भारत कब शुरू करने की योजना बना रहा है, तो 2025 तक, ठीक। अब ये है क्या, आपको पता है यह चलेगा करीब 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, मतलब बोले तो हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा तेज यह चलने वाला है जो हाइपर लूप प्रोजेक्ट है। इसमें क्या किया जाएगा कि निर्वात में एक बॉक्स की तरह रहेगा, एक व्हील की तरह, गाड़ी की तरह रहेगा, एक ट्यूब रहेगा, वैक्यूम ट्यूब, मैंने इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाया है, उसके अंदर इसको रन कराया जाएगा। ये यात्री बैठेंगे उसमें, ट्रेन कह लें, बस कह लें, या कोई भी सिटिंग टाइप का इक्विपमेंट, उसमें लोग बैठेंगे और वहाँ पे यात्रा कराई जाएगी। बात आती है सबसे पहले इसको कहाँ पे शुरू किया जाएगा, तो मुंबई और पुणे के बीच, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ पर मानव की नई प्रजाति पाई गई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मानव की नई प्रजाति पाई गई है फिलीपींस में, ठीक है। इनका नाम रखा गया है होमो लुजोनेनेंस। क्या रखा गया, नाम याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि होमो लुजोनेसेंस नेसेंस कहाँ पे पाया गया है, तो फिलीपींस में पाया गया है। ऐसा बताया गया कि इनका जो कद है वो 3 से 4 फीट लंबा था, और ये 50,000 से 67,000 तक पुराने हैं। लुजोनेसेंस नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर पाए गए, ठीक। इनमें 2 वयस्कों और 1 बच्चों की 13 हड्डियों और दांतों के आधार पर यह नाम रखा गया है, ठीक। फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला है हमारा फिलीपींस का कैपिटल। अगला हमारा कि किस भारतीय को WSIS प्राइस से 2019 प्राइस प्रदान किया गया है, इसमें हमारा
किस भारतीय राज्य को होगा? यह राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल को दिया गया है। वहां पे दो परियोजनाएं चल रही हैं, सबूज साथी परियोजना और उत्कर्ष बंगला परियोजना। तो इन दोनों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यह किससे संबंधित है? आईटी सेक्टर से संबंधित है। इन दोनों से संबंधित अवार्ड दिया गया है, WSIS प्राइज, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा कि भारतीय आसियान देशों के वरिष्ठ अधिकारी की 21वीं बैठक कहाँ पे संपन्न हुई है? अब देखिए, यह हुई है नई दिल्ली में, याद रखिएगा, वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 11 से 12 अप्रैल को नई दिल्ली में संपन्न हुई है। नेक्स्ट हमारा कि तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में विकसित ग्राफ्टिंग तकनीक संबंधित है या किससे संबंधित है? यह देखिए, बैगन की खेती से संबंधित है। किसकी खेती से? बैगन का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है हमारा ग्राफ्टिंग तकनीकी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में 29वें अबू धाबी अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कब होगा? तो इसमें हमारा सही आंसर होगा 23 अप्रैल को। कब होगा? 23, सॉरी 24 अप्रैल को होगा इसका आयोजन। और इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस चुना गया है? तो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया है भारत को, ठीक है, विशेष अतिथि होगा। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी गैलरी भी होगी यहाँ पे, जो बुक फेयर होगा इसमें सबसे बड़ी गैलरी किसकी होगी? भारत की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कौन सा यूनेस्को स्थल आग में जल करके नष्ट हो गया? तो पेरिस में स्थित है नोट्रे डेम कैथेड्रल, या गोथिक कला का एक नमूना है और यह आग में जल करके नष्ट हो गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस देश ने रावण वन नामक अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया? तो रावण कहाँ से संबंधित है? लंका से। यह उपग्रह कहाँ होगा? श्रीलंका में, ठीक है। तो किसने किया? श्रीलंका ने रावण वन नाम का अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया। नेक्स्ट हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों ने मरीज की जैव सामग्री से विश्व के पहले 3D हृदय का निर्माण किया है? तो ऐसा करने वाले हैं इजराइल। किसने किया है? इजराइल। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, भारत ने, इजराइल ही है हमारा इसमें सही आंसर। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 140वां। कौन सा रैंक है? 140वां। और अगर हम लोग बात करें कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, ठीक, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है फ्रांस में। ये क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि 2018 में भारत की रैंकिंग क्या थी, या फिर नंबर वन पे कौन है 2019 में। देखिए, नंबर वन पे है नॉर्वे और 2018 में भारत की रैंकिंग थी 138वीं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि वरुण शक्ति युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होगा? तो यह होगा भारत और फ्रांस के मध्य होगा। कहाँ पे होगा? गोवा में होगा, ठीक है। इसके अलावा भारत और फ्रांस से हमारे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, तीन क्वेश्चन। एक तो प्रोजेक्ट 75, जिसमें 6 स्कॉर्पियन 3D की पनडुब्बियों का निर्माण करना है, वह भी प्रोजेक्ट भारत ने किसके साथ साइन किया है? फ्रांस के साथ। दूसरा है कि 70+ सुपर कंप्यूटर बनाने का जो प्रोजेक्ट है, वह भी भारत ने किसके साथ साइन किया है? फ्रांस के साथ। इसके अलावा मिशन गगनयान के जो साइंटिस्ट होंगे, उनको प्रशिक्षण कौन देगा? फ्रांस। तो याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। अगला हमारा कि रॉयल सोसाइटी फेलोशिप प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? गगनदीप कांत बनी है पहली भारतीय महिला। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो लंदन के द्वारा दिया जाता है। 1663 में इसकी शुरुआत की गई थी। साइंस, मैथ और अगर हम लोग बात करें तो मेडिकल के क्षेत्र में इसको प्रोवाइड किया जाता है। इनको क्यों मिला? इनको मिला है रोटा वायरस तथा टाइफाइड के स्वदेशी टीके के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, इसलिए। ठीक, गगनदीप कांग एक भारतीय जैव वैज्ञानिक हैं और ऐसा पहली बार हुआ 359 वर्ष के इतिहास में कि किसी भारतीय को यह अवार्ड मिला है। तो आप सोच सकते हैं क्या कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिला कौन बनी? तो क्रिस्टीना कोच बनी है, ठीक है। या 328 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगी, मतलब फरवरी 2020 तक स्पेस में रहेंगी, और यह 14 मार्च को पहुंच चुकी हैं स्पेस में। इसके पहले अगर हम लोग बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों में स्कॉट कैली ने बनाया है 340 दिन, सर्वाधिक दिन अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा कि देश का पहला वोटर पार्क कहाँ पे बना है? तो गुरुग्राम में बना है देश का पहला वोटर पार्क। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारे ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में ही है। और विश्व का सबसे प्रदूषित शहर भी कौन सा है? गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मिशन के द्वारा पृथ्वी की तरह के ग्रह HD 21749C की खोज की गई है? इसकी खोज की गई है टेस मिशन के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट मिशन, ठीक है। इन्होंने बताया कि ये जो ग्रह है HD 9C या पृथ्वी के व्यास का 89% है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। इसकी शुरुआत हुई थी 1977 में और इसमें कुल 192 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी थीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम है प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। क्या है? प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज इसकी थीम है। नेक्स्ट है हमारा कि क्रोनोस मालवेयर संबंधित है किससे? यह एक कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले आया था एक वना क्राई करके एक वायरस आया था,
उसके तोड़ जिस वैज्ञानिक ने निकाला था, जिस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने, उसी ने बैंकिंग संबंधित जानकारी चुराने के उद्देश्य से क्रोनोस नाम के मालवेयर को डेवलप किया है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस भारतीय क्रिकेटर को रेड बस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले कप्तान भी कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक, अगला हमारा कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में शीर्ष पर कौन सा देश है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। इसमें देखिए स्विट्जरलैंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। और यह डेटा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल, टाटा कम्युनिकेशन और एडिको समूह के द्वारा। इसमें जो टॉप 10 की अगर हम लोग बात करें तो यूरोपियन कंट्री शामिल है। जैसे नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 पे सिंगापुर है, 3 पे अमेरिका है। बात आती है कि भारत की क्या रैंक है, तो प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक 80 है। ठीक है, 2018 में कितनी थी? 81 थी 2018 में भारत की रैंक। अगला हमारा कि चुनाव आयोग ने एंड्रॉयड यूजर के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका नाम है वोटर टर्नआउट ऐप। सीबीसीबीसी से संबंधित है, वीवीआईपी भी, लेकिन हाल ही में कौन सा लॉन्च किया गया है? वोटर टर्नआउट ऐप, जो कि एक एंड्रॉयड यूजर फ्रेंडली ऐप है। इसमें क्या किया जाएगा कि रियल टाइम स्टेटस जाना जा सकेगा कि किस पार्टी को वोट पड़ रहा है, मतलब कहाँ कहाँ पे वोट पड़ रहे हैं अभी भी। ठीक, अगला हमारा कि 73वीं संतोष ट्रॉफी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है हमारा पंजाब में। कहाँ पे हुआ है? पंजाब में इसका आयोजन हुआ है। ठीक, इसके अलावा जो टाइम कैप्सूल था उसको साइंस, जो हमारा कांग्रेस फेयर हुआ था उसको टाइम कैप्सूल को पंजाब के एलपीयू में, पंजाब की एक यूनिवर्सिटी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इसमें गाड़ा गया है आने वाले 100 सालों के लिए। अगला हमारा कि चाय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कितने देशों ने एक साथ एशियन टी अलायंस में सम्मिलित हुए? तो 5 देश हैं। कौन कौन सा है? पहला तो है भारतीय चाय संघ, दूसरा है चीन चाय विपणन संघ, तीसरा हमारा इंडोनेशियाई चाय विपणन संघ, चौथा हमारा श्रीलंका चाय बोर्ड, पांचवा हमारा जापान चाय एसोसिएशन। ये चाय के उत्पादन और उसके निर्यात को बढ़ावा देंगे। अगला हमारा विश्व का पहला मलेरिया का टीका किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है अफ्रीका में, लॉन्च किया गया है। ठीक, इसका कब लॉन्च किया गया? तो 25 अप्रैल को लॉन्च किया गया। क्यों? क्योंकि 25 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस के रूप में। और जो मलेरिया है यह मादा एनाफिलीज के काटने से फैलती है, और परजीवी कौन सा होता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। फिर हमारा कि किस देश ने रामायण पर विशेष टिकट जारी किया है? तो इंडोनेशिया ने रामायण पर विशेष डाक टिकट जारी किया है। क्यों? क्योंकि भारत और इंडोनेशिया के 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इस वजह से इसको जारी किया गया है। अगला हमारा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को 17वां स्थान मिला है। 2018 में अगर हम लोग बात करें तो भारत टॉप 100 में था। ठीक है, 2017 में 37वें स्थान पे था और 2018 में इसको 17वां रैंक मिला है। नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे है अमेरिका, यूएसए है नंबर 1 पे। अगला क्वेश्चन हमारा कि कैंसर तैयारी सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? कैंसर का देखिए कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और इसकी तैयारी में भारत की रैंक है 19वीं। ठीक है, किसने यह रिपोर्ट जारी किया है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। इसमें कुल 28 देश हैं जिसमें नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। फिर हमारा कि किस भारतीय ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ऐसा करने वाले हैं बजरंग पुनिया ने जीता है पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता? यह जीता है राणा दास गुप्ता ने अपनी रचना सोलो के लिए। रचना का नाम क्या है? सोलो नाम है और उसके लिए उन्होंने जीता है यह अवार्ड। फिर हमारा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 660 जिलों के सभी 6500 ब्लॉकों को ब्लॉकों के स्तर का मौसम का पूर्वानुमान जारी करने की क्षमता स्थापित करने पर काम कर रहा है। यह प्रोजेक्ट अब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो यह 2020 तक। इसमें क्या किया जाएगा? जो भी ब्लॉक होंगे वहां पे मौसम का पूर्वानुमान किया जा सकेगा। अगला हमारा कि हाल ही में चक्रवात केनेथ कहाँ पर आया? तो अभी आया था, मैंने आपको बताया था इदाई, जो कि मोजाम्बिक में आया था। और अभी मोजाम्बिक जो इदाई चक्रवात से मोजाम्बिक उबरा ही नहीं था कि दूसरा कौन सा आ गया है? केनेथ। ठीक, इसकी स्पीड कितना है? 200 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है। देश की पहली टेलीप्रेजेंस सुविधा कहाँ पर शुरू हुई है? तो भारत में पहली टेलीप्रेजेंस सुविधा शुरू हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में। यहाँ पे एक साथ अलग अलग जगह पर मौजूद लोगों को कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक साथ जोड़ा जा सकेगा, जिसमें लोगों को आभास होगा वे सभी लोग आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक, अगला हमारा कि भारत ने मलेरिया उन्मूलन के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो इसने लॉन्च किया है मेरा इंडिया। कौन सा है?